ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता आराष्ट्री राजन्यः शूरैष व्योतिव्याधि महारथो जायता दुग्ध्रीधीनुर्वूढा नड्वा नाशुः सप्तः पुरन्द्रयोसा जिष्णोरतिष्ठाः सभीयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामी निकामी नः परजन्यो वर्षतु फलवत्यौ न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए स्वदेशी को अपनाने का एक व्रत लेते हैं। मेरे तन में मन में विचारों में हृदय में भाव में स्वदेशी का पूर्ण आग्रह रहेगा, स्वदेशी का पूर्ण व्रत। यह व्रत लिया था पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने, यह संकल्प किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और स्वदेशी के लिए स्वराज्य के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था महात्मा गांधी ने। गुरु राम सिंह से लेकर के महर्षि दयानंद से लेकर के हम अपने तमाम क्रांति वीरों को देखते हैं। योगी आज के युग के महामानव श्री अरविंद घोष से लेकर के हम तमाम अपने संतों को, अपने महापुरुषों को, क्रांति वीरों को देखते हैं, तो वो स्वदेशी के लिए ही जिए और स्वदेश के लिए उन्होंने अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान दिए थे। तो ये संकल्प हमारा, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, ओ मे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, ओ मे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। हमारे स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने से किसी के हाथ को काम मिलता है, किसी बेसहारे को सहारा मिलता है। स्वदेशी के उत्कर्ष से, स्वदेशी के व्रत से, स्वदेशी के पालन से इस देश के करोड़ों लोगों को खुशियां मिलेंगी। तो हमें वस्त्र तो प्रयोग करना ही है, हमें साबुन, शैंपू, हमें जूता, चप्पल, टूथपेस्ट, आटा, नमक, जो भी हमें प्रयोग करना है वो हमारा स्वदेशी ही होगा, और इससे देश के करोड़ों लोगों को खुशियां मिलेंगी, उनके हाथों को काम मिलेगा, उनको भी दो वक्त की रोटी खाने के लिए दाम मिलेगा, उनकी जेबों में दाम होगा, उनके हाथों में काम होगा, उनको भी आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक मिलेगा। कोई भी बेबस लाचार होकर के, दरिद्र होकर के, भूख और अभावग्रस्त होकर के नहीं जिएगा मेरे वतन में, कोई भूखा नहीं सोएगा। हाँ, बहुत बड़ा सपना है स्वदेशी का। आइए इसी संकल्प को दोहराते हैं। मानव का धर्म क्या है, मानव का दर्द जाने, मानव का धर्म क्या है, मानव का दर्द जाने, जो करे मनुष्यता के, जो करे मनुष्यता के, रक्षा वही स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाओ तो भी मेरा, मर जाओ तो भी मेरा,
प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर की जेल में बैठकर के पंक्तियां लिखी थी। क्या पंक्तियां थी? तन में ही बसना स्वदेशी, हमारे तन पर, हमारे बेडरूम से लेकर के हमारे बाथरूम तक, रसोई घर तक, हमारे घर से लेकर के ऑफिस तक, और हमारे सिर से लेकर के एडी तक, एडी से लेकर के चोटी तक, हमारे इस शरीर से लेकर के क्षेत्र से लेकर के हमारे खेत तक, हम स्वदेशी का ही प्रयोग करेंगे। ये संकल्प, और ये संकल्प हमारे क्रांति वीरों का था, ये संकल्प हमारे महापुरुषों का था, और इस संकल्प में जीने का व्रत आज हम लेते हैं। और जो भी देशभक्त संवेदनशील जागरूक भाई बहन है, वो इसी संकल्प के साथ अब जिएंगे तो हम सच में देश को बहुत उत्कर्ष तक, ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। आइए गाते हैं। तन में बसन स्वदेशी, मन में लगन स्वदेशी, तन में बसन स्वदेशी, मन में लगन स्वदेशी, फिर हो भवन भवन में, फिर हो भवन भवन में, विस्तार हो स्वदेशी, मेरा हो स्वदेशी। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वदेशी का व्रत हर भारतीय, हर देशभक्त, हर देश की सजग और जागरूक भाई बहन को लेना है। हम अनजाने में ही देश का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, हम अनजाने में ही देश को कमजोर बनाते हैं। देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक शक्ति होती है। जो देश दरिद्र है, जो देश गरीब है, वो कभी भी दुनिया में सिर उठाकर के सम्मान के साथ खड़ा नहीं हो सकता, जी नहीं सकता। हम यदि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो सबसे बड़ी इस देश की आर्थिक हानि होती है, और देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर पड़ता है, देश दरिद्र होता है, देश की साधनों पर, देश की संपत्ति पर, देश की प्रतिभाओं पर दूसरे देशों का अधिकार हो जाता है, तो इससे देश कमजोर पड़ता है। हम अपने नित्य प्रयोग की वस्तुएं हो, हमारे घर में, ऑफिस में, दुकान में, मकान में, हमारी जिंदगी में जो भी हम कुछ प्रयोग कर रहे हो, हमारी पेन से लेकर के, हमारी घड़ी से लेकर के, हमारे टूथपेस्ट से लेकर के, साबुन से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, जूते चप्पल से लेकर के, जो भी हम विदेशी सामान जो हम प्रयोग में लाते हैं, विदेशी वस्त्र हम प्रयोग में लाते हैं, इससे देश का प्रतिवर्ष जो अभी वर्ष 2008-09 के आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग 2,32,000 करोड़ रुपए का, ये तो ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड, जो नंबर एक में वो लोग सामान बेचते हैं और उससे देश का धन लूटते हैं, उसके आंकड़े हैं। और अपने देश में अपने स्वदेशी उद्योगों के प्रति सरकार का ध्यान न होने से, स्वदेशी अर्थव्यवस्था ना होने से करीब 6,75,000 करोड़ रुपए का हम भारत से सामान खरीदते हैं, लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए का दवाओं पर खर्चा होता है। यदि हम स्वदेशी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते और अपने जो ग्रामीण उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको मजबूत बनाते, तो हम अपने पड़ोसी देश, कम से कम चीन का ही उदाहरण अपने आंखों के सामने रखते, तो भी हम करीब हर वर्ष 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते थे, पूरे विश्व बाजार में अपनी वस्तुएं बेच सकते थे, हमारे पास वो सामर्थ्य है। तो हम कम से कम 8-10 लाख करोड़ रुपए का देश को आर्थिक अतिरिक्त योगदान दे सकते थे, और गांव की समृद्धि के प्रति हमारा ध्यान होता स्वदेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति, तो हम कम से कम 5 से 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त अन्न पैदा कर सकते थे। इस तरह से यदि स्वदेशी अर्थव्यवस्था का आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो करीब 25 से 30 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष
हम देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान दे सकते हैं। यह हमारे देश के नेतृत्व के, हमारे देश के रहनुमाओं के, हमारे देश के नीति निर्धारकों की दरअसल ये बात समझ में आती ही नहीं है, और इसी कारण से देश का आज तक आर्थिक दोहन होता रहा। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप विचार कीजिए कि प्रति वर्ष यदि देश में 25 लाख करोड़ रुपए आता है तो उससे देश कितना मजबूत बनता है, और हर वर्ष जाने अनजाने आज हमारे देश का लगभग 20 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहा है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, विदेशी कंपनियों के हाथों में अपने देश की संसाधनों को, देश की संपत्ति को, देश के वैभव को हम लुटा रहे हैं। तो फिर हमारी आजादी का अर्थ क्या रह गया? और हम यदि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो उससे जो है जो पैसा मिलता है वो विदेशी कंपनियों को मिलता है। विदेशी कंपनियां कभी भी अपना देश का हित नहीं करती हैं। जो ये गलत हमें तर्क दिए जाते हैं, हमें बहकाया जाता है, भ्रमित किया जाता है, और एक पूरे षड्यंत्र के तहत पूरे देश के अंदर कुछ अफवाहों को फैलाया जाता है, गलत बातों का प्रचार किया जाता है कि विदेशी कंपनी आएंगी, फॉरेन करेंसी हमारे देश के अंदर आएगी, वो आएंगी तो हमारे यहाँ देश में रोजगार बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगी, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये सारी की सारी निराधार झूठी बातें हैं, और एक पूरे षड्यंत्र के तहत इन बातों का प्रचार किया जाता है और देश को लूटने के लिए विदेशी हाथों में सौंप दिया जाता है। ये पूरे के पूरे तथ्य और आंकड़ों के साथ इन बातों के आपके बीच में रखा जाएगा कि विदेशी कंपनियां कितनी पूंजी लेकर के आई और कितनी पूंजी अनुमानित वो लूट करके लेके गई, उनके आने से कितने भारत के लोग बेरोजगार हुए, कितनी टेक्नोलॉजी वो हमारे यहाँ पर लेकर के आई, टेक्नोलॉजी विदेशियों ने हमको दी, अपने देश के लोगों ने ही अपने देश में विकसित की, चाहे वो सुपर कंप्यूटर की बात थी या सैटेलाइट की बात थी या चंद्रयान की बात थी या परमाणु बम की बात थी, हमने टेक्नोलॉजी विदेशों से हासिल की, अपने देश के लोगों ने विकसित की, और विदेशों में भी हमारे देश के लोग ही विकसित कर रहे हैं। और विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर निर्यात बढ़ाती हैं या निर्यात को घटाती हैं। और एक मैं बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मनाक बात, और अनजाने में जिसको हम अंजाम दे रहे हैं, कर रहे हैं, कि हम जो विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं उससे देश का पैसा बाहर जाता है। देश का पैसा बाहर भेजना ये देश के साथ वफादारी नहीं, देश के साथ गद्दारी है। तो हम यदि विदेशी सामान हम प्रयोग में लाते हैं, विदेशी भेषज प्रयोग में लाते हैं, इस सब से देश का पैसा देश के बाहर जाता है, और देश का पैसा देश से बाहर भेजना ये देश के साथ, मैंने कहा, वफादारी नहीं, देश के साथ में क्या है, गद्दारी। तो हम एक संकल्प लेंगे कि हम अनजाने में भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, तो ये देश के लोगों को समझाएंगे कि जो हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं ये देश के साथ में बहुत बड़ा हम धोखा कर रहे हैं, देश के साथ में हम बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। कम से कम हम ऐसा तो काम करें कि आने वाली पीढ़ियां हमें देश के गद्दारों में नहीं, देश के वफादारों के रूप में हमको याद करें। ऐसा हमको कुछ करना है, और ये संकल्प देश के करोड़ों लोगों में हमको जगाना है। स्वदेशी मात्र वस्तु या स्वदेशी वस्त्र ही नहीं, स्वदेशी एक बहुत बड़ा विचार है, एक बहुत बड़ा चिंतन है। जहां जहां स्वदेश का अभिमान जुड़ा हुआ है, जहां जहां देश का सम्मान जुड़ा हुआ है, वह देश की भाषा हो, वह देश का भेषज हो, देश की वेशभूषा हो, वह देश की परंपराएं हो, देश की संस्कृति हो, देश की आस्थाएं हो, देश के विश्वास हो, तो स्वदेशी एक बहुत विराट दर्शन है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता से लेकर के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता है। ऐसा विचार, ऐसा चिंतन, ऐसा संकल्प, ऐसा व्रत। और स्वदेशी को अपनाने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, स्वदेशी को अपनाने के पीछे हमारा कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है, कोई हठ नहीं है, स्वदेशी को अपनाने के पीछे हमारा किसी कंपनियों के साथ में कोई टकराव, कोई हमारी तकरार नहीं है, स्वदेशी के पीछे हमारा कोई अज्ञान नहीं है कि हम अज्ञान के विषयभूत होकर के या अंधानुकरण कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज स्वदेशी का प्रयोग करते थे इसीलिए हमको करना है, बल्कि स्वदेशी का प्रयोग, उसके पीछे हमारे तर्क हैं, उसके पीछे देशहित की भावना है, उसके पीछे इस राष्ट्रहित की भावना ही नहीं, एक आम गरीब का दर्द है, उस पीड़ा है, और ये सारा का सारा दर्शन आज आपके सामने हम रखेंगे। और एक अंतिम आग्रह मेरा, और एक आह्वान, एक अपील, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक विनती देश के मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग से। देखो,
समाज के बड़े लोग, समाज के सभ्य कहे जाने वाले लोग, समाज का मध्यम वर्ग जिन वस्त्रों का प्रयोग करता है, जिस वेशभूषा का प्रयोग करता है, देश के नीचे वाला जो तबका है, देश का आम आदमी है, जो गरीब आदमी उस अमीर का ही अनुसरण करता है। आप गरीब से पूछें आप बिस्किट क्यों खाते हैं, बोले बाबूजी बिस्किट खाते हैं इसलिए बिस्किट खाता हूं। गरीब वो आदमी 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट लेकर के आता है, वो 10 रुपए में 1 किलो चावल ला सकता है, 10 रुपए में जो बिस्किट लाता है वो 100 ग्राम बिस्किट मिलता है, वो 10 रुपए में अपने परिवार का पेट भर सकता है 10 रुपए के चावल के अंदर, लेकिन वो बिस्किट खाता है क्यों, बाबूजी बिस्किट खाते हैं। वो ब्रेड खाता है क्यों, बाबूजी ब्रेड खाते हैं। वो उसके बच्चे भी चॉकलेट मानते हैं, गरीब के बच्चे भी, क्यों, बाबूजी के बच्चे चॉकलेट खाते हैं। चाहे उसको पता नहीं है कि पेंट का क्या मतलब है तो भी वो पेंट पहनता है, क्योंकि बाबूजी पेंट पहनते हैं। वो गरीब आदमी भी टाई लगाता है, क्योंकि बाबूजी टाई लगाते हैं। वो गरीब आदमी भी जिसको दांत तुन नीम की और बबूल की मिलती है उससे उसके दांत ज्यादा मजबूत रहेंगे, लेकिन वो भी नीम और बबूल की दांत तुन करना उसने छोड़ दिया, वो भी जो है टूथपेस्ट करता है, क्योंकि बाबूजी बड़े आदमी, ऑफिसर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, जो समाज के मध्यम वर्ग के उच्च वर्ग के लोग हैं, जो उससे ऊपर वाले हैं, उनको देखता है और उनसे वो सीखता है। तो उसने दांतुन करना छोड़ दिया नीम और बबूल का, जो कि बहुत जरूरी था, उसने टूथपेस्ट किया, उसमें केमिकल भरे हुए उनको प्रयोग कर रहा है, वो मंजन नहीं करता है, वो टूथपेस्ट करता है। बाबूजी सुबह सुबह उठ के दांतुन करते हैं। वो भी जो है वो जिलेट की विदेशी ब्लेड ला करके सेव बनाता है, क्यों, बाबूजी जिलेट से सेव बनाते हैं, वो साबुन लगाते हैं। पहले मैंने कभी किसी को साबुन लगा के सेव करते नहीं देखा, पहले क्या करते थे, नारियल का तेल लगा के सेव किया करते थे। नारियल का तेल लगा के सेव करो तो 100 साल तक चेहरे के ऊपर चमक रहती है। दो मुहे बाल पैदा नहीं होते, और भाई जिसको हमारी तरह पूरी रखनी हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सेव करने की जरूरत ही नहीं। बाबूजी क्योंकि वो साबुन लगा करके सेव करते हैं, इसलिए आम आदमी भी वैसे ही सेव करने की कोशिश करते हैं। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों ने चोटी कटवा दी तो गरीब ने भी चोटी कटवा दी, बाबूजी ने चोटी कटवाई तो मैं भी कटवा देता हूं। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग ने यज्ञोपवीत पहनना छोड़ दिया तो नीचे वाले ने भी छोड़ दिया, कि बाबूजी ने छोड़ दिया ना, बाबूजी ने जनेऊ की जगह टाई पहन ली, उसे टाई का अर्थ पूछो तो कुछ नहीं पता उसको। और टाई एक वर्ग विशेष के लिए आदर्श हो सकती है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के लिए वो आदर्श नहीं हो सकती, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की जलवायु उसके अनुकूल नहीं हो सकती। लेकिन विदेशी लोगों को देख देख करके हमारे देश के कुछ विदेशी मानसिकता वाले लोगों ने टाई को पहन लिया तो नीचे वाला आदमी भी जैसे विसुटेड बूटेड होकर के टाई पहन करके चलता है, क्यों, क्योंकि बाबूजी टाई पहनते हैं। वो भी विदेशी कंपनियों का साबुन, वो भी विदेशी कंपनियों का शैंपू खरीदता है, वो भी विदेशी कंपनियों का ही पानी पीता है, बोतल बंद पानी, क्यों, बाबूजी ऐसा करते हैं। तो जो मध्यम वर्ग के लोग करते हैं, उच्च वर्ग के लोग करते हैं, नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता भी कहती है, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तद्दत्तद ए इतरो जना सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तदनुवर्तते। लोगों ने धोती पहनना क्यों छोड़ दिया, आम आदमी ने, क्यों, बाबूजी ने धोती पहनना छोड़ दिया, हमने अपनी वेशभूषा को छोड़ दिया। औरंगजेब एक अत्याचारी राजा आया, उसने कहा तुम्हारे गले में जनेऊ रहेगी तो सिर कत्ल कर दिया जाएगा, दो में से एक ही काम हो सकता है, या तो जनेऊ उतारो या गर्दन कटवा लो। लोगों ने गर्दन ही कटवा ली लेकिन जनेऊ नहीं उतरवाई। यह हमारा इतिहास है, ये जो पवित्र माने जो हमारी ऋषि संस्कृति का, हमारा ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋषि ऋण उसका प्रतीक है, और इसके लिए हमारे गुरुओं ने शहादत दी, बलिदान दिए और उस आतताई का अंत किया। लेकिन आज हम अपने आप ही ये जो कोई तो उतरा दी, चोटी उतरवा दी, अब अपना क्या रहा, वस्त्र इधर एडिडास लिखा रहता है ना तो सोचते हम कोई बड़े घर के लोग हैं, तो वो गरीब वाला भी वो नकली एडिडास मिलता है फिर उसमें, तो नकली एडिडास की चाहिए वो शर्ट पहननी पड़े, लेकिन एडिडास की पहनता, क्यों, बाबूजी ने वो एडिडास वाला पहना हुआ था। ये एडिडास मल्टीनेशनल कंपनी है, वो तुम्हारे लिए गर्व की बात नहीं, जो विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करता है वो गर्व की बात नहीं, वो शर्म की बात है। पूरे देश में ऐसा एक विचार पैदा होना चाहिए। जो कोलगेट का, पेप्सोडेंट का वो कोई भी प्रयोग करता है वो गर्व की बात नहीं, वो शर्म की बात है। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोग एक व्रत कर लें कि हमें स्वदेशी का व्रत ही करना। महात्मा गांधी के उस जमाने में ऐसा हुआ था,
के बड़े लोगों ने आग्रह पूर्वक स्वदेशी का व्रत लिया था और तमाम विदेशी चीजों का बहिष्कार किया था। मुझे लगता है फिर से उसी संकल्प की आवश्यकता है। आज हम अपने पैरों में बाटा के जूते चप्पल ना पहने, इस स्वदेशी के व्रत को, इस स्वदेशी के आंदोलन को हमें बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना है। हम लोगों को पता ही नहीं लगता है कि यह स्वदेशी सामान है या विदेशी, और बहुत जल्दी ही हम इस तरह की एक नई परंपरा डालने वाले हैं और तमाम जो 100% स्वदेशी कंपनियां हैं उनका बहुत जल्दी ही राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन भी बनाने वाले हैं। और वो अपने जो नित्य प्रयोग की हमारी वस्तुएं हैं खास करके उनके ऊपर लिखें कि ये, और उसका एक हम पूरा का पूरा एक लोगो और उस कुछ ना कुछ उसका एक चिन्ह बनाने वाले, तो जिससे कि आम आदमी को भ्रम पैदा ना हो और ये स्वदेशी का संकल्प जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, गांव गांव तक पहुंचे और पूरा देश 100% स्वदेशी में हो जाए, ऐसा संकल्प हमें लेकर के जाना है। आज हम कहने को स्वतंत्र हैं, कहने को हम अपने देश में जी रहे हैं, लेकिन हमारा अपना क्या है? अपनी भाषा, अपनी भेषज, अपने न्याय व्यवस्था, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी चिकित्सा व्यवस्था, क्या है अपना? सब कुछ तो हमारा तन मन विचार भाव संस्कार सब कुछ विदेशियों जैसा है, तो फिर कहां हम भारतीय कहलाएं? गर्व से को हम भारतीय हैं, अरे गर्व से तो तब कौन है जब अपनी भाषा हो, अपनी भेषज हो, अपनी भूषा हो, अपना भजन हो, भजन भी हमारी विदेशी, भेषज भी हमारी विदेशी, वेशभूषा हमारी विदेशी, जूते चप्पल हमारी विदेशी, टूथपेस्ट हमारी विदेशी, सब कुछ विदेशी विदेशी विदेशी। ये बात इस पूरे देश को समझाएंगे और मैं पूरा भरोसा रखता हूं पतंजलि योगपीठ परिवार के तमाम योग शिक्षक भाई बहन और इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए ही नहीं, जो नहीं भी जुड़ पाए प्रत्यक्ष रूप से सदस्य आदि के रूप में, जो भी भारत माता से प्रेम करते हैं, उन स्वदेश से प्रेम करने वाले, राष्ट्र से प्रेम करने वाले, देश को सबसे बड़ा और ऊंचा दर्जे पर देखने वाले, उन सभी भाई बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि एक व्रत लें कि 100% हमें स्वदेशी का ही प्रयोग करना है। ये व्रत और क्यों करना है, इसके पीछे राष्ट्रहित की भावना है, इसके पीछे वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा अतीत का दर्द है और भविष्य की बहुत बड़ी चिंता, बहुत बड़ा संकल्प। और देश के लोगों को हम समझाएंगे तो समझ में आएगी। जब मुझे समझ में आई ये बात तब मैंने विवेक पूर्वक स्वदेशी को स्वीकार किया था, ऐसे बहकावे में आकर के नहीं, अज्ञान में इस बात को स्वीकार नहीं किया था, हठ दुराग्रह से अहंकार या स्वार्थ से वशीभूत होकर के इस बात को स्वीकार नहीं किया था। और आज मैं विदेशी साबुन से हाथ नहीं धोता हूं, विदेशी शैंपू का तो प्रश्न ही नहीं, और अब तो आपको आश्रम के इतने सुंदर उत्पाद मिल गए हैं। आश्रम के भी उत्पादों में देखो, मानो कि आप साबुन ही प्रयोग में लाते हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप आश्रम का ही केवल उत्पाद प्रयोग में लाएं, जहां पर भी आप स्वदेशी वस्तु देखें, और उसमें हम अभी और भी कुछ चीजों को करने वाले हैं, इसमें गुणवत्ता पूरी रहे, मूल्यों का निर्धारण ठीक से हो, बस आश्रम एक खास बात है जो दूसरे नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है वो, क्योंकि आश्रम के बने हुए जो उत्पाद हैं, पहली बात तो इसमें गुणवत्ता पूरी है, चाहे साबुन हो शैंपू हो, लेकिन इसकी अगली बात एक और है कि इससे होने वाला जो लाभांश का प्रयोग है वो 100% राष्ट्रहित के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वैयक्तिक हितों के लिए उसका प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ये एक बड़ी बात है, ये कोई दूसरी स्वदेशी कंपनियां भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उनको अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान चलाने, उनको और ज्यादा अपने उद्योगों का विस्तार देना, और ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, मैं उसमें कोई दोष भी नहीं मानता, क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, इसलिए हमने इस अभियान को राष्ट्र सेवा के रूप में लिया है। लेकिन जो व्यापार कर रहे हैं मेरे देश के भाई बहन, वो भी इस देश की समृद्धि के लिए ही काम कर रहे हैं, और उद्योग हमारे विकास के मंदिर है, इसलिए आश्रम से तुलना करके सबको नहीं देखना चाहिए, जो भी स्वदेशी उद्योग हैं उनको हमें पूर्ण सम्मान के साथ देखना चाहिए। और हम एक स्वदेशी उद्योगों की इतनी बड़ी ताकत हम बढ़ाना चाहते हैं इस देश में कि सभी क्षेत्रों से विदेशी कंपनियां मुंह की खाएं, वो पराजित होकर के
ऐसे ही भारत छोड़ करके जाएं जैसे रात को 12 बजे अंग्रेज भारत छोड़ करके भागे थे। इस तरह का एक विचार, एक जज्बा इस देश में हमको पैदा करना है। यही विचार आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे भाई राजीव जी, जो स्वदेशी के ऊपर वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और मुझे लगता है हम पूरे देश के लोगों को तथ्यों के साथ में, तर्क के साथ में अपनी बातों को समझाएंगे। और जब हम तर्क के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात को रखेंगे देशहित की भावना से देश के लोगों के सामने, तो निश्चित रूप से देश के लोग स्वदेशी को अपनाएंगे और हम देश को बचा पाएंगे। करोड़ों लोग हम इस देश में पैदा करेंगे जो भेषज में, भाषा में, भूषा में, भजन में, भोजन में 100% स्वदेशी को अपनाएंगे। और स्वदेशी को अपना करके इस देश को हम बचाएंगे, नहीं तो ये विकासशील और गरीब देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा उनके संपूर्ण संसाधनों और संपत्ति पर विदेशी कंपनियां कब्जा करके उनको आर्थिक गुलामी, क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं अपने अपने युग में देशों को गुलाम बनाने के। तो आज देश को जो गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम इस देश की आजादी को किसी भी कीमत पर मिटने नहीं देंगे। ये संकल्प है हमारा। मैं भाई राजीव जी को आगे के उद्बोधन के लिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरह से विदेशी कंपनियां षड्यंत्र रच करके देश को लूटती हैं, बर्बाद करती हैं, तबाह करती हैं और गुलाम बना करके छोड़ देती हैं, और उस देश के अंदर फिर किसी भी तरह का स्वाभिमान फिर बसता नहीं है। तो विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र के बारे में पूरे तथ्य और आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक तर्क के साथ में और तथ्यों के साथ में अपनी बात रखेंगे, और आप उन्हीं तथ्यों और आंकड़ों को देश के अंतिम गांव के आदमी तक लेकर के जाएंगे। और मैं पूरा भरोसा रखता हूं पूरा देश स्वदेशीमय होगा। भाई राजीव जी, परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने भारत देश में विदेशी कंपनियों की लूट और उसका विकल्प स्वदेशी, इस विषय पर कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े, कुछ जानकारियां और कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। हमारे भारत देश में इस समय तो लगभग 5000 विदेशी कंपनियां पूरे भारत देश में व्यापार कर रही हैं। इनमें से कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो सीधे अपनी शाखा स्थापित करके भारत में व्यापार कर रही हैं। कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके व्यापार कर रही हैं। सीधे व्यापार करने वाली कुछ कंपनियां हैं, जैसे पेप्सी कोला है, कोका कोला है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, रैकेट एंड कोलमैन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, सीबग आईगी है, नोवार्टिस है, हिंदुस्तान लीवर है। ये सारी कंपनियां सीधे व्यापार करती हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके व्यापार करती हैं, जैसे कावासाकी बजाज है, इंडो सुजुकी है, हीरो होंडा है, यामाहा माज़दा है। तो ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो समझौते करके काम करती हैं और कुछ कंपनियां हैं जो सीधे काम करती हैं। और समझौते दो तरह के होते हैं, एक तो कुछ कंपनियां तकनीकी रूप से समझौते करती हैं भारत में, और कुछ कंपनियां वित्तीय रूप से समझौते करती हैं, पूंजी के आधार पर समझौते करती हैं। तो सीधे काम करने वाली, समझौता करके काम करने वाली कुल कंपनियों की संख्या लगभग 5000 है। इन कंपनियों को हमारे देश में बुलाया गया है, बाकायदा इनको निमंत्रण दिया गया है। इन कंपनियों के लिए हमारी सरकारों ने लाल कालीन बिछाया है और इनका ऐसे स्वागत किया है जैसे कभी भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे कुछ राजा महाराजाओं ने स्वागत किया था। हमारे देश में सन 1991 से सरकार की एक नीति चल रही है, उस नीति का नाम है उदारीकरण, उसका एक दूसरा नाम है वैश्वीकरण, और एक उसका तीसरा नाम है निजीकरण। अंग्रेजी में इसको ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। आप नियमित रूप से अगर समाचार पत्र पढ़ते होंगे, अखबारों को पढ़ते होंगे, टेलीविजन चैनल पे न्यूज देखते होंगे, तो बार बार आपको ये शब्दों के बारे में जानकारी मिलती होगी कि भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति के तहत
इतनी विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया। कभी ऐसा समाचार आता है कि भारत सरकार ने वैश्वीकरण की नीति के तहत इतनी अधिक विदेशी पूंजी निवेश के समझौते किए, कभी ऐसा समाचार आता है कि भारत सरकार ने तकनीकी आयात करने के लिए इतनी विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया। ऐसे समाचार हमारे जीवन में पिछले करीब 15-17 वर्षों से नियमित रूप से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इन नीतियों के तहत ये विदेशी कंपनियों को बुलाया जा रहा है। सरकार को जब ये कहा जाता है कि आप इन विदेशी कंपनियों को क्यों बुला रहे हैं, जबकि हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि गलती से हमने 17वीं शताब्दी में एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला लिया था और हम 200-250 साल के लिए गुलाम हो गए थे, अब आजादी के 62-63 वर्षों के बाद 5000 से ज्यादा कंपनियों को बुलाना क्या देश की आजादी को गिरवी रखने जैसा नहीं है? क्या हमारी देश की आजादी के साथ कोई समझौता तो नहीं हो रहा है? क्या हमारी देश की आजादी खतरे में तो नहीं पड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर हम दोबारा से गुलाम हो जाएं उन देशों के जिनसे मुश्किल से हम 1947 में आजाद हुए? तो सरकारों के सामने जब ये तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि आखिर आप इन विदेशी कंपनियों को बुला क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है इनकी, क्या हम भारतवासी अपना विकास खुद नहीं कर सकते, क्या हमारे पास पूंजी की बहुत कमी है, क्या हमारे पास तकनीकी नहीं है, क्या हमारे पास श्रम शक्ति नहीं है, ऐसी कौन सी कमी भारत में है जो हम विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं? तो सरकार की तरफ से चार उत्तर दिए जाते हैं, चार तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला तर्क हमारी सरकार देती है कि जब विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं तो इनके आने से पूंजी आती है, इनके आने से पैसा आता है, और भारत को पूंजी की जरूरत है इसलिए विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है। फिर दूसरा तर्क हमारी सरकार ये देती है कि जब ये विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं तो भारत का निर्यात बढ़ता है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि कई सारी विदेशी कंपनियां भारत सरकार से जो समझौता करती हैं वो निर्यात का समझौता होता है, एक्सपोर्ट का समझौता करते हैं। तो सरकार का ऐसा कहना है कि इन कंपनियों के आने से भारत का निर्यात बहुत अधिक बढ़ सकता है। और तीसरा तर्क भारत सरकार का ये है कि जब ये विदेशी कंपनियां आती हैं और हमारे देश में इनके कारखाने लगते हैं तो उन कारखानों में लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, और लोगों को रोजगार और काम मिलने से गरीबी कम होती है, बेकारी कम होती है। ये तीसरा तर्क है। और चौथा और आखिरी तर्क है हमारी सरकार का, जो सबसे बड़ी ताकत से सरकार हमारे सामने प्रस्तुत करती है, वो ये कि जब भी विदेशी कंपनियां आती हैं तो हमारे देश में तकनीकी आती है, टेक्नोलॉजी आती है। विदेशी कंपनियों के आने से हमको तकनीकी मिलेगी, विदेशी कंपनियों के आने से भारत में रोजगार बढ़ेगा, विदेशी कंपनियों के आने से भारत में पूंजी निवेश ज्यादा होगा, और विदेशी कंपनियों के आने से भारत में निर्यात अधिक होगा। इन चार तर्कों के आधार पर हमारी सरकार विदेशी कंपनियों को बुलाती है। आपको इस बात की जानकारी है कि विदेशी कंपनियों को बुलाने में अब भारत की सरकार जो केंद्र में काम करती है ये तो लगी ही हुई है, राज्यों की सरकारें भी विदेशी कंपनियों को बुलाती हैं। हमारे भारत देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं और विदेशी पूंजी के समझौते करके विदेशी कंपनियों को बुला के लाते हैं। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, लगभग भारत के सभी राज्यों में, कुछ उत्तर पूर्व के राज्यों को छोड़कर, जैसे आसाम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, ये भारत के जो छोटे छोटे 7 राज्य हैं, यहाँ की सरकारें विदेशी कंपनियों को ज्यादा नहीं बुलाती हैं, तो इन 7 राज्यों को छोड़कर भारत के जो 22-23 बड़े राज्य हैं इनकी सरकारें राज्य स्तर पर भी विदेशी कंपनियों को बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में बुलाती रहती हैं। तो राज्य सरकारों द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो विदेशी कंपनियों को बुलाए जाने के तर्क हैं, उनका कुछ समय से मैं अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं और ये जानने की कोशिश करता रहा हूं कि क्या सरकार के द्वारा दिए गए ये तर्क सच हैं, क्या वास्तव में हमारे देश में पूंजी आ रही है, क्या वास्तव में कोई तकनीकी हमें मिल रही है, क्या हमारा सच में निर्यात बहुत बढ़ रहा है,
या हमारे देश में रोजगार बहुत अधिक हो रहा है, इन आधारों पर ये जानने की कोशिश की और इसके लिए सरकार के ही दस्तावेज मैंने इकट्ठे किए। और पिछले कुछ वर्षों से जो सरकारी दस्तावेज मैंने देखे, पढ़े, समझे, जाने और उनको कोशिश भी की है अपने यहाँ पुस्तकालय में लाने की, और कुछ दस्तावेज आए भी हैं, ये दस्तावेज कुछ दूसरी कहानी कहते हैं, बिल्कुल दूसरा चित्र प्रस्तुत करते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार के दस्तावेज ही सरकार की पोल खोलते हैं। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि विदेशी कंपनी आती है तो पूंजी आती है, और सरकार के जो दस्तावेज हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप जानते हैं सबसे अधिक दस्तावेज हैं विदेशी कंपनियों के बारे में। फिर हमारे देश में जो मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे एक विदेश व्यापार मंत्रालय हमारे देश में है, उनका एक विदेश व्यापार निगम है, उसके कुछ दस्तावेज हैं, उसके कुछ आंकड़े हैं। फिर हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है, जो उद्योग मंत्रालय है हमारे देश का, वाणिज्य मंत्रालय है, उसके कुछ आंकड़े हैं और वित्त मंत्रालय के कुछ आंकड़े हैं। उन आंकड़ों के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो चित्र बिल्कुल दूसरा ही दिखाई देता है, और वो चित्र ये दिखाई देता है कि विदेशी कंपनी भारत में आकर पूंजी नहीं लाती है, विदेशी कंपनी भारत से पूंजी लेकर जाती है। आप जरा एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करें कि कोई कंपनी अपने देश की पूंजी भारत में क्यों लाएगी? क्या वो मूर्ख हैं? अमेरिका की कंपनी अमेरिका से पूंजी लेकर भारत में आएगी जब अमेरिका में पूंजी की बहुत कमी है, यूरोप में पूंजी की बहुत कमी है, और अमेरिका और यूरोप में पूंजी की कमी के कारण उनके बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए हैं, अमेरिका और यूरोप में पूंजी की कमी के कारण उनकी कंपनियां बंद हो रही हैं। अमेरिका में तो आप जानते हैं इस समय इतनी भयंकर मंदी फैली हुई है कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी बैंकें थी, अमेरिकन एक्सप्रेस, ANZ, ग्रुंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, फिर लेहमन ब्रदर्स, ऐसी 56 बड़ी बैंकें पूंजी के अभाव में, पूंजी की कमी में बंद हो गई। कारण उसका क्या है? पिछले 40 साल अमेरिका की बैंकों ने अमेरिका के लोगों को इतना कर्ज बांटा कि सारे कर्ज का पैसा वापस नहीं आया, वो कर्ज का पैसा लोगों के पास फंस गया, लोगों के पास वापस देने की ताकत नहीं है, तो बैंकों की पूंजी डूब गई, तो बैंक डूब गए, अब वो दिवालिया हो गए। अब बैंकों के दिवालिया होने से कंपनियां दिवालिया हो गई, क्योंकि कंपनियों का पैसा बैंकों में रखा हुआ था। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी जनरल मोटर्स इस समय दिवालिया हो चुकी है, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी जनरल डायनेमिक्स दिवालिया हो चुकी है। तो जिस अमेरिका में पूंजी की इतनी सारी कमी हो, वहां से कोई कंपनी पूंजी लेके भारत में क्यों आएगी? ये मोटी सी समझने की बात है। और दूसरी बात, अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत में आएगी तो जान लीजिए वो अपनी पूंजी लेके नहीं आएंगे, यहां से पूंजी अमेरिका ले जाने के लिए आएंगे, क्योंकि इसीलिए वो बनाए गए हैं, इसीलिए उनकी रचना की गई। ऐसे यूरोप के देशों से कोई कंपनी यहां पूंजी लेके नहीं आएगी, यहां से पूंजी लेकर वो यूरोप में जाएगी। मैंने जिन 5000 विदेशी कंपनियों का पिछले दिनों अध्ययन किया, उससे एक बात समझ में आई, वो आप सबको बताना चाहता हूं। अगर मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, उसने 50 रुपए भारत में निवेश कर दिया 2009 में, तो ठीक एक साल के बाद 2010 में उस कंपनी की बैलेंस शीट जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उसने हर 50 रुपए पर 150 रुपए यहां से कमा के अमेरिका को भेज दिया। $1 यहां लाया और $3 वो यहां से लेकर चले गए। 1991, 92, 92, 93, 93, 94 हर साल की मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े इकट्ठे करता रहा कि एक साल में कितनी पूंजी आती है। मान लीजिए एक साल में कभी 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी आई, तो उसी साल में 60,000 करोड़ की पूंजी यहां से चली गई। एक साल में मैं आंकड़े देखता हूं, 25,000 करोड़ की पूंजी आई, तो उसी साल में 75,000 करोड़ की पूंजी यहां से चली गई। एक साल में पता चला 30,000 करोड़ की पूंजी आई, तो उसी साल में 90,000 करोड़ की पूंजी यहां से चली गई, ठीक एक साल के बाद। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में है। तो ज्यादा हमारे देश में पूंजी आती नहीं है, ज्यादा यहां से पूंजी चली जाती है। एक एक साल के आंकड़े निकाले मैंने और फिर इकट्ठे 15-16 साल के आंकड़े मैंने निकाले, तो पता चल रहा है कि $1 अगर आ रहा है
$3 से $4, कभी कभी तो $5 उसी साल में यहां से वापस जा रहा है। अब इसमें और एक महत्व की बात है कि अपनी पूंजी वो लगाते हैं, एक साल में ही उसका 3 गुना कमा लेते हैं और उसके अगले अगले सालों तक 10 साल 15 साल 20 साल तक बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी पूंजी निवेश के वो यहां से करोड़ों डॉलर कमाते रहते हैं। आप इसको सरल तरीके से समझिए कि ₹50 लगाकर उन्होंने धंधा शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, पहले ही साल में ₹150 कमा लिया तो 3 गुना तो वो ले ही गए। अब दूसरे साल में अगर वो ₹200 कमाएंगे, तीसरे साल में 300 कमाएंगे, चौथे साल में 400 कमाएंगे, तो हर साल जो जाएगा एक साल के बाद वो यहां से पूंजी की लूट है, ना कि पूंजी का भारत में प्रवेश। ये बहुत महत्व की और समझने की बात है। दूसरी एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, वो ये कि जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में पूंजी लाती है तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो अपने साथ बहुत थोड़ी सी पूंजी लेके आते हैं, बिल्कुल मामूली, बहुत थोड़ी, ना के बराबर, और बाकी सारी पूंजी वो व्यापार के लिए भारत से ही इकट्ठी करते हैं। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के बारे में चर्चा होती है उनमें सबसे बड़ी विदेशी कंपनी इस समय जो है उसका नाम है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। नाम से इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये हिंदुस्तानी कंपनी है, वास्तव में ये विदेशी कंपनी है। इसका असली नाम है यूनिलीवर और ये ब्रिटेन और हॉलैंड के संयुक्त उपक्रम की कंपनी है। माने कुछ ब्रिटिश लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है और कुछ हॉलैंड वासियों का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो ये हिंदुस्तान लीवर नाम की कंपनी भारत में जब सबसे पहले व्यापार करने आई सन 1933 में, तो इस कंपनी ने पूंजी कितनी लगाई, इस कंपनी ने मात्र ₹15 लाख की पूंजी निवेश किया। इसको हम तकनीकी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआत में लगाई गई पूंजी। माने व्यापार शुरू करने के लिए जो सबसे पहले पैसा डाला जाता है वो धन, इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआती चुकता पूंजी। तो यही पूंजी महत्व की होती है। बाद में तो उस पूंजी में से जो मुनाफा पैदा होता है उस मुनाफे को वो लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, उस मुनाफे को वो पूंजी निवेश करते रहते हैं। और वो मुनाफा तो यहां पैदा हुआ है, वो तो विदेश से नहीं आया है। यहां उन्होंने ₹15 लाख लगाया, अपना व्यापार शुरू किया, अपना धंधा शुरू किया और थोड़े ही समय में उन्होंने मुनाफा कमा लिया, उस मुनाफे को फिर भारत में लगा दिया। तो वो मुनाफा उनके देश से नहीं आया ना, वो तो भारत में से ही पैदा करके उन्होंने यहां लगा दिया। तो वास्तव में जो भारत में से पैदा हुआ मुनाफा होता है वही कंपनियों के द्वारा भारत में लगाया जाता है। अपने देश से जब वो आते हैं तो बहुत थोड़ा सा पैसा लेके आते हैं। तो हिंदुस्तान लीवर का मैं बता रहा था, लगभग ये ₹15 लाख लेके भारत आए थे और ₹15 लाख लेकर ये आए तो इन्होंने कुछ व्यापार शुरू किया। उसी साल व्यापार के शुरू होने के 6-8 महीने के बाद इन्होंने थोड़ा सा और पैसा लाकर उसमें डाला तो कुल मिलाकर पहले साल में इनका जो पूंजी निवेश हुआ वो ₹33 लाख का हुआ। अब ऐसा मान लीजिए कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने भारत देश में ₹33 लाख से व्यापार शुरू किया, धंधा शुरू किया आज से लगभग 70-75 साल पहले। अब ये कंपनी जो भारत से मुनाफा कमा रही है एक साल में वो है ₹14,740 करोड़। ये इनका आधिकारिक है जो उनकी बैलेंस शीट में वो दिखाते हैं। 33 लाख से व्यापार शुरू किया लगभग 70-75 साल पहले, फिर उसमें से मुनाफा कमाया, मुनाफे को भारत में लगाया, फिर और मुनाफा कमाया, फिर और लगाया, फिर पैसे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते इनका मुनाफा बढ़ता गया और वो बढ़ते बढ़ते आज हिंदुस्तान में इनका कुल मुनाफा हो गया ₹14,740 करोड़, जिसमें से ये एक साल का है, जिसमें से ये बताते हैं कि लगभग ₹217 करोड़ शुद्ध रूप से विदेश लेके चले जाते हैं। अब आप इसको ऐसे तुलना कर लीजिए कि ₹33 लाख लगाकर हर साल ₹217 करोड़ यहां से ले जा रहे हैं, हर साल लेके जा रहे हैं। 33 लाख लगा के 217 करोड़ रुपए हर साल लेके जा रहे हैं। अब एक साल में 217 करोड़, दो साल में लगभग 500 करोड़, तीन साल में लगभग 725 करोड़, चार साल में लगभग
125,000 करोड़, और ऐसे ही ऐसे 75 साल का अगर आप जोड़ देंगे तो हजारों करोड़ रुपए यहां से ले गए। थोड़ी सी पूंजी लगाकर हजारों करोड़ रुपए यहां से ये ले गए। तो आप समझ लीजिए, विदेशी कंपनी भारत में पूंजी लेकर नहीं आती है, यहां से पूंजी ले जाने के लिए आती है। और एक कंपनी का उदाहरण देता हूं, एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारे देश में जो सीधे व्यापार करती है, कॉलगेट पामोलिव, वो अमेरिका की कंपनी है। ये हिंदुस्तान लीवर थी ब्रिटेन की और हॉलैंड की, कॉलगेट पामोलिव है अमेरिका की। तो कॉलगेट पामोलिव ने हिंदुस्तान में जब व्यापार शुरू किया, उसका व्यापार भी लगभग आज से 65-70 साल पहले शुरू हुआ, तो उन्होंने भारत में जो रुपया लगाया था वो करीब करीब 13 लाख रुपए। चुकता पूंजी, शुरुआती पूंजी, व्यापार शुरू करने के लिए सिर्फ 13 लाख रुपए लगाया कॉलगेट पामोलिव ने। और आज कॉलगेट पामोलिव हिंदुस्तान में से जो नेट प्रॉफिट कमा रही है और एक साल में वो यहां से अमेरिका लेकर जा रही है, वो 231 करोड़ रुपए है। सिर्फ 13 लाख रुपए भारत में निवेश करके हर साल 231 करोड़ वो कमा रहे हैं। अब एक साल में 231 करोड़, दो साल में 462 करोड़, तीन साल में, फिर चार साल में, फिर पांच साल में, और 60 से 65 साल का अगर आप हिसाब जोड़ें तो इस कंपनी ने भी हजारों करोड़ रुपए यहां से ले लिए। सिर्फ 13 लाख रुपए लेके आई थी ये कंपनी। एक तीसरी कंपनी का नाम बताता हूं, उसका नाम है नोवार्टिस। ये भारत में आई तो इन्होंने जो पूंजी निवेश भारत में किया वो करीब करीब 15 लाख रुपए के आसपास का इनका पूंजी निवेश है, इनिशियल पेड अप कैपिटल। और आज हिंदुस्तान में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो ये कमाकर अपने देश में ले जा रही है वो 94,46,00,000 रुपए है हर साल का। एक साल का 94,00,000, दो साल का लगभग 200 करोड़ के आसपास हो गया, तीन साल का 300 करोड़ के आसपास, और इस कंपनी को काम करते हुए 40 साल हो गया इस देश में से, इसने भी हजारों करोड़ रुपए यहां से लूट लिया। एक और कंपनी का नाम बताता हूं, हॉलैंड की एक कंपनी है, उसका नाम है फिलिप्स। ये टेलीविजन बेचती है, बल्ब बेचती है, ट्यूब बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बेचती है। इस कंपनी ने भारत में जब व्यापार शुरू किया था तो 1,50,00,000 रुपए की इसने पूंजी लगाई थी। अब इस कंपनी का एक साल का जो नेट प्रॉफिट है जिसको ये कंपनी लूट कर हॉलैंड ले जा रही है वो 190 करोड़ रुपए है। 1,50,00,000 रुपए से व्यापार शुरू किया और 190 करोड़ रुपए हर साल ये भारत से लेके जा रहे हैं। और एक साल में 190 करोड़, दो साल में 380 करोड़, और फिर तीन साल में, चार साल में, और इस कंपनी को काम करते हुए भी भारत में 45 से 50 साल हो गया है, लगभग हजारों करोड़ रुपए इसने भी लूट लिया है। ऐसी एक और कंपनी बताता हूं, टायर बेचने वाली एक कंपनी है, गुडियर उसका नाम है, मूलतः अमेरिकन कंपनी है। इसने भारत देश में जब व्यापार शुरू किया तो पूंजी लगाई 2,37,00,000 रुपए। अब ये कंपनी हर साल में जो लूट कर ले जा रही है यहां से वो 40 करोड़ रुपए हर साल वो यहां से नेट प्रॉफिट के रूप में लेके चले जाते हैं। फिर इसी तरह से और एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, जिसका नाम है ग्लैक्सको, दवा बेचती है, दवा के क्षेत्र की ये बड़ी कंपनी मानी जाती है। इनका जो पेड अप कैपिटल है करीब 8,40,00,000 रुपए से इन्होंने व्यापार शुरू किया इस हिंदुस्तान में, और आज ये कंपनी हर साल जो नेट प्रॉफिट कमा के ले जाती है वो 537,66,00,000 रुपए। एक साल में 537 करोड़, दो साल में 1,000 करोड़ से ज्यादा, तीन साल में 1,500 करोड़ से ज्यादा, और इस कंपनी को भी काम करते हुए करीब 30 साल हो गया भारत में, हजारों करोड़ रुपए इस देश में से वो ले गए। एक और कंपनी है, उसका नाम है फाइजर, ये अमेरिकन कंपनी है, दवा बेचती है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसने भारत में व्यापार शुरू किया था 2,90,00,000 रुपए से, और आज इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हमारे देश से जो ये कमा रहे हैं वो 338 करोड़ रुपए। फिर ऐसे ही एक और कंपनी है, उसका नाम है एबॉट इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी भारत में आई
तो इन्होंने पूंजी निवेश किया था 1,40,00,000 के आसपास। अब इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो यहां से कमा के ले जा रहे हैं हर साल का 68 करोड़ रुपए। फिर और एक कंपनी है जो सिगरेट बेचती है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भारत में, और सिगरेट बेचकर हिंदुस्तान के लोगों के फेफड़े गलाती है, लोगों को व्यसन करवाती है, और जो सिगरेट पीते हैं उनको कैंसर होता है, उनके फेफड़े गलते हैं, दमा होता है, अस्थमा होता है, ब्रोंकियल अस्थमा होता है, जो सिगरेट नहीं पीते हैं उनको और जल्दी होता है, क्योंकि सिगरेट पीने वाला जो धुआं फेंकता है नहीं पीने वाला वो धुएं को खींचता रहता है। और सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि सिगरेट पीने वाला मरता है उससे जल्दी उसके पड़ोस में बैठा हुआ पहले मर जाता है। आप अंदाजा लगाइए, एक आईटीसी कंपनी है उसका भारत में नाम है इंडियन टोबैको कंपनी, उसका असली नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी, भारत में आके नाम बदल दिया। जैसे मैंने कहा ना हिंदुस्तान लीवर का असली नाम है यूनिलीवर, भारत में नाम रख लिया हिंदुस्तान लीवर, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलने लगे हैं उसको। ऐसे ये अमेरिकन टोबैको कंपनी ने नाम रख दिया है इंडियन टोबैको कंपनी। अब इस कंपनी का भारत देश में जो इनिशियल पेडअप कैपिटल है वो मात्र 37 करोड़ रुपए का है, और इस कंपनी का एक साल का प्रॉफिट 3,120 करोड़ रुपए का है, एक साल का प्रॉफिट। और इसको भारत में काम करते हुए करीब करीब 3 साल में 10,000 करोड़ के आसपास, और 60 साल में अगर अंदाजा आप लगाएंगे तो 1,00,000 करोड़ से ऊपर के आंकड़े निकलेंगे। कुल 38 करोड़ रुपए लगाकर इस कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपए यहां से लूट लिए। और आप जानते हैं भारत में कि लगभग 5,00,000 लोग हर साल कैंसर से इस देश में मर जाते हैं, उन कैंसर से मरने वालों के इलाज पर जो खर्च होता होगा वो भी इस कंपनी के कारण हमारे समाज का कितना बड़ा हिस्सा है। पहले सिगरेट बेचना, लोगों को कैंसर से मारना, फिर इस देश का पैसा लेके विदेशों में चले जाना, फिर इस देश में सबसे बड़ा अत्याचार जो ये कंपनी करती है, आपको मालूम है सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है, और सिगरेट का कागज सबसे ज्यादा कीमती कागज होता है, और सिगरेट के कागज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा पेड़ कटते हैं। मैंने इस कंपनी का जब अध्ययन किया तो पता चला कि ये कंपनी अगर 500 सिगरेट बनाती है तो एक पेड़ कट जाता है, 500 सिगरेट में जितना कागज लपेटा जाता है, फिर 500 सिगरेट को डिब्बियों में बंद करने के लिए जितना कागज खर्च होता है, फिर उन डिब्बियों को बड़े कार्टून में पैक करने के लिए जितना कागज खर्च होता है, फिर उन सिगरेट को बेचने के लिए जो विज्ञापन करने पड़ते हैं उसमें जो कागज खर्च होता है, तो एवरेज 500 सिगरेट पर एक पेड़ कट जाता है। और इस कंपनी की हर साल इस देश में 20 अरब से ज्यादा सिगरेट बिकती है, लगभग 14 करोड़ पेड़ हर साल ये कंपनी भारत में कटवा देती है। हम हिंदुस्तानी लोग पेड़ लगाते हैं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण की शुद्धि करने के लिए हम पेड़ लगाते हैं, सरकार हमको कहती है पेड़ लगाओ, हम सब भारत स्वाभिमान वाले पेड़ लगाते हैं, लेकिन दुख और दर्द इस बात का है कि वो पेड़ को आईटीसी कंपनी कटवा देती है, हर साल 14 करोड़ पेड़ कट जाते हैं। और इस देश की विचित्र स्थिति क्या है कि आईटीसी कंपनी 14 करोड़ पेड़ काटती है, भारत सरकार की नजरों में वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन गांव का कोई साधारण आदमी जंगल में जाकर पेड़ काटकर अगर लकड़ी ले आता है तो उसको जेल हो जाती है और उसको सजा हो जाती है। और आप जानते हैं भारत में कि लगभग 5,00,000 लोग हर साल कैंसर से इस देश में मर जाते हैं, उन कैंसर से मरने वालों के इलाज पर जो खर्च होता होगा वो भी इस कंपनी के कारण हमारे समाज का कितना बड़ा हिस्सा है। पहले सिगरेट बेचना, लोगों को कैंसर से मारना, फिर इस देश का पैसा लेके विदेशों में चले जाना, फिर इस देश में सबसे बड़ा अत्याचार जो ये कंपनी करती है, आपको मालूम है सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है, और सिगरेट का कागज सबसे ज्यादा कीमती कागज होता है, और सिगरेट के कागज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा पेड़ कटते हैं। मैंने इस कंपनी का जब अध्ययन किया तो पता चला कि ये कंपनी अगर 500 सिगरेट बनाती है तो एक पेड़ कट जाता है,
500 सिगरेट में जितना कागज लपेटा जाता है, फिर 500 सिगरेट को डिब्बियों में बंद करने के लिए जितना कागज खर्च होता है, फिर उन डिब्बियों को बड़े कार्टून में पैक करने के लिए जितना कागज खर्च होता है, फिर उन सिगरेट को बेचने के लिए जो विज्ञापन करने पड़ते हैं उसमें जो कागज खर्च होता है, तो एवरेज 500 सिगरेट पर एक पेड़ कट जाता है। और इस कंपनी की हर साल इस देश में 20 अरब से ज्यादा सिगरेट बिकती है। लगभग 14 करोड़ पेड़ हर साल ये कंपनी भारत में कटवा देती है। हम हिंदुस्तानी लोग पेड़ लगाते हैं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण की शुद्धि करने के लिए हम पेड़ लगाते हैं। सरकार हमको कहती है पेड़ लगाओ, हम सब भारत स्वाभिमान वाले पेड़ लगाते हैं, लेकिन दुख और दर्द इस बात का है कि वो पेड़ को ITC कंपनी कटवा देती है। हर साल 14 करोड़ पेड़ कट जाते हैं। और इस देश की विचित्र स्थिति क्या है कि ITC कंपनी 14 करोड़ पेड़ काटती है, भारत सरकार की नजरों में वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन गांव का कोई साधारण आदमी जंगल में जाकर पेड़ काटकर अगर लकड़ी ले आता है तो उसको जेल हो जाती है और उसको सजा हो जाती है। अब तो ऐसी हास्यास्पद स्थिति है, जो पेड़ मैंने लगाया, आपने लगाया, अपने खेत में लगाया, उसको भी आप नहीं काट सकते। आपका लगाया हुआ पेड़ आप नहीं काट सकते, कानूनन जुर्म है, और सरकार जेल की सजा करा देती है, उसमें पुलिस पकड़ के ले जाती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ले जाते हैं। हमारे देश में हजारों हजारों वनवासी भाई बहनों पर, आदिवासी भाई बहनों पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुकदमे चल रहे हैं कि उन्होंने अपने घर में रोटी बनाने के लिए कोई पेड़ से लकड़ी ले लिया, जंगल से लकड़ी ले लिया, रोटी पकाने के लिए जंगल से लकड़ी ले लिया तो वो अपराध है इस देश में, और सिगरेट बनाने के लिए करोड़ों पेड़ कट गए इस देश में वो सरकार अपराध मानती ही नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत की सरकार वनवासी और आदिवासियों के लिए नहीं चल रही है, भारत की सरकार ITC जैसी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रही है। कितनी बड़ी विडंबना, हमारे हजारों वनवासी आदिवासी भाई बहन हर महीने पुलिस थाने में दर्ज कराते हैं उपस्थिति, हर महीने उनकी अदालत में पेशी होती है, पांव घिस जाते हैं अदालत में चक्कर काटते काटते, न्याय नहीं मिलता, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। अपराध क्या है, बहुत मामूली सा कि उन्होंने जंगल से लकड़ी लाकर अपनी रोटी बनाई, और ITC कंपनी ने सिगरेट बनाने के लिए 14 करोड़ पेड़ हर साल काटे, 28 करोड़ पेड़ 2 साल में काटे, फिर 14 करोड़, फिर 28 करोड़, फिर कितनी बड़ी संख्या पिछले कितने वर्षों से कट रही है पेड़ों की। ऐसी व्यवस्था हमारे देश में चल रही। तो ये मैंने कुछ उदाहरण दिए, ये सूची बहुत लंबी है, मैंने कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम लिए, हिंदुस्तान लीवर, कॉलगेट, पामोलिव, फिलिप्स, फाइजर, ग्लेक्सको, गुडियर, क्योंकि ये नाम आप जानते हैं। ऐसे 5000 नाम है, हर एक कंपनी का एक एक आंकड़ा हमारे पास है। किसी कंपनी ने 2 करोड़ की पूंजी लगाई और वो हर साल 180 करोड़ कमा रही है, उसका नाम है बाटा। बाटा की भारत में 2 करोड़ की पूंजी है, इनिशियल पेड अप कैपिटल, और एक साल का उसका नेट प्रॉफिट 180 करोड़ रुपए का है इस देश में। इसी तरह से नेस्ले एक कंपनी है, इसी तरह से हिंदुस्तान में 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं, थोड़ी थोड़ी पूंजी लाकर, थोड़े थोड़े पैसे लाकर, 10-20-50 लाख रुपए के, और वो करोड़ों करोड़ों नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए यहां से ले जा रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि पूंजी विदेशों से भारत में नहीं आ रही है, भारत की पूंजी विदेशों में जा रही है। और यही कारण है कि जैसे जैसे विदेशी कंपनियां भारत में बढ़ रही, भारत की गरीबी बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको गरीबी के साथ इसको जोड़ के बताता हूं। अगर आप एक मिनट के लिए यह मान लीजिए भारत सरकार का तर्क कि विदेशी कंपनियों के आने से पूंजी आती है, अगर हमारे देश में पूंजी बढ़ती है तो गरीबी कम होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब इस देश में एक विदेशी कंपनी को हमने भगाया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। लेकिन 2 साल के बाद इस देश की सरकार ने 126 विदेशी कंपनियों को बुला लिया, 2 ही साल के बाद।
पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। 1948-49 में उन्होंने पहली औद्योगिक नीति बनाई और उस औद्योगिक नीति में उन्होंने संसद में घोषणा की कि भारत का विकास करना है तो विदेशी पूंजी चाहिए, हमारे पास पैसे की कमी है, अंग्रेज यहां से सब कुछ धन लूट कर ले गए हैं, खजाना हमारा खाली है, इसलिए देश का विकास करना है तो विदेशी पूंजी की जरूरत है। तो पंडित नेहरू ने इस तरह का एक लंबा भाषण दिया 1948 में लोकसभा में और उसके बाद नीति बन गई और 126 विदेशी कंपनियां भारत में आ गई। अब उन 126 कंपनियों के आने के समय इस देश में गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़, सरकार के आंकड़े। सरकार कहती थी कि 1947-48 में गरीबों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है। तो 4.5 करोड़ की गरीबों की संख्या थी जब 126 विदेशी कंपनियां भारत में आई। अब हमारे देश में विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़कर 5,000 हो गई। आजादी के दूसरे ही साल में 126 कंपनियां, अब आजादी के 62-63 साल के बाद 5,000 विदेशी कंपनियां। तो 126 कंपनियां जितनी पूंजी लाई, 5,000 कंपनियां उससे ज्यादा ही लाएंगी, तो इसका माने पूंजी और बढ़ जाएगी तो गरीबी कम हो जाएगी। लेकिन भारत सरकार के ही आंकड़े हैं कि इस समय गरीबों की संख्या हमारे देश में है 84 करोड़। आजादी आई थी तो गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़, अब आजादी के 62 साल के बाद गरीबों की संख्या हो गई 84 करोड़। इसका माने गरीबों की संख्या में 21 गुना वृद्धि हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान की लूट में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई होगी, इसलिए गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि 5,000 कंपनियों ने लूटा है इस देश को। पहले लूटती थी एक कंपनी ईस्ट इंडिया, तब हम गरीब हुए दुनिया में, अब लूटने वाली 5,000 कंपनियां हैं, तो गरीबी बढ़ेगी ही, कम नहीं होने वाली। इसलिए हर साल इस देश में गरीबी बढ़ती है, क्योंकि पूंजी यहां से लूट कर विदेशों में जाती है, यहां पूंजी विदेशों से आती नहीं। तो ये बात अगर आपके समझ में आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में सरकार की भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब हम विदेशी कंपनियों को भगाने की बात करते हैं तुरंत वो पूंजी का सवाल उठाते हैं और कहने लगते हैं कि पूंजी हिंदुस्तान में कहां से आएगी, आप विदेशी कंपनियों को भगाएंगे तो उनको आप इन आंकड़ों की मदद से ये बताइए कि पूंजी हमारी जा रही है, आ नहीं रही है। और अगर हम इन विदेशी कंपनियों को भगा देते हैं और इनके लाइसेंस रद्द कर देते हैं तो पूंजी का बाहर जाना रुक जाएगा, तो पूंजी बढ़ना इस देश में अपने आप शुरू हो जाएगा, तो गरीबी का कम होना भी अपने आप शुरू हो जाएगा, तो बेकारी का भी कम होना अपने आप शुरू हो जाएगा। अब एक दूसरा तर्क जो हमारी सरकार देती है, हमारी सरकार का दूसरा तर्क है कि जब भी विदेशी कंपनियां आती हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है। कोशिश की है हमने पिछले हिंदुस्तान के 62 साल के निर्यात के आंकड़े इकट्ठे करें और वो निर्यात के आंकड़े हमें मिल गए। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी की मदद से भारत के पिछले 62 साल के निर्यात के आंकड़े मिल गए और पता ये चल रहा है कि जैसे जैसे विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं निर्यात हमारा कम हो रहा है। जब विदेशी कंपनियां नहीं थी इस देश में तब हम बहुत ज्यादा निर्यात करते थे और जब से विदेशी कंपनियों का आना शुरू हुआ निर्यात घटता जा रहा है, एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। मैं आपको एक जानकारी दूं, हमारे देश में जब एक ही विदेशी कंपनी थी ईस्ट इंडिया, सिर्फ एक कंपनी थी अंग्रेजों की, उस समय सारी दुनिया में हम निर्यात करते थे और हमारा निर्यात कितना होता था, सन 1813 से 1840 के बीच में अंग्रेजों की सरकार ने भारत का सर्वेक्षण कराए और कई सर्वेक्षण कराए, आर्थिक सर्वेक्षण कराए, शिक्षा का सर्वेक्षण कराया, चिकित्सा का सर्वेक्षण कराया, भारत के लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है उसके सर्वेक्षण कराए। तो 1813 से 1840 के बीच में जो विभिन्न सर्वेक्षण हुए उनमें से एक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, वो आंकड़े बताते हैं कि जब एक विदेशी कंपनी इस देश में थी ईस्ट इंडिया तब हम दुनिया में 33% निर्यात करते थे। और ध्यान रखने की बात है कि यह हमारा निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करती थी, हम खुद करते थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी तो क्या करती थी, हमारे देश में आकर अपने देश का कुछ माल बेचते थे और जो वो बेचा हुआ माल है उसको संतुलित करने के लिए यहां से कुछ खरीद के अपने देश में ले जाते थे। तो उनका निर्यात तो मामूली सा होता था, कोई बहुत ज्यादा नहीं था। मैंने तो कुल निर्यात के आंकड़े निकाले 1840 के, तो भारत का कुल निर्यात अगर 100 रुपए का होता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्यात उसमें 3 रुपए 60 पैसे का होता था, बस 3.6% अंग्रेजों के जमाने में। इस बात को ठीक से समझिएगा, हम भारतवासी, भारत के व्यापारी, भारत के उद्योगपति सीधे दूसरे देशों में जाकर अपना माल बेचते थे अगर 100 रुपए का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से माल खरीदकर विदेशों में बेचती थी 3 रुपए 60 पैसे का, माने हमारे कुल निर्यात का 3.6% निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। ये थी हमारी आजादी के पहले की स्थिति जब एक कंपनी इस देश में थी। अब हमारे देश में कंपनियों की संख्या बढ़ के 5000 हो गई, तो क्या होना चाहिए, निर्यात बढ़ना चाहिए। पहले एक कंपनी इतना निर्यात करती है तो 5000 कंपनियों के द्वारा तो ज्यादा निर्यात होना चाहिए, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा निर्यात आजादी के पहले जितना ज्यादा था आजादी के 62 साल के बाद बहुत 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 कम होता चला गया। अब मैं कुछ कुछ साल के हिसाब से बताता हूं, हमारा निर्यात 33% था 1840 तक, फिर उसके बाद 1938 तक आते आते दुनिया के बाजार में हमारा निर्यात हो गया 4.5%, फिर 1950 के आते आते हमारा निर्यात हो गया 2.2%, फिर 1955 तक आते आते दुनिया में निर्यात हो गया 1.5%, फिर 1960 तक दुनिया में हमारा निर्यात हो गया 1.2%, फिर 1965 तक हमारा निर्यात हो गया 1%, फिर 1970 तक सारी दुनिया में हमारा निर्यात हो गया 0.7%, फिर 1975 तक हमारा निर्यात हो गया 0.5%, फिर 1980 में हमारा निर्यात हो गया 0.1%, फिर 1990 में हमारा निर्यात हो गया 0.05%, और फिर 1991 में हो गया 0.045%, फिर 92 में हो गया 0.042%, फिर 93 में 0.04, फिर 94 में 0.38, और ऐसे चलते 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 अभी मैं 2008 और 9 की बात करूं तो दुनिया में हमारा निर्यात है अभी 0.5%, माने आधा प्रतिशत हमारा निर्यात है दुनिया के बाजार में। जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब निर्यात था 33%, और अब 5000 विदेशी कंपनियां हैं, तब दुनिया के बाजार में हमारा निर्यात है 0.5%। आप बताइए निर्यात कम हुआ है या बढ़ा है? बहुत तेजी से कम हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि विदेशी कंपनियां भारत का निर्यात नहीं बढ़ाती हैं। तो क्या बढ़ाती हैं विदेशी कंपनियां? विदेशी कंपनियां उल्टा काम करती हैं, भारत में आकर भारत का आयात बढ़ाती हैं, इंपोर्ट बढ़ाती हैं, क्योंकि सभी विदेशी कंपनियों को भारत में निर्यात के ज्यादा आयात करने में रस पैदा होता है, रुचि होती है। क्यों? क्योंकि वो आयात करेंगे तो फायदा उनके देश को मिलेगा ना। जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं, एक अमेरिका की कंपनी भारत आ गई, अब वो अमेरिका की वस्तुओं को भारत में लेके आएंगे और बेचेंगे तो मुनाफा अमेरिका को मिलेगा ना, तो इसलिए उनकी कोशिश ये रहती है कि अमेरिकन चीजों का आयात भारत में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि भारत का मुनाफा अमेरिका में ज्यादा जाए। तो वो कंपनी अपना शुद्ध मुनाफा लेके जाएगी वो तो है ही, अमेरिका से कच्चा माल खरीदकर, अमेरिका से तकनीकी खरीदकर भारत में लाकर बेचेंगे और उसका पैसा भी अमेरिका लेके जाएंगे, ये दूसरा लाभ है उनका। इसलिए वो कभी भी भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए नहीं आते, वो तो भारत का आयात बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट बढ़ाने के लिए आते। मैं और एक जानकारी दूं आपको कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो भारत का जो कुल निर्यात दुनिया में होता था उसका 3.6% ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी, अब हमारे देश का जो कुल निर्यात दुनिया के देशों में होता है उसका 5.52% निर्यात ही विदेशी कंपनियां करती हैं, जबकि उनकी संख्या 5000 से ज्यादा हो चुकी है।
माने वो हमारे देश का निर्यात नहीं बढ़ा रहे हैं, वो हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा आयात करके सामान यहाँ लाकर बेच रहे हैं, ताकि यहाँ से पैसा उनके देश में चला जाए और उनको उस पैसे से फायदा हो, ना कि भारत का निर्यात बढ़ाने से। और एक दूसरी जानकारी देता हूं, जब जब विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं, उनका भारत सरकार के ऊपर दबाव रहता है कि भारत की मुद्रा रुपए की कीमत को गिराया जाए। मैं आपको पुरानी एक जानकारी देता हूं, जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो हमारी जो मुद्रा है जिसको हम रुपया कहते हैं और अमेरिका की मुद्रा जो डॉलर है, वो दोनों बराबर थे, एक रुपया एक डॉलर के बराबर था 15 अगस्त 1947 को, और हमारा जो रुपया है और स्टर्लिंग पाउंड है ब्रिटेन का, वो भी बराबर था, एक रुपया एक स्टर्लिंग पाउंड। फ्रांस की एक मुद्रा है, उसका नाम है फ्रेंक, तो भारत का एक रुपया और फ्रेंक बराबर था। जर्मनी की उस समय एक मुद्रा चलती थी ड्यूशमार्क, तो ड्यूशमार्क एक और भारत का एक रुपया बराबर था। माने दुनिया के चार प्रमुख देशों की एक एक मुद्रा का भारत के रुपए के साथ तुलना किया जाए तो बराबर था, एक रुपया एक ड्यूशमार्क, एक रुपया एक स्टर्लिंग पाउंड, एक रुपया एक डॉलर, एक रुपया एक फ्रेंक, ऐसी स्थिति थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, विदेशी कंपनियों का आना शुरू हुआ इस देश में। सबसे पहले मैंने कहा कि पंडित नेहरू ने विदेशी कंपनियों को लाना शुरू किया, 126 कंपनियां उनके ही शासन काल में आ गई। फिर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो 2-2.5 साल तक एक भी विदेशी कंपनी नहीं आई, क्योंकि शास्त्री जी की नीति थी स्वदेशी की नीति। वो करीब 18 महीने इस देश में प्रधानमंत्री रहे, 18 महीने में उन्होंने कभी भी किसी विदेशी कंपनी को इस देश में नहीं आने दिया। शास्त्री जी के जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई, तो फिर विदेशी कंपनियां आना शुरू हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद आप जानते हैं राजीव गांधी, फिर बीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर नरसिम्हा राव, फिर इंद्र कुमार गुजराल, HD देवेगौड़ा, फिर हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी और अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सभी प्रधानमंत्रियों के समय में खूब विदेशी कंपनियां आई हैं। एक और प्रधानमंत्री हुए इस देश में मुरारजी देसाई, जिन्होंने एक भी विदेशी कंपनी को भारत में आने नहीं दिया। वो तो ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेशी कंपनियों को भारत से भगा दिया, ऐसे प्रधानमंत्री थे। श्री मुरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे ना, उस समय कोका कोला नाम की अमेरिका की कंपनी भारत में बहुत बड़ा व्यापार करती थी। मुरारजी देसाई के उद्योग मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस, तो जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला कंपनी को एक नोटिस दिया था। वो नोटिस में उन्होंने लिखा कि या तो आप तुरंत भारत छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपकी पूरी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, माने आपको पूरा भारत में मिला देंगे, माने कोका कोला की सारी संपत्ति भारत की हो जाएगी। तो कोका कोला कंपनी डर गई, भारत छोड़ के भाग गई। इसी तरह से एक अमेरिकन कंपनी को भगाया उन्होंने, उसका नाम था IBM, और एक अमेरिकन कंपनी को भगाया ICL। ऐसी कई विदेशी कंपनियों को भगाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे मुरारजी देसाई और एकमात्र उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। अब क्या हुआ, जिन जिन कंपनियों को भगाया था मुरारजी भाई देसाई ने और जॉर्ज फर्नांडिस ने, वो फिर से घुस गई इस देश में। कोका कोला फिर से आ गई, IBM फिर से आ गई, ICL फिर से आ गई, और हजारों हजारों दूसरी कंपनियों को लेके आ गई। तो मैं आपको बता रहा था ऐतिहासिक बात वो ये कि दो भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और मुरारजी देसाई, इन्होंने विदेशी कंपनियों को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि उनको भगाया। बाकी सभी प्रधानमंत्रियों ने विदेशी कंपनियों को बुलाया और उन सभी विदेशी कंपनियों को बुलाकर उन्होंने यही कोशिश की कि भारत का निर्यात बढ़े, भारत का निर्यात बढ़े, भारत का निर्यात बढ़े। निर्यात इस देश का बढ़ा नहीं, लगातार कम हुआ। और वो क्यों कम हुआ, वो एक बात गहरी है जो जानने की है, वो ये कि भारत के ये दो प्रधानमंत्रियों को छोड़कर, एक तो मुरारजी देसाई और श्री लाल बहादुर शास्त्री, सभी प्रधानमंत्रियों ने भारत के रुपए की कीमत को गिराया, बढ़ाया नहीं, रुपए का अवमूल्यन किया, रुपए की ताकत बढ़ाई नहीं, रुपए की ताकत को कम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में सबसे पहली बार रुपए का अवमूल्यन हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में तो एक साथ एक दिन में 33% अवमूल्यन हुआ, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव और सब प्रधानमंत्रियों के समय में रुपए का अवमूल्यन हुआ। अब कीमत गिरते 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 आ गई है 50 रुपए एक डॉलर।
अब आप सोचिए कि 1947 में एक रुपया एक डॉलर, अब 2009 में 50 रुपया एक डॉलर, इसका मतलब क्या है? 1947 में अगर हम अमेरिका को एक रुपए की चीज निर्यात करेंगे तो हमारी आमदनी होगी एक डॉलर, अब 2009 में हमें अमेरिका को 50 रुपए की चीज निर्यात करनी पड़ेगी तब आमदनी होगी एक डॉलर। माने जितनी चीज 1947 में बेचकर हम एक डॉलर कमाते थे अब उससे 50 गुना ज्यादा चीज बेचनी पड़ेगी तब हमें एक डॉलर मिलेगा। इसका माने निर्यात की मात्रा हम कितनी भी बढ़ाते चले जाएं लेकिन निर्यात की आमदनी हमारी हमेशा कम और कम और कम ही होती जाएगी क्योंकि रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में गिरती चली जाएगी। इसलिए आजादी के 62 साल में भारत को निर्यात करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान इस देश को हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है कि आप जब रुपए की कीमत गिराते चले जाएंगे विदेशी कंपनियों के दबाव में तो आपका आयात महंगा होता चला जाएगा। इस बात को ऐसे समझिए 1950 में अगर हम अमेरिका से एक डॉलर की कोई वस्तु खरीदी करें तो हमको सिर्फ एक रुपया देना पड़ता था, आज हमको एक डॉलर की वस्तु अमेरिका से खरीदी करनी पड़ेगी तो 50 रुपए देना पड़ेगा। आयात करने में 50 गुना खर्चा ज्यादा होगा, निर्यात करने में 50 गुना आमदनी कम होगी, अगर आयात और निर्यात दोनों को मिला दिया जाए तो 100 गुना नुकसान इस देश का हर पल हर क्षण होगा जब भी हम एक डॉलर का निर्यात या आयात करें। तो हम ऐसे ही 50 साल पीछे हो गए ना अमेरिका से। तो हमको जो गहराई से बात समझनी है वो ये कि विदेशी कंपनियों के आने के बाद सरकार जो रुपए का अवमूल्यन कर देती है उसके कारण निर्यात लगातार गिरता जाता है, तो कोई भी विदेशी कंपनी कितनी भी ताकत भी लगाएगी तो भी निर्यात बढ़ेगा नहीं और वो वैसे भी कोई ताकत नहीं लगाने वाले इस देश का निर्यात बढ़ाने के लिए। तो हमारे दिमाग में ये स्पष्टता हो जानी चाहिए कि विदेशी कंपनियों के आने से बिल्कुल निर्यात नहीं बढ़ता है बल्कि निर्यात तो हमारी अपनी ताकत से बढ़ता है। मैं एक बात फिर से आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि जो कुल निर्यात हम दुनिया में करते हैं उसका लगभग 95% निर्यात हमारे स्वदेशी उद्योग वाले लोग करते हैं, कारीगर करते हैं, व्यापारी करते हैं। स्वदेशी व्यापारी, स्वदेशी उद्योगपति, स्वदेशी कारीगर, स्वदेशी मजदूर जो पैदा करते हैं उससे हमारा 95% निर्यात है। विदेशी कंपनियां तो मुश्किल से 5% निर्यात हमारा करती है, इसलिए वो निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में कभी नहीं आते। अब और एक तीसरा तर्क है जो भारत सरकार हमें हमेशा देती रहती है। भारत सरकार का ये कहना है कि विदेशी कंपनी आती है तो हाईटेक आता है इस देश में, टेक्नोलॉजी आती है और टेक्नोलॉजी आएगी तो देश को तरक्की होगी, विकास होगा, तो तकनीकी लाने के लिए विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है। जो जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार करती हैं उनके जो समझौते हैं भारत सरकार से तो उसमें तकनीकी किस तरह की आती है वो जानने के लिए हम लोगों ने जब दस्तावेज देखे तो मामला बिल्कुल उल्टा नजर आया, चित्र दूसरा ही नजर आया। पता ये चला कि 90% से ज्यादा विदेशी कंपनियां कोई तकनीकी लेके आती ही नहीं। तो आप बोलेंगे वो क्या करते हैं? वो शून्य तकनीकी के क्षेत्र में व्यापार शुरू करते हैं और उद्योग लगाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, साबुन बनाने का काम है, ये शून्य तकनीकी का काम है, इसमें विदेशी कंपनियां घुस गई हैं भारत में और खूब तरह के साबुन बना बना के बाजार में बेच रहे हैं। साबुन बनाना कोई हाईटेक काम नहीं है, उच्च तकनीकी का काम नहीं है, उसमें विदेशी कंपनियां घुसी हुई हैं जिनकी संख्या कम से कम 50 है। हिंदुस्तान लीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, कॉलगेट पामोलिव है, ऐसी 50 से ज्यादा विदेशी कंपनियां साबुन बना के बेच रही हैं अलग अलग नाम से, लाइफ बॉय, लक्स, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, पामोलिव, डव, जॉनसन एंड जॉनसन, बेबी सोफ वगैरह वगैरह, ये सब साबुन विदेशी कंपनियों के हैं। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है क्योंकि साबुन बनाना बहुत सरल काम है, आसान काम है, आप भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको 15-20 मिनट से आधा घंटे के अंदर साबुन बनाना सिखाया जा सकता है, कोई भी आसानी से अपने घर में साबुन बना सकता है, कोई बड़ा भारी काम नहीं है, कोई मशीन नहीं लगती है, हाथ से हो जाता है। मशीन तो लगती है उसकी कटिंग करने में और उसको डिजाइन देने में, उसकी पैकिंग करने में, साबुन बनाने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है मशीन, और 50 से ज्यादा विदेशी कंपनियां इसी में घुसी हुई।
इसी तरह से क्रीम है, पाउडर है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, शैम्पू है, खाने पीने के बिस्किट्स है, चॉकलेट है, टॉफी है, पाव रोटी है, डबल रोटी है, ये चिप्स है, टमाटर की चटनी है, आम का अचार है, और नमक को डब्बे में भर के बेचने की कला है, और गेहूं का आटा बना के उसको बेचने का काम है, ये सब शून्य, पानी बोतल में भर के बेचने का काम है। इसमें किसी में कोई हाईटेक नहीं है, कोई उच्च तकनीकी नहीं। आप मुझे बताइए, आलू से चिप्स बनाना कौन नहीं जानता इस देश में? कौन सा ऐसा परिवार है जिस परिवार की मां या बहन या बेटी आलू से चिप्स नहीं बना सकती? और उसको बनाने के लिए अमेरिका से कंपनी आई है पेप्सी कोला, वो चिप्स बना के बेचती है। टमाटर से चटनी बनाना ऐसा कौन सा हाईटेक काम है जिसको हमारे घर में कोई नहीं कर सके? और टमाटर की चटनी बनाकर बेचने के लिए हमारे देश में विदेशी कंपनी है। इसी तरह से आम का अचार डालना कौन सी ऐसी खास बात है जिसके लिए विदेशी कंपनी की जरूरत है? मैंने एक बार एक छोटा काम किया था, आंध्र प्रदेश में कितने तरह के आम के अचार डाले जाते हैं उसकी एक सूची बनाई थी। सारे आंध्र प्रदेश में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, आम के 585 तरह के अचार डाले जाते हैं पूरे आंध्र प्रदेश। अभी आप बताइए, हमारे एक राज्य में 585 तरीके से आम का अचार डाला जाता हो, उस देश में कोई विदेशी कंपनी आके हमको कहे कि देखो हमारा आम का अचार ये हाईटेक आइटम है, ये मूर्खता है और कुछ नहीं। और हमारे आम के अचार में माताएं बहनें पता नहीं क्या उसमें कुशलता और कारीगरी करती हैं कि 20-20 साल तक खराब ही नहीं होता बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। विदेशी कंपनियों को तो 20 किस्म के केमिकल डालकर उसको प्रिजर्व करना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें तो वो तेल का पता नहीं कैसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और कुछ कुछ मसालों के साथ कि वो 20 साल तक ऐसे ही सुरक्षित रहता है। मैंने आंध्र प्रदेश में एक स्थान है विशाखापट्टनम में, मैं व्याख्यान देने गया था 3 पहले, तो जिस सज्जन के घर में मैंने खाना खाया था उन्होंने 20 साल पुराना आम का अचार मुझे खिलाया था, तो वो लगता था कि ये 20 साल सुरक्षित कैसे है। तो मैंने बार बार पूछा तो उन्होंने कहा कुछ साधारण सी बात है, तेल डाला है, फिर मेथी दाना डाला है, फिर उसमें और रसोई घर में उपलब्ध जो आयुर्वेदिक चीजें हैं वो डाली हैं, उसी से 20 साल सुरक्षित है। विदेशी कंपनी को तो उतनी सुरक्षा हो ही नहीं पाती, वो तो 2-3 में ही उनका आम का अचार खराब हो जाता है। और ज्यादातर विदेशी कंपनियों के आम के अचार के पैकेट पर लिखा रहता है कि 3 से 6 में खा के इसको खत्म कर दीजिए नहीं तो बेकार हो जाए। कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास है जो आम का अचार बेच रहे हैं, या बोतल में पानी भर के यहां बेच रहे हैं, या जूते चप्पल बनाकर बेच रहे हैं, या डबल रोटी पाव रोटी बनाकर, या बिस्किट बनाकर, या ट्रॉफी चॉकलेट बनाकर? ये सब शून्य तकनीकी के सामान है, इनमें कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। और 90% से ज्यादा विदेशी कंपनियां इसी क्षेत्र में घुसी हुई है, उत्पादन और व्यापार। मैं आपको नाम लेके बताता हूं, एक बड़ी विदेशी कंपनी है जिसका नाम है बाटा। बाटा की मैंने सभी बैलेंस शीट देखी जो भारत सरकार के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, इनके जो MOUs हैं उनमें इन्होंने जो टेक्नोलॉजी लाने की बात कही है वो क्या, जूते बनाने की टेक्नोलॉजी, मोजा आप समझते हैं जूते के अंदर आप पांव में पहनते हैं उसको बनाने का, कपड़े बनाना हमको नहीं आता क्या? हजारों साल से भारत कपड़े का उत्पादन कर रहा है, दूसरों को दे रहा है, तो वो कहते हैं हम कपड़े बनाकर देंगे। चमड़े के थैले, चमड़े के पर्स, वॉलेट वगैरह आदि आदि, तो ये बाटा कंपनी बनाती है, इसमें एक भी सामान हाईटेक नहीं है। इसी तरह से एक कंपनी है ब्रुक बॉन्ड जो ब्रिटिश कंपनी है, इन्होंने बोला कि हम हाईटेक हिंदुस्तान में लाएंगे, कुछ नहीं है, चाय को डब्बे में पैक करके भारत में बेच रहे हैं, कोई उसमें टेक्नोलॉजी नहीं। चाय भारत के खेतों में पैदा हो रही है, हमारे किसान उसे पैदा कर रहे हैं, उसको तोड़ने का काम हमारे मजदूर कर रहे हैं, सुखाने का काम मजदूर कर रहे हैं, बस उस चाय को वो खरीद के डब्बा बंद करके भारत में बेच रहे हैं, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है? डब्बा बनाना कोई हाईटेक आइटम थोड़ी होता है, और डब्बा बना के उसमें चाय पैक करना कोई हाईटेक बात थोड़ी होती है। एक कंपनी है कैडबरीज,
वो चॉकलेट बनाती है, बिस्किट बनाती है और आइसक्रीम बनाती है। ये तीनों जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है। फिर एक कंपनी है कॉलगेट पामोलिव, ये टूथपेस्ट बनाती है, टूथब्रश बनाती है, टूथ पाउडर है, साबुन है, शेविंग क्रीम है, ये सब जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है। फिर एक अमेरिकन कंपनी है कॉर्न प्रोडक्ट्स, वो भारत में दही बना के बेचती है। अब बताओ दही बना के विदेशी कंपनी बेचे और वो कहें ये हाईटेक आइटम है, हम में से किसको नहीं आता दही बनाना? और हमारा दही तो विदेशी कंपनी से अच्छा होता है। विदेशी कंपनी का दही कैसा होता है, आप में से कभी कोई अमेरिका अगर गए हो या यूरोप गए हो तो वहां दही के लिए पाउडर आता है, उस पाउडर को पानी में घोल के पी जाते हैं, ना वो दही होता है, ना ताक होती है, ना मज्जगे होता है, ना दही होता है, ना तक्रम होता है, ना दही होता है, वो बीच की कोई चीज होती है, उसमें कुछ भी मजा नहीं आता पीने में, वो उनका दही है, उसको वो यहां लाके बेच रहे हैं। और हमारे कुछ पढ़े लिखे मूर्ख लोग खरीद रहे हैं, इसमें मुझे अफसोस होता है। दही बेच रहे हैं और भारत के लोग जो सालों साल से, हजारों साल से दही बनाने वाले लोग, श्री कृष्ण के देश के लोग तो दही वाले ही होंगे ना, श्री कृष्ण की तो सारी कहानी दही से शुरू होती है। अब श्री कृष्ण के देश के लोग दही बनाने के लिए विदेशी कंपनी को बुलाएं तो ये तो श्री कृष्ण का अपमान है। हमारी सरकार को इतनी भी समझ और अकल नहीं। एक कंपनी है हमारे देश में, वो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बेचती है, ड्यूफार उसका नाम है, कोई उसमें हाईटेक नहीं है। इसी तरह से फिस्कर्स है, फन स्कूल है, जर्नल इलेक्ट्रिक है, जॉफ्री मैनर्स है, ग्लैक्सको है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, ऐसी हमारे देश में एक दो नहीं हजारों हजारों कंपनियां हैं जिनकी लिस्ट है पूरी, जो शून्य तकनीकी के सामान ही बनाकर बेच रही है, कोई हाईटेक सामान नहीं। 10% कंपनियां ऐसी हैं विदेशों की जो भारतीय कंपनियों से कुछ समझौते करके थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के सामान बनाती हैं, जैसे कार बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं, मोटर बनाने वाली, बस बनाने वाली कंपनियां हैं। एक है ना अशोक लीलैंड, तो अशोक तो भारत की कंपनी है, लीलैंड तो ब्रिटेन की कंपनी है। इसी तरह से आपने मोटर में देखा होगा मारुति सुजुकी, अब तो वो पूरी विदेशी हो गई, पहले आधा आधा था। फिर इसी तरह से महिंद्रा की एक गाड़ी आई है, उन्होंने एक विदेशी कोलैबोरेशन में लाई है। मोटरसाइकिल में यामाहा सुजुकी है, फिर हीरो होंडा है, तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी वो लाते हैं, वो 10% का हिस्सा है और उसमें भी वो भारत में कुछ नहीं बनाते हैं, ध्यान रखिए, वहां से बना बनाया इंजन लेके आते हैं, भारत में सिर्फ उसको फिट करके बेचते हैं। जब इन कंपनियों को यह कहा जाता है कि इंजन भारत में बनाओ तो वो कहते हैं वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बनाएंगे तो रोजगार भारत के लोगों को मिलेगा, उनको रोजगार अपने देश के लोगों को देना है। तो जैसे मोटरसाइकिल वगैरह का इंजन सीधे इंपोर्ट करके आता है, इसी तरह से बड़ी बड़ी कारों के इंजन विदेशों से सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, ट्रकों के इंजन सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, बसों के इंजन इंपोर्ट होके आते हैं, भारत में तो सिर्फ फिट करके उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी में कुछ 10% हिस्सा है जहां पर वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं, लेकिन वहां भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं, अपने देश से बनी बनाई मशीनें लाकर भारत में फिट करके बेचते। और एक हिस्सा है भारत का जो सबसे महत्व का हिस्सा है, जिसको हाईटेक कहा जाता है, उच्च तकनीकी कहा जाता है, उसमें कभी कोई विदेशी कंपनी इस देश में नहीं आती। मैं आपको नाम लेके बताऊं, सैटेलाइट बनाना हाई टेक्नोलॉजी का काम है, बहुत कठिन टेक्नोलॉजी होती है, बहुत क्लिष्ट टेक्नोलॉजी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, सैटेलाइट बनाना आसान काम नहीं है। लेकिन सैटेलाइट बनाने के लिए आज तक इस देश में कोई विदेशी कंपनी नहीं आई। आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत देश ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट 1975 के साल में छोड़ा था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट 1975 में हमने अंतरिक्ष में छोड़ा और उसके बाद हमारे बीसियों सैटेलाइट अंतरिक्ष में गए हैं और अभी लेटेस्ट हम तो दूसरे देशों के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में छोड़ने लगे हैं। इतनी तकनीकी का विकास इस देश में हुआ है, ये संपूर्ण स्वदेशी पद्धति से हुआ है, स्वदेशी के सिद्धांत पर हुआ है और स्वदेशी आंदोलन की भावना के आधार पर हुआ है। इसमें वैज्ञानिकों ने काम किया है वो स्वदेशी, इसमें जो तकनीकी इस्तेमाल हुई है वो स्वदेशी, इसमें जो कच्चा माल इस्तेमाल हुआ है वो स्वदेशी, इसमें जो टेक्नीशियन लगे हैं
जो मैकेनिक लोग लगे हैं वो सब स्वदेशी, इनको छोड़ने के लिए अंतरिक्ष में जो काम हुआ है वो भी हमारी प्रयोगशालाएं स्वदेशी, इनके नियंत्रण का काम होता है वो भी प्रयोगशालाएं स्वदेशी, तो ये सारा कुछ स्वदेशी के सिद्धांत पर आधारित है सैटेलाइट के क्षेत्र में हमारा काम। और आपको मालूम है अब सैटेलाइट छोड़ने के क्षेत्र में भारत अमेरिका चीन फ्रांस ब्रिटेन के बाद पांचवें नंबर का देश हो गया है। एक जमाने में ये देश हमको चिढ़ाया करते थे कि भारत का सैटेलाइट ने देश में से छोड़ने की अनुमति नहीं देते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि हम सैटेलाइट बनाते थे दूसरे देशों से छोड़ने के लिए जाते थे, लेकिन वो नहीं मानते थे। अब तो हमने अपने देश में ऐसे स्टेशन विकसित किए हैं, श्री हरिकोटा ऐसा ही इस देश का बड़ा विशेष केंद्र है जहां से हम अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ते हैं, सैटेलाइट लेके जाते हैं और दूसरे देशों के सैटेलाइट भी हमारे रॉकेट लॉन्चर से हम छोड़कर आते हैं। इतनी तरक्की और इतना विकास इस देश में हुआ पिछले 30 वर्ष में, तो सिर्फ स्वदेशी की ताकत और स्वदेशी के सिद्धांत पर हुआ है। एक और उदाहरण देता हूं, मिसाइल बनाने की जो टेक्नोलॉजी है यह संपूर्ण स्वदेशी है, भारत में विकसित हुई है। आज से 30 साल पहले भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी अपनी, हम विदेशी मिसाइलों पर निर्भर थे, या तो रूस की मिसाइल हमें मिले या अमेरिका हमको दे। लेकिन 30 साल से इस देश के वैज्ञानिकों ने, विशेष रूप से डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत और परिश्रम करके मिसाइल बनाने की स्वदेशी तकनीकी विकसित की। हमने 100 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल बनाई, फिर 200 की, फिर 500 की, फिर 1000 की, फिर 1500 की, अभी 2000 की, अभी 2500 की और अब 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल इस देश में विकसित हो गई। और जिन वैज्ञानिकों ने यह पराक्रम किया है, जिन वैज्ञानिकों ने यह परिश्रम किया है, वो सारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। उनका हम सबको बहुत सम्मान करना चाहिए कि विदेशों से बिना एक पैसे की तकनीकी लिए हुए संपूर्ण स्वदेशी और भारतीय तकनीकी पद्धति से उन्होंने मिसाइलें बनाकर दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। जिन वैज्ञानिकों ने ये सारा पराक्रम किया, सारा परिश्रम किया, महत्व की बात उनके बारे में जो ये है कि वो सब यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े, यहीं पढ़े और यहीं रिसर्च किया और इतना ऊंचा उन्होंने स्थान दुनिया के सामने भारत का स्थित करवा दिया। आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के मिसाइल का जो प्रोजेक्ट चला उसके पितामह माने जाते हैं। हिंदुस्तान के मिसाइल की तकनीक का इतना ज्यादा स्वदेशी विकास हुआ डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों की रात दिन मेहनत और परिश्रम का है। और इन डॉक्टर अब्दुल कलाम को जब एक बार पूछा गया कि आप इतने महान वैज्ञानिक बन गए, इतनी ऊंची तरक्की आपने कर ली और इतना ज्यादा आप हमारे देश के वैज्ञानिकों से और विदेशी वैज्ञानिकों के समकक्ष आ गए, आप इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मेरी पढ़ाई मातृभाषा में हुई है इसलिए मैं इतना ऊंचा वैज्ञानिक बन सका। आपको मालूम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी पढ़ाई तमिल में हुई, 12वीं तक वो तमिल में पढ़े, उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीखकर अपने आप को अंग्रेजी में भी दक्ष बना लिया, लेकिन मूल भाषा जो उनकी पढ़ाई की है वो तमिल है। और हिंदुस्तान के स्वदेशी मिसाइल बनाने के प्रोजेक्ट में जितने वैज्ञानिक हैं उनकी मूल भाषा मलयालम है, मूल भाषा तेलुगु है, मूल भाषा कन्नड़ है, मूल भाषा बांग्ला है, मूल भाषा हिंदी है या मूल भाषा मराठी है या गुजराती है। हमारी मातृभाषाओं में पढ़कर निकले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने स्वदेशी तकनीकी का विकास किया है और उन्होंने इस देश को सम्मान दिलाया है। जो विदेशों से पढ़कर वैज्ञानिक भारत में आए हैं उन्होंने हिंदुस्तान की तकनीक का विकास करने में कोई खास योगदान नहीं दिया है जितना भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान है। और एक तीसरा उदाहरण देता हूं, आज से 50 साल पहले तक सारी दुनिया भारत का नाम लेके चिढ़ाती थी कि भारत के पास कोई परमाणु बम नहीं और परमाणु बम हो भी नहीं सकता है। भारत के एक वैज्ञानिक को यह बात तीर की तरह से चुभती थी, उनका नाम था डॉक्टर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। उनको यह तीर की तरह से चुभती थी कि भारत क्यों नहीं परमाणु बम बना सकता, दुनिया के वैज्ञानिक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं ये काम कर सकते। और उन्होंने सपना देखा,
और उनके सपने में दूसरे वैज्ञानिक एक एक करके शामिल हुए, और वो वैज्ञानिकों के परिश्रम पराक्रम का कमाल देखो, उनके अभिक्रम का कमाल देखो कि भारत ने सारी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया कि हम परमाणु बम भी बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका परीक्षण भी कर सकते हैं, और परीक्षण हमने कर दिया। आप जानते हैं सबसे पहला परीक्षण 1974 में किया श्रीमती गांधी के समय में, और उसके बाद तीन परीक्षण उसके बाद हमने किए, और हमने ये परमाणु परीक्षण करके सिद्ध कर दिया कि अमेरिका या फिर फ्रांस या तो फिर ब्रिटेन या तो फिर रूस या तो फिर चीन जैसे देशों के पास जो परमाणु हथियार हो सकते हैं, वो भारत के देश के पास भी परमाणु हथियार हो सकते हैं। और परमाणु हथियार हैं हमारे पास, ये वैज्ञानिकों ने बनाकर दुनिया के सामने सिद्ध किया। इतना ही नहीं, उन परमाणु हथियारों को हम मिसाइलों पर लगाकर अंतरिक्ष में लेके जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका अंतरिक्ष में उपयोग कर सकते हैं। ये सिद्धि भी हमारे वैज्ञानिकों ने अभी हासिल कर ली है, और ये भी संपूर्ण स्वदेशी की ताकत पर हुआ है, संपूर्ण स्वदेशी के आग्रह पर हुआ है। और अब तो आपको एक खुशी की बात बताता हूं, अभी तक भारत के बारे में थोड़े दिनों से ये बात चल रही थी कि भारत के पास परमाणु बम है, बहुत अच्छा है, भारत अपने परमाणु बम का उपयोग अंतरिक्ष में कर सकता है, इसकी क्षमता का अंदाजा भी दुनिया के देशों को लगा। लेकिन कुछ 10 साल से भारत के बारे में दुनिया के देश ये कहा करते थे कि पानी के अंदर परमाणु बम का इस्तेमाल कर सके, भारत की अभी ये क्षमता नहीं विकसित हुई है। लेकिन अभी इसी साल भारत के वैज्ञानिकों ने एक परमाणु पनडुब्बी बना के सारी दुनिया को दिखा दिया कि पानी के अंदर अरिहंत नाम की पनडुब्बी जो इस देश ने बनाई है संपूर्ण स्वदेशी है, 100% स्वदेशी है, और वो पानी के अंदर जाकर परमाणु हथियार का हमला कर सकती है, किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। दुनिया में ये क्षमता सिर्फ 3 देशों के पास है, या तो अमेरिका के पास है, या तो चाइना के पास है, और या तो फ्रांस के पास है। लेकिन अब भारत के पास भी ये क्षमता आ गई है कि पानी के नीचे 100-100 मील तक नीचे जाकर हमारी पनडुब्बी परमाणु हथियार का उपयोग कर सकती है अगर जरूरत पड़े तो। तो पनडुब्बी में परमाणु हथियार लगा के हमें कोई विकास करना पड़ा, या रॉकेट पर परमाणु हथियार लगा के हमें कोई विकास करना पड़ा, या धरती पर परमाणु बमों का विकास करने के लिए परीक्षण करना पड़ा, ये सारी विधा का प्रयोग स्वदेशी वैज्ञानिकों ने किया, स्वदेशी तकनीकी से किया, स्वदेशी आग्रह के आधार पर किया, और स्वदेशी गौरव को सारी दुनिया में प्रतिस्थापित किया। ये हाईटेक चीजें होती हैं, मिसाइल बनाने का काम, सैटेलाइट बनाने का काम, परमाणु बम बनाने का काम, पनडुब्बी बनाने का काम, जलयान बनाने का काम, जलपोत बनाने का काम, टैंक बनाने का काम, टैंकर बनाने का काम, तोप बनाने का काम, बंदूकें बनाने का काम, राइफल बनाने का काम, गोला बारूद बनाने का काम, ये सब चीजें हाईटेक होती हैं, और इन सब चीजों में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं स्वदेशी के रास्ते पर। और एक चीज याद आती है मुझे कि हमने तो स्वदेशी के रास्ते पर चलकर सुपर कंप्यूटर भी बना लिया और सारी दुनिया को दिखा दिया। आपको मालूम है एक पुरानी कहानी, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, वो जब प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका की यात्रा पर गए, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने उन्होंने एक निवेदन किया कि हमको अमेरिका से एक सुपर कंप्यूटर दे दीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी को अपना सुपर कंप्यूटर नहीं बेचते। श्री राजीव गांधी भारत वापस आए और बहुत परेशान थे, बहुत मायूस थे, बहुत निराश थे कि भारत को सुपर कंप्यूटर की जरूरत है और विदेश में से कोई देने को तैयार नहीं। श्री राजीव गांधी ने रूस के साथ संपर्क किया, रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है हम देखेंगे, सोचेंगे, देंगे। फिर एक दिन पता चला रूस के राष्ट्रपति ने भी मना कर दिया, उन्होंने कहा हम भी आपको सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। फिर 2-3 देशों से और संपर्क हुआ, उन्होंने भी बोल दिया नहीं देंगे। अब क्या किया जाए और कैसे किया जाए? तो भारत के कुछ स्वदेशी वैज्ञानिक इस बात के लिए तैयार हुए, उन्होंने कहा कि हम कोई भी देश की मदद के बिना सुपर कंप्यूटर बनाएंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे कि कोई हमको दे या ना दे, हम सुपर कंप्यूटर अपना खुद बनाएंगे। ऐसे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर विजय भटकर, पुणे में रहते हैं,
मूलतः मराठी हैं, 12वीं तक की उनकी पढ़ाई मराठी मातृभाषा के माध्यम से हुई है। स्वदेशाभिमान देशाभिमान उनमें जबरदस्त है, जैसे हम सब स्वदेशी के अभिमान के चाहक हैं ऐसे ही वो भी स्वदेशी अभियान के बहुत बड़े चाहक हैं। उन्होंने संकल्प लिया और श्री राजीव गांधी को कहा कि आप थोड़ा समय दीजिए, थोड़े पैसे दीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बनाकर देंगे। श्री राजीव गांधी ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया, थोड़े पैसे दिए और उनको कुछ समय दिया गया और वो समय में उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाने का संकल्प ले लिया। आपको सुनकर हैरानी होगी, जितना समय दिया था और जितने पैसे दिए थे दोनों को बचाते हुए समय से 6 महीने पहले भारत का पहला सुपर कंप्यूटर उन्होंने बना दिया जो सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, और उसी का नाम है परम 10,000। ये परम 10,000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना और अद्भुत तरीके से बना। सीरीज में सुपर कंप्यूटर दुनिया के देशों ने पहली बार देखा बनते हुए वो भारत में बना और वो सुपर कंप्यूटर बना। फिर उस टीम ने दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया और अब हिंदुस्तान ने अभी तक 56 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बनाकर दूसरे देशों को बेच दिए और कनाडा जैसे देशों ने हमारे सुपर कंप्यूटर खरीदे। अब तो अमेरिका हमारे सुपर कंप्यूटर खरीदने को चाहता है। कारण पता है क्या है? भारत का सुपर कंप्यूटर अमेरिका से 10 गुना सस्ता है और 100 गुना ज्यादा स्पीड पे काम करता है। कीमत में 10 गुना कम है और सुपर कंप्यूटर की स्पीड अमेरिकन सुपर कंप्यूटर से 100 गुनी ज्यादा है। कीमत भी कम हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, ऐसा अद्भुत काम हमारे देश के वैज्ञानिक करके दिखा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, इतने सारे उदाहरण देने के पीछे एक ही कारण है, वो ये कि भारत में तकनीकी का जितना विकास हो रहा है वो सब स्वदेशी के ताकत पर हो रहा है, स्वदेशी के आग्रह से हो रहा है, स्वदेशी गौरव स्वदेशी अभिमान के साथ हो रहा है। कोई विदेशी कंपनी हमको टेक्नोलॉजी देने नहीं आ रही है और वो कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि जो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको लाकर वो कभी भी हमको नहीं देंगे। हाँ, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, कोई भी विदेशी कंपनी भारत को आकर अगर टेक्नोलॉजी देगी तो उनकी 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हमको देगी जो उनके देश में बेकार हो चुकी है, जिसका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो उनके लिए फेंकने लायक है, डंप करने लायक है, वही टेक्नोलॉजी वो हमको देंगे। वो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमको लाकर नहीं देने वाले। अब मैं उदाहरण से बताता हूं, अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों ने भारत में एक टेक्नोलॉजी लाई है जो अमेरिका में पिछले 20 साल से बंद हो चुकी है। वो टेक्नोलॉजी जानते हैं क्या है? कीटनाशक बनाने वाली टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली टेक्नोलॉजी, इंसेक्टिसाइड बनाने वाली टेक्नोलॉजी। मैं नाम लेके बताता हूं, जो कीटनाशक अमेरिका में 20 साल पहले बंद हो चुके हैं बनना और बिकना और उनके कारखाने उनके यहां बेकार हो गए। 20 साल पहले वो कारखाने चलाते थे और वो कारखाने उन्होंने लगाए थे दूसरे विश्व युद्ध में। आपको एक बहुत रोचक जानकारी बताता हूं, ये जो कीटनाशक बनाने वाले कारखाने होते हैं और ये रासायनिक खाद बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट एंडोसल्फान मेलाथियान पैराथियान बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्लोरोपाइरीफॉस मोनोक्रोटोफॉस डाइक्रोमेट, ये सारे जहरीले रसायन बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, ये सब लगाए गए थे अमेरिका और यूरोप में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। 1939 से 1945 के बीच में ये सारे कीटनाशक और जहरीले रसायन बनाने वाले कारखाने लगे यूरोप और अमेरिका में। क्यों? क्योंकि उस समय बम बनाने में इन सभी जहरीले रसायनों का इस्तेमाल होता था और दूसरे विश्व युद्ध में लाखों करोड़ों रुपए के बम बिके हैं, हथियार बिके हैं, ये सब आप जानते हैं। और उन हथियारों और बम के कारण 2 करोड़ से ज्यादा लोग मरे हैं दूसरे विश्व युद्ध में, ये भी आप जानते हैं। तो ये हथियार बनाने के लिए रासायनिक सामान बनाए जाते थे, उनके कारखाने लगाए। बाद में क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, रासायनिक हथियार बिकना बंद हो गए, बम बिकना बंद हो गए, तो बम को बनाने वाला जो कच्चा माल होता था रॉ मटेरियल वो बिकना बंद हो गया। तो इन सब देशों ने क्या रास्ता निकाला कि जो कच्चा माल है उनके पास रॉ मटेरियल है वो दूसरे देशों में बेचा जाए और दूसरे देशों में उसकी खपत कराई जाए। तो दूसरे देशों में उस कच्चे माल को बेचने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक बना लिए और धीरे धीरे अपने देश से उन्होंने सारा उत्पादन बंद कर दिया। आज से 20 साल पहले अमेरिका ने रासायनिक खाद और कीटनाशक के जो जो कारखाने बंद किए वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने भारत को उठा के दे दी और हमने वो खरीद ली।
यूरोप के देशों ने हमको वो कारखाने बेच दिए, हमने खरीद लिए। तो भारत में अब जहर बनाने वाले कारखाने हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यहां बनता है, डीडीटी यहां बनता है, क्लोरोपाइरीफॉस बनता है, मोनोक्रोटोफॉस बनता है, डाइक्रोमेट बनता है। ऐसे 56 से ज्यादा जहरीले रसायन हैं जो अमेरिका और यूरोप में बनना बंद हो चुके हैं, लेकिन वो भारत में बनते हैं, यहां पर उनका माल बिकता है, बेचे जाते हैं और किसानों को फंसा फंसा कर खेतों में उनको डलवाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी विदेशों ने हमको दी है और इस टेक्नोलॉजी का जानते हैं साइड इफेक्ट कितना है। एक ही घटना सुनाता हूं, आप उससे अंदाजा लगाइए। 1984 में अमेरिका की एक कंपनी ने अमेरिका से अपना कारखाना उठाकर भारत में लगाया। उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड और वो कारखाना लगा भोपाल में, और भोपाल में लगा बहुत घनी बस्ती के बीच में जवाहर नगर में। तो वहां यूनियन कार्बाइड का कारखाना लग गया। उस कारखाने में उन्होंने एक जहरीला सामान बनाना शुरू किया जिसका नाम था 777 777, एक कीटनाशक वो बनाते थे, उसमें जहरीले रसायन और गैसों का इस्तेमाल करते थे। और एक दिन वो जहरीली गैस का सिलेंडर फट गया, उसमें से हजारों टन जहरीली गैस निकली और भोपाल में 17,000 लोग एक ही रात में तड़प तड़प कर मर गए और 1,00,000 से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए। किसी के फेफड़े गल गए, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का लीवर चला गया, किसी की आंखें चली गई, किसी की सुनने की शक्ति चली गई, किसी की प्रोक्रिएशन की ताकत खत्म हो गई। ऐसी विकलांगता में 1,00,000 से ज्यादा लोग, और आने वाली पीढ़ियों पर उसका असर है क्योंकि अभी तक भोपाल में बच्चे पैदा होते हैं इस दुर्घटना के बाद वो विकलांग पैदा होते हैं, जबकि इस घटना को 25 साल से ज्यादा गुजर गए। तो ये टेक्नोलॉजी आई हमारे देश में अमेरिका से, जो उनके यहां काम में नहीं आती, रिजेक्ट हो गई है, रिडंडेंट है, वो टेक्नोलॉजी लाकर उन्होंने भारत में स्थापित की और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि यूनियन कार्बाइड का जो एक कारखाना भोपाल में था जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, ऐसे 56 से ज्यादा कारखाने भारत में अलग अलग स्थानों पर लगे हुए हैं। अमेरिका और यूरोप की देशों की लाई हुई रद्दी से रद्दी तकनीकी उसमें इस्तेमाल की जा रही है और जहर का उत्पादन किया जा रहा है, और ये जहर भारत के किसानों को बेचा जा रहा है। किसान उसको खेत में डाल रहे हैं, खेत में से वो गेहूं चावल चने दाल में आ रहा है, फिर वो हमारे शरीर में आ रहा है, फिर उसको खाकर हमारे शरीर में बीसियों किस्म की बीमारियां हो रही हैं। इतनी रद्दी और घटिया टेक्नोलॉजी यूरोप और अमेरिका से हमारे देश में आती है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। वो हाई टेक्नोलॉजी हमको नहीं देते, जो टेक्नोलॉजी उनके यहां बिल्कुल काम की नहीं है, कबाड़ की है, उसको उठाकर भारत को बेच देते। इसी तरह से और एक उदाहरण बताऊं, अमेरिका की कुछ कंपनियों ने भारत में रेफ्रिजरेटर बेचना शुरू किया है। आप जानते हैं कि ये रेफ्रिजरेशन की जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित करती है, और हमारी जो ओजोन लेयर है जो हमारी सुरक्षा के लिए भगवान ने हमको दे रखी है उसको खत्म करती है। तो जो रेफ्रिजरेटर बनाना अमेरिका यूरोप ने 15-20 साल पहले बंद कर दिया, वो टेक्नोलॉजी लेकर उनकी कंपनियां भारत में आई हैं और वही रेफ्रिजरेटर बेच रही हैं जो 20 साल पहले उनके देश में बंद हो चुके। इसी तरह से और भी कई क्षेत्र में केमिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी तकनीकी उन्होंने लाके हमारे देश को देना शुरू किया है। तो मेरा आपको कहने का एक ही अभिप्राय है, वो ये कि कोई भी विदेशी कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाकर भारत को नहीं देती, जरूरत की तकनीकी लाकर वो हमको नहीं देते, जिस तकनीकी की हमें जरूरत है, आवश्यकता है, वो मना कर देते हैं, और जो तकनीकी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जबरदस्ती हमारे सिर पर थोप देते हैं, डाल देते हैं। और हमारे भ्रष्ट नेता उन कंपनियों के पैसे के लालच में, रिश्वत के लालच में, घूस के लालच में इस तरह के समझौते किया करते रहते हैं। और एक जानकारी दूं, यूरोप और अमेरिका में जो केमिकल वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट होता है, जो उनके देश में वो डंप नहीं कर सकते, उसको लाकर भारत में बेचने के वो समझौते समय समय पर करते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ऐसा ही एक समझौता हुआ है, केरल में एक बहुत सुंदर स्थान है वाइपिन, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहां पर सारा केमिकल वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट लाकर पश्चिमी देशों का डंप किया जाएगा, इसका समझौता होने की तैयारी चल रही। और अगर हम जागरूक नहीं रहे, हमारी आंखें और कान खुले नहीं रहे और हमने इसका विरोध नहीं किया, तो कल ये समझौता हो जाएगा और लाकर उस पूरे द्वीप को शमशान बना देंगे, वीरान बना देंगे।
तो विदेशों से जो तकनीकी आ रही है उसके बारे में हमें आंखें खोल के, कान खोल के देखना समझना चाहिए, वो हमारे कितने काम की है कितनी बेकार है। और एक दो छोटे उदाहरण से बताता हूं टेक्नोलॉजी कैसे आती है और हमको कितना तकलीफ दे जाती है। आपको याद है 15-20 साल पहले इस देश में एक टेक्नोलॉजी आई, प्रेशर कुकर बनाने की टेक्नोलॉजी। ये हमने विदेशों से लाई, हमारे देश में तो प्रेशर कुकर हमने कभी बनाया नहीं। कारण क्या है? हमको जरूरत नहीं। चीजें जो है ना वो जरूरत के हिसाब से बनती हैं। वो एक कहावत आपने सुनी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जो जरूरतें होती हैं, आवश्यकता होती हैं, तो आविष्कार होता है। हमको हमारे देश में कभी जरूरत नहीं लगी इसलिए हमने प्रेशर कुकर नहीं बनाया, लेकिन विदेशों से हमने वो टेक्नोलॉजी ले आई। अब वो टेक्नोलॉजी ले आई, अब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। अब प्रेशर कुकर में जो खाना बनाते हैं आपको मालूम है वो एल्यूमिनियम का है, और दुनिया में एल्यूमिनियम सबसे खराब धातु है खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए। इसी तरह से और भी कई क्षेत्र में केमिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी तकनीकी उन्होंने लाके हमारे देश को देना शुरू किया है। तो मेरा आपको कहने का एक ही अभिप्राय है, वो ये कि कोई भी विदेशी कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाकर भारत को नहीं देती, जरूरत की तकनीकी लाकर वो हमको नहीं देते। जिस तकनीकी की हमें जरूरत है, आवश्यकता है, वो मना कर देते हैं, और जो तकनीकी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जबरदस्ती हमारे सिर पर थोप देते हैं, डाल देते हैं। और हमारे भ्रष्ट नेता उन कंपनियों के पैसे के लालच में, रिश्वत के लालच में, घूस के लालच में इस तरह के समझौते किया करते रहते हैं। और एक जानकारी दूं, यूरोप और अमेरिका में जो केमिकल वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट होता है, जो उनके देश में वो डंप नहीं कर सकते, उसको लाकर भारत में बेचने के वो समझौते समय समय पर करते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ऐसा ही एक समझौता हुआ है, केरल में एक बहुत सुंदर स्थान है वाइपिन, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहां पर सारा केमिकल वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट लाकर पश्चिमी देशों का डंप किया जाएगा, इसका समझौता होने की तैयारी चल रही। और अगर हम जागरूक नहीं रहे, हमारी आंखें और कान खुले नहीं रहे और हमने इसका विरोध नहीं किया, तो कल ये समझौता हो जाएगा और लाकर उस पूरे द्वीप को शमशान बना देंगे, वीरान बना देंगे। तो विदेशों से जो तकनीकी आ रही है उसके बारे में हमें आंखें खोल के, कान खोल के देखना समझना चाहिए, वो हमारे कितने काम की है कितनी बेकार है। और एक दो छोटे उदाहरण से बताता हूं टेक्नोलॉजी कैसे आती है और हमको कितना तकलीफ दे जाती है। आपको याद है 15-20 साल पहले इस देश में एक टेक्नोलॉजी आई, प्रेशर कुकर बनाने की टेक्नोलॉजी। ये हमने विदेशों से लाई, हमारे देश में तो प्रेशर कुकर हमने कभी बनाया नहीं। कारण क्या है? हमको जरूरत नहीं। चीजें जो है ना वो जरूरत के हिसाब से बनती हैं। वो एक कहावत आपने सुनी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जो जरूरतें होती हैं, आवश्यकता होती हैं, तो आविष्कार होता है। हमको हमारे देश में कभी जरूरत नहीं लगी इसलिए हमने प्रेशर कुकर नहीं बनाया, लेकिन विदेशों से हमने वो टेक्नोलॉजी ले आई। अब वो टेक्नोलॉजी ले आई, अब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। अब प्रेशर कुकर में जो खाना बनाते हैं आपको मालूम है वो एल्यूमिनियम का है, और दुनिया में एल्यूमिनियम सबसे खराब धातु है खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए। सारे वैज्ञानिकों की शोध इस बात पर केंद्रित है कि एल्यूमिनियम के पात्र में खाना बनाकर अगर आप खा रहे हैं तो आप धीमा जहर खा रहे हैं, और यह जहर एक दिन जानलेवा होगा। मैंने इस पर थोड़ा अभ्यास किया तो पता चला कि एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में बार बार खाना बनाकर जो हम खाते हैं, तो एल्यूमिनियम भारी तत्व है, हैवी मेटल है, वो शरीर में डिपॉजिट होता रहता है, और शरीर का जो एक्सक्रीटा सिस्टम है, जो जहर को बाहर निकालने वाला सारा तंत्र है, वो एल्यूमिनियम को कभी भी निकाल नहीं पाता, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत भारी है, बहुत हैवी है, तो वो जमा होता रहता है, और जमा होते होते फिर दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। मैंने विद्यार्थी जीवन में एक छोटा सा सर्वे किया था कि भारत में जो गरीब लोग होते हैं उनको दमा और अस्थमा क्यों होता है। कारण उसका यह पता चला कि ज्यादातर गरीब लोग एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाते हैं और खाते हैं, ये उनके दमा और अस्थमा होने का, टीबी होने का सबसे बड़ा कारण। और आप जानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल वर्जित है।
आयुर्वेद में भी स्वामी जी कह रहे हैं कि दवा नहीं बना सकते, एलोपैथी में भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल वर्जित है, लेकिन उस एल्यूमिनियम का करोड़ों टन में विदेशों से हम इंपोर्ट करके प्रेशर कुकर बना के घर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद दमा, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा के शिकार हो रहे हैं। हमें खुद नहीं मालूम है कि हमारे दमा का कारण प्रेशर कुकर है, हमारे दमा का कारण, हमारे कैंसर का कारण, गंभीर बीमारियों का कारण वो एल्यूमिनियम है जिससे प्रेशर कुकर बना है, किडनी फेल होने का कारण वो एल्यूमिनियम। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं, तब आप इसकी भयावहता को समझ पाएंगे। जब अंग्रेजों की सरकार इस भारत में चलती थी और क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते थे और उनके सत्याग्रह होते थे और आंदोलन चलते थे, तो अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों को जेल में बंद करती थी और अंग्रेज सरकार का यह उद्देश्य रहता था कि ये क्रांतिकारी जल्दी से मरें, तो जेलों में जितने क्रांतिकारियों को बंद किया जाता था उन सबको एल्यूमिनियम के पात्र में ही भोजन दिया जाता था ताकि जल्दी मरे। अंग्रेजों की सरकार ने बाकायदा इसके लिए कानून बनाया था। हमारे देश के अमर शहीद भगत सिंह को, चंद्रशेखर को, अशफाक उल्ला को, तांत्या टोपे को, अजीम उल्ला को, अमजद खान को, सारे के सारे क्रांतिकारियों को जेलों में अंग्रेजों ने जब बंद किया तो एल्यूमिनियम के पात्र में उनको चाय मिलती थी, एल्यूमिनियम के पात्र में चावल, दाल, रोटी, सब्जी सब दिया जाता था ताकि इनके शरीर में एल्यूमिनियम जाए और ये क्रांतिकारी मरे ताकि अंग्रेज सरकारों का रास्ता साफ हो। इस आधार पर अंग्रेज ये कानून बनाकर चलाया करते थे। अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी हमारे देश की जेलों में अभी भी कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही खाना मिलता है, क्योंकि अंग्रेजों के समय का जेल का कानून अभी तक बदला नहीं गया है। आप सोचिए कि कैदियों को जल्दी मार डालने के लिए अंग्रेज एल्यूमिनियम पात्र में भोजन दिया करते थे और कैदियों की मजबूरी होती थी, क्रांतिवीरों की मजबूरी होती थी उसमें भोजन खाना, लेकिन हमने तो हमारे घर में प्रेशर कुकर लाकर अपनी इच्छा से, अपने शौक से अपने मरने का इंतजाम किया हुआ है। ये है विदेशी टेक्नोलॉजी। अब बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये खाना जल्दी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने उसका अंदाजा निकाला कि प्रेशर कुकर में दाल बनाएं तो 20 मिनट में बनती है और मिट्टी की हांडी में बनाएं तो ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में बनेगी। 20 मिनट का ही अंतर है, इससे ज्यादा नहीं, और 10 मिनट का अंतर और पड़ेगा सब्जी में। लेकिन मिट्टी की हांडी की जो दाल आप खाएंगे उसका जो स्वाद होगा वो प्रेशर कुकर की दाल में जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। मिट्टी की हांडी में पका हुआ दूध जो पिएंगे उसका जो स्वाद होगा वो किसी एल्यूमिनियम पात्र के दूध में नहीं मिलेगा। मिट्टी की हांडी में जो दही बनाते हैं ना दूध डाल के, उस दही का जो स्वाद होता है वो किसी भी दूसरे पात्र के दही का नहीं होता है। तो स्वाद अच्छा है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है, क्योंकि मिट्टी में कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, शरीर को काम आने वाले 18 सूक्ष्म पोषक तत्व तो मिट्टी में ही है। उसके पात्र का भोजन किसी भी प्रेशर कुकर के भोजन की तुलना में 100 गुना 1000 गुना अच्छा है। तो मेरा आपको सिर्फ एक ही निवेदन है कहने का, वो ये कि हम इस घटाटोप में फंस गए हैं, विदेशों से तकनीकी आ रही है, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें कुछ खास दम नहीं है, इसलिए आप इस माया मोह से बाहर निकलिए। कोई टेक्नोलॉजी उनके यहाँ से आती नहीं है, जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो हम बनाते हैं, विकास करना होता है देश का हम करते हैं और आगे बढ़ाना होता है तो हम बढ़ाते हैं। विदेशी कंपनियां तो एक ही चीज लेके आती है, जो रद्दी टेक्नोलॉजी उनके यहाँ चल नहीं सकती उसको लाकर यहां फेंक दें और जो वस्तुएं उनके यहां इस्तेमाल नहीं हो सकती उनको है, रोजगार बढ़ता है। विदेशी कंपनी आती है तो पहला तर्क दिया पूंजी आती है, दूसरा तर्क दिया टेक्नोलॉजी आती है, तीसरा तर्क दिया एक्सपोर्ट बढ़ता है देश का, और चौथा तर्क दिया रोजगार बढ़ता है। तीन तर्क तो मैंने बता दिए कितने झूठे हैं, चौथा तर्क सरकार का उससे भी बड़ा झूठ है, रोजगार बढ़ता है। मैं आपको दो चार उदाहरण दूं। बाटा नाम की कंपनी आई, उसके पहले इस देश के हर गांव में मोची जूते बनाते थे, चप्पल बनाते थे, सुंदर जूते, सुंदर चप्पल, और गांव-गांव में बेचे जाते थे, करोड़ों मोची रोजगार में लगे हुए थे। बाटा ने आके क्या किया, करोड़ों मोचियों का रोजगार छीन लिया और एक ब्रांड नेम बना दिया बाटा। उस ब्रांड नेम से प्रभावित होकर हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों ने, जिनको मैं बार बार पढ़े लिखे मूर्ख कहता हूं क्योंकि मूर्खा ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखों में है,
बिना पढ़े लिखे बहुत होशे आ रहे हैं इस देश में, ये मेरा 18 साल का तजुर्बा है। पढ़े लिखे लोगों ने विज्ञापन से प्रभावित होकर मोची से जूते खरीदना बंद कर दिया और उसके बारे में कुतर्क देना शुरू कर दिया, मोची अच्छा नहीं है, जूते बढ़िया नहीं बनाता, जल्दी टूट जाते हैं, फलाना है, ढिमाका है, बाटा से खरीदना शुरू किया। आज बाटा के हिंदुस्तान में लाखों कस्टमर हैं, वो सारे कस्टमर पहले भारत के मोचियों के कस्टमर थे, वो अब बाटा के कस्टमर हो गए, तो करोड़ों मोचियों का रोजगार खत्म कर दिया इस बाटा का। पता है जो मोची पहले जूता बनाकर बेचते थे, अब वो जूते की रिपेयरिंग करते हैं, आपका फटा हुआ जूता सिलते हैं, पहले वो जूता बनाते थे, कारीगर थे वो इस देश के, अब जूता सिलने वाले रिपेयर बन के रह गए हैं, उनकी इतनी बेइज्जती हमने इस देश में की है, लाखों मोची बर्बाद हो गए बाटा के चक्कर। एक और उदाहरण दूं, कुछ विदेशी कंपनियों ने पानी के ग्लास लाए प्लास्टिक के, वो पानी के गिलास इस देश में आए विदेशी टेक्नोलॉजी के, उसके पहले इस देश में पानी पीने के लिए मिट्टी का कुल्हड़ बनता था जो हमारे देश में गांव-गांव में इस्तेमाल होता था, और हर गांव में 3-4 कुम्हार होते थे जो इस काम में लगे रहते थे, कोई कोई गांव में 8-10 कुम्हार होते थे, मुझे मेरे गांव का मालूम है, मेरे गांव में 4 कुम्हार थे, चारों बेकार हो गए, और हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ से ज्यादा कुम्हारों की जमात है जो बर्बाद हो गई जब से ये प्लास्टिक के ग्लास आए और हमने उसमें पानी पीना शुरू कर दिया। रेफ्रिजरेटर आए, हमने उनमें पानी रखना शुरू कर दिया। वाटर कूलर आए, हमने उसमें पानी ठंडा करना शुरू कर दिया। मोची जो घड़ा बनाते थे और घड़ा बेचते थे, मिट्टी के घड़े का पानी हम गर्मियों में पिया करते थे, वो सब अब धीरे धीरे खत्म हो गए। इसी तरह से एक विदेशी कंपनी आई, रेडीमेड गारमेंट्स उसने बनाने शुरू किए, नाइकी, और एक है एडिडास, एक है प्यूमा और एक है बटरफ्लाई, रेडीमेड गारमेंट्स आ गए, लाखों दर्जी बर्बाद हो गए इस देश के, जो गांव गांव में कपड़े सिला करते थे बेचा कर। अब मुश्किल क्या हो रही है, दर्जी की सिलाई के बराबर के दाम पर सिली हुई शर्ट मिल जाती है, ये स्थिति हो गई है, और सिली हुई शर्ट वो चाइना से और पता नहीं कहां से आ जाती है, और वो सब सिंथेटिक गारमेंट्स हैं जो बहुत सस्ते पड़ते हैं क्योंकि सब्सिडी और टैक्स रिबेट बहुत ज्यादा है उन कपड़ों पर चीन में और दूसरे देशों में। दर्जियों का रोजगार खत्म हो रहा है, मोचियों का रोजगार, कुम्हारों का रोजगार खत्म हो रहा है, लोहारों का रोजगार खत्म हो रहा है, और बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों ने आकर, एक विदेशी कंपनी ने आकर दिया सलाई बनाना शुरू कर दिया, माचिस, मालूम है विमको, माचिस की डिब्बी बनाना शुरू कर दिया, जो माचिस हमारे घर घर में बनती थी वो विदेशियों ने बनाना शुरू कर, कुछ विदेशी कंपनियों ने मोमबत्ती के चक्कर में अगरबत्ती बना, अगरबत्ती, मोमबत्ती, कुछ विदेशी कंपनियों ने आटा बेचना शुरू कर दिया, जो गांव गांव में पहले पिसता था चक्कियों पर उसका रोजगार था, कई विदेशी कंपनियों ने तेल बेचना शुरू कर दिया पैकिंग करके, जो गांव गांव के तेली हुआ करते थे, कोलू चलाया करते थे, तेल निकाला करते थे, उनके रोजगार खत्म हो गए सबके। पारंपरिक रूप से करोड़ों लोग जो हमारे काम में लगे हुए थे, और सिंथेटिक कपड़े आए तब से तो ये सूती खादी के कपड़े में बर्बादी आ गई, पहले खादी का कपड़ा हर गांव में बनता था, हर गांव में पहना जाता था, उसके बाद सिंथेटिक कपड़े आ गए, खादी के कपड़े की बिक्री कम हो गई, आज पूरे हिंदुस्तान में मात्र कुल कपड़े का 1% ही खादी का कपड़ा बिकता है, लेकिन उसके कारण भी 15 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिला हुआ है। मैं सीधा हिसाब बताता हूं, अगर 100% खादी बिकने लगे तो 15 करोड़ लोगों को रोजगार तो खादी में ही मिल सकता है, लेकिन वो नहीं हो रहा है, गांव गांव में सिंथेटिक कपड़े घुस गए, सिंथेटिक चीजें घुस गई, विदेशी कंपनियों का माल, उससे साबुन में ये हिंदुस्तान लीवर आया, छोटी छोटी साबुन बनाने की सैकड़ों इकाइयां बंद हो गई इस देश में। मैं आपको ये मेरठ से हरिद्वार के बीच की कहानी सुनाता हूं, सॉरी, मैं हरिद्वार से दिल्ली के बीच में आज से 30 साल पहले तक साबुन बनाने की 6000 से ज्यादा फैक्ट्रियां थी, मेरठ अकेले शहर में साबुन बनाने की लगभग 750 से ज्यादा यूनिटें थी, मेरठ अकेले शहर, सब खत्म हो गई धीरे, दिल्ली में हजारों इकाइयां थी, घर घर में साबुन बनता था, जमता था, सब खत्म हो गया जब से विदेशी कंपनियों का साबुन आ गया इस देश।
तो रोजगार बढ़ता नहीं है। वो साबुन की क्वालिटी वही है बल्कि अच्छी थी। हाँ। लोग कहते हैं ना इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये भी इनके इनके क्वालिटी का बहुत बड़ा भ्रम है। लोगों को बहुत बड़ा भ्रम ये हो गया है कि विदेशी कंपनियों के माल में क्वालिटी ज्यादा है इसलिए लोग उसे खरीदते हैं। मैं आपको कई विदेशी कंपनियों के माल की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता हूं जो हमने लेबोरेटरी चेक कराया, कोई क्वालिटी नहीं है उनके माल, घटिया से घटिया क्वालिटी का माल वो बेच रहे हैं। मैं नाम लेके बताऊं, एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है कॉलगेट पामोलिव, टूथपेस्ट बेचती है। मैं लोगों से बहुत बार पूछता हूं आप कॉलगेट का टूथपेस्ट क्यों करते हैं, तो सब एक ही स्वर में कहते हैं इसमें क्वालिटी है। तो फिर मैं पूछता हूं अच्छा क्या क्वालिटी है, तो कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है। तो फिर मैं कहता हूं झाग तो रिन में भी बनता है, एरियल में भी बनता है, झाग तो शेविंग क्रीम में सबसे ज्यादा बनता है, तो शेविंग क्रीम से ही दांत साफ कर लिया करो अगर झाग ही चाहिए तुम्हें। ये पढ़े लिखे मूर्खों के उत्तर हैं, बिना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा उत्तर नहीं देगा। जो एजुकेटेड इडियट है वो इस तरह का। और ये उत्तर मुझे पता है कहां मिला, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एक लेक्चर कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में, वहां के एक प्रोफेसर ने उत्तर दिया कि जी कॉलगेट में बहुत अच्छी क्वालिटी है, झाग बहुत बनता है। तो मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप डेंटल क्रीम से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते, शेविंग क्रीम से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते, एरियल से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते, सबसे ज्यादा झाग तो उसी में बनता है। तो एकदम चुप प्रोफेसर। फिर उसने मुझे कहा अच्छा आप ही बताइए क्वालिटी क्या होती है। मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर होके अगर ये नहीं जानते कि क्वालिटी क्या होती है तो क्यों चिल्लाते हैं कि ये क्वालिटी होती है, जब मालूम ही नहीं है तो कहो ना हमको नहीं मालूम क्वालिटी क्या होती है, हम तो विज्ञापन देख के ये सामान खरीद लाते हैं। मैंने उनको समझाया कि कॉलगेट टूथपेस्ट बनता किस चीज से है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये समझने की बात है। तो उनका हाँ बताइए। तो मैंने उनको बताया, वो मैथमेटिक्स के थे, थोड़ा केमिस्ट्री भी जानते थे, केमिस्ट्री में केमिकल होता है उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, उससे कॉलगेट बनता है, क्योंकि सोडियम लॉरेल सल्फेट डाले बिना किसी भी टूथपेस्ट में झाग पैदा नहीं हो सकता। और सोडियम लॉरेल सल्फेट का आप देख लीजिए, आप में से थोड़े भी केमिस्ट्री पढ़े हुए लोग हैं तो केमिस्ट्री की डिक्शनरी में सोडियम लॉरेल सल्फेट देखिए, उसके सामने लिखा हुआ है पॉइजन, जहर है, 0.05 मिलीग्राम मात्रा में शरीर में चला जाए तो कैंसर कर देता है, और वो कॉलगेट में भरपूर मात्रा में मिलाया जाता है। और आपको एक जानकारी दूं, अमेरिका और यूरोप के देशों में कॉलगेट जब बेचा जाता है ना तो उस पर अंग्रेजी भाषा में चेतावनी लिखनी पड़ती है कॉलगेट के पेस्ट पर, जैसे भारत में सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है ना सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे अमेरिका और यूरोप में कॉलगेट के डिब्बे पर लिखा रहता है कॉलगेट करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। लिखते अंग्रेजी में है, मैं बताता हूं वो क्या लिखते हैं, वो तीन वाक्य लिखते हैं। पहला लिखते हैं कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दूसरा वाक्य लिखते हैं प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, माने 6 साल से कम उम्र के बच्चे को ये पेस्ट नहीं देना, क्यों, बच्चे चाट लेते हैं उसको और उसमें कैंसर करने वाला केमिकल है, इसलिए कहते हैं बच्चों को नहीं देना ये टूथपेस्ट। फिर आगे के सेंटेंस में लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेशन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर, माने गलती से किसी बच्चे ने कॉलगेट कर लिया तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना उसको, इतना खतरनाक है। और तीसरा सेंटेंस लिखते हैं इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज, मतलब क्या है, अगर आप बड़े आदमी हैं तो अपने ब्रश पर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में चने या मटर के दाने से आधी मात्रा में ही कॉलगेट लेना, क्योंकि कार कार्सिनोजेनिक है, कैंसरस है। अब देखो अमेरिका और यूरोप में लिखते हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में कॉलगेट लेना ब्रश पर, भारत में टीवी पे विज्ञापन आता है तो क्या कहते हैं ब्रश भर भर के लेना और दिन में तीन तीन बार लेना, सवेरे भी करना दोपहर को भी, जल्दी मरना और उनका माल भी कमाना। तो सब कंपनियों ने जो पेस्ट बनाया है ना उसमें बेईमानी और चालाकी पता है क्या, ये बाहर तो निकल सकता है अंदर नहीं घुसता, ट्यूब का डिजाइन ऐसा किया है कि पिच से दबाओ तो निकल तो आएगा, अगर ज्यादा निकल गया तो वापस नहीं घुसा सकते आप उसमें
सकते हैं, उसको पतला बनाते जल्दी निकले। हाँ माने इतने बेईमान लोग हैं और इतने शोषण खोर हैं ये कि आपका ज्यादा से ज्यादा पेस्ट खर्च हो, जल्दी से जल्दी आपकी जेब से पैसा निकाला जाए, इस तरह के धंधे वो कर रहे हैं। तो अमेरिका यूरोप में जो कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट शरीर के लिए हानिकारक है, वो हिंदुस्तान में क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे हो सकता है जरा बताइए। मुझे तकलीफ इस बात की है कि पहले अंग्रेज हमको लूटते थे तो डकैती करते थे, घर में घुसते थे, मारामारी करते थे, बंदूक चलाते थे, तलवार चलाते थे और लूट के ले जाते थे। अब ये कंपनियां दूसरे तरह की डकैती करती, ये बंदूक नहीं चलाती, तलवार नहीं चलाती, ये आपका दिमाग खराब करके लूट के ले जाते और हम खुशी से लुटवाते हैं इनसे अपने आप। पहले मजबूरी में लुटते थे, अब मजे में लूट रहे हैं। कैसे? इन कंपनियों ने हिंदुस्तानियों की एक कमजोरी पकड़ ली, हमारी एक बड़ी भारी कमजोरी है। वो पता है कमजोरी क्या है? अगर कोई हमको बार 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 झूठ बोलता रहे, हम थोड़े दिन में उसको सच मानने लगते। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। ये विदेशी कंपनी वाले क्या करते हैं, टीवी पे विज्ञापन दिखाते हैं, सवेरे से शाम तक विज्ञापन दिखाते हैं, एक बार, दो बार, 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार 200 बार 1000 बार, बार 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 बार, और आप देख देख के इतने पागल हो जाते हैं कि चुपचाप वो चीज खरीद के ले आते हैं बिना सोचे समझे। अब विज्ञापन कैसे आता है? आप टीवी का चैनल खोलो तो सबसे पहले विज्ञापन देखना पड़ता है। कोई भी चैनल खोल लो, आपको अगर समाचार देखना है, आज तक खोल लो, स्टार न्यूज खोल लो, जी न्यूज खोल लो, कोई भी न्यूज खोल लो, होता क्या है, न्यूज आती है 2 मिनट, विज्ञापन आता है 3 मिनट, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट। अब होता अंत में पता है क्या है? न्यूज तो भूल जाती है, विज्ञापन याद हो जाता है, क्योंकि न्यूज तो बदलती रहती है ना, हर 2 घंटे 3 घंटे में, तो वो तो भूल गए, विज्ञापन सबको याद हो गया, परमानेंट याद हो गया। मैं बहुत लोगों से पूछता रहता हूं जो रोज न्यूज देखते हैं कि भाई कल क्या समाचार देखा, तो कहते हैं याद नहीं। फिर उनसे पूछो विज्ञापन क्या देखा, तो वो याद है, ठंडा मतलब कोका कोला, तुरंत याद आ जाता है विज्ञापन, क्योंकि दिमाग में घुस गया बार 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 बार। तो हम हिंदुस्तानी क्या करते हैं, इनका विज्ञापन देख देख के माल खरीद लेते हैं, और विज्ञापन इस तरह से बनाते हैं जिसमें लोगों का विवेक शून्य हो जाता है। एक विज्ञापन है, विदेशी कंपनी है, लाइफ बॉय साबुन बेचती है, क्या विज्ञापन आता है, लाइफ बॉय है जहां। अच्छा अब आप सोचो कि लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां, इसका माने तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आ रही है, तो रोटी पानी क्यों कर रहे हो भाई, खाना क्यों खा रहे हो, लाइफ बॉय लगाओ, रगड़ रगड़ के नहाओ, तंदुरुस्ती आती रहेगी। और आप बताओ तंदुरुस्ती का साबुन लाइफ बॉय हो सकता है? तंदुरुस्ती का आधार दूध हो सकता है, दही हो सकता है, सब्जियां हो सकती हैं, चावल हो सकता है, आटा हो सकता है, गेहूं हो सकता है, लाइफ बॉय कब से हुआ? अब अकल की बात तो यही है ना, साबुन तंदुरुस्ती का आधार नहीं होता, लेकिन हम जबरदस्ती लाइफ बॉय खरीदते हैं। एक जमाना था कि कोई लाइफ बॉय नहीं खरीदता था, आज इस कंपनी का 7 करोड़ लाइफ बॉय साल में बिक जाता, और लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं इस उम्मीद में कि आज तंदुरुस्त हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, 20 दिन बाद हो जाएंगे। और कैसे मूर्ख बनाती है ये कंपनी, वो विज्ञापन में कहते हैं लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है, मैल को नहीं धोता, मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धोता है, और कीटाणुओं को मारता नहीं है, धोता है। सुना है ना, ध्यान से, लाइफ बॉय मेल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है, तो मारता नहीं है, धोता है, इसका माने कीटाणुओं को धो पहुंचकर और तंदुरुस्त बना देता है। अब ये मूर्खता है कि नहीं? इस मूर्खता में सारा देश परेशान है, और सारा देश क्या परेशान है,
लाइफ बॉय खरीद रहे हैं, पैसे हिंदुस्तान लीवर विदेशी कंपनी को दे रहे हैं। वो कितने पैसे दे रहे हैं? लाइफ बॉय आता है 10 रुपए का, कभी कभी आता है 12 रुपए का। लाइफ बॉय दुनिया का सबसे घटिया साबुन है, आपको मालूम है? आप पूछोगे कैसे? दुनिया में 3 तरह के साबुन होते हैं। एक होते हैं बाथ सोप, बाथ सोप का माने नहाने का साबुन, स्नान करने का साबुन। एक होते हैं टॉयलेट सोप, टॉयलेट सोप माने हाथ धोने का साबुन, संडास घर में से निकले तो हाथ धोने का साबुन टॉयलेट सोप। और एक होता है कार्बोलिक सोप, कार्बोलिक सोप का माने है जानवरों को नहलाने का साबुन। लाइफ बॉय कार्बोलिक सोप है, ये वो खुद कहते हैं, कंपनी वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता। कंपनी डिक्लेयर करती है कि ये बाथ सोप नहीं है, टॉयलेट सोप नहीं है, ये कार्बोलिक सोप है। और यूरोप के देश में लाइफ बॉय से कुत्ते नहाते हैं, बिल्लियां नहाती हैं, गधे नहाते हैं, और उस लाइफ बॉय से हिंदुस्तान के 7 करोड़ लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं। ऐसा दिमाग खराब हमारा हुआ ये विज्ञापन देख। और ये जो कार्बोलिक सोप है ना, ये बनता कैसे है इसको भी जान लो। बाथ सोप बनाते हैं, ये हिंदुस्तान लीवर का बाथ सोप है, जैसे लक्स, जैसे लिरिल, जैसे रेक्सोना, इसी का एक साबुन है पियर्स, तो वो सब बाथ सोप है। उसको बनाने के बाद ये कुछ और साबुन बनाते हैं, जैसे रिन, उसी का है, जैसे सर्फ, तो कपड़ा धोने का साबुन बनाया, नहाने का साबुन बनाया। उन दोनों को बनाने के बाद जो कचरा बच गया उससे कार्बोलिक सोप बनाया लाइफ बॉय, और वो सबसे ज्यादा बिकता है इस देश में। जो सबसे घटिया साबुन है वो सबसे ज्यादा बिकता है। इसके घटिया होने का प्रमाण क्या है? साबुन में केमिकल जितना ज्यादा, साबुन उतना ही घटिया। और केमिकल उसमें जो सबसे खराब केमिकल है, जो आपकी त्वचा को खराब करता है, मैं आपको उसका प्रमाण देता हूं। आप लाइफ बॉय से नहाइए, नहाने के बाद जब शरीर सूख जाए ना, तो नाखून से ऐसे लाइन खींचिए, सफेद रंग की लाइन खींच जाएगी। कैसे खींची? लाइफ बॉय के केमिकल कचरे ने आपकी त्वचा के तेल को पूरी तरह से सुखा दिया, तो त्वचा एकदम रूखी और सूखी हो गई। और जिनकी त्वचा रूखी और सूखी होती है और बार 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 आप उस पर साबुन रगड़ेंगे, तो एक दिन आपको एक्जिमा होने ही वाला है, सोराइसिस होने ही वाला है, चमड़े के रोग होने ही वाले हैं आपको। तो लाइफ बॉय लगा लगा के त्वचा को रूखा बना रहे, फिर चमड़े के रोग आ रहे हैं, चमड़े के रोग आ रहे हैं तो फिर उनको ठीक करने के लिए डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, फिर उनकी दवाएं खा रहे हैं, फिर उन दवाओं से शरीर पर साइड इफेक्ट आ रहा है, फिर उसके लिए इलाज करा रहे हैं। क्या घन चक्कर में फंस गए हम। और मैंने इस कंपनी की बैलेंस शीट में से एक दिन हिसाब निकाला, एक लाइफ बॉय बनाने में इस कंपनी का मुश्किल से 2 रुपया खर्च होता है, और उसको ये 10-12 रुपए में बेच लेती है। मुनाफा इस कंपनी का सैकड़ों नहीं हजारों प्रतिशत में। विज्ञापन का सिद्धांत पता है क्या? विज्ञापन का सिद्धांत है गंजे को कंघा बेच दो, जिसको बाल ही नहीं है उसको कंघा बेच दो, ये विज्ञापन का सिद्धांत है। जिस आदमी ने संकल्प ले रखा है खड़ाऊ पहनने का, उसको जूते पहना दो, ये विज्ञापन का संकल्प है। जिसने संकल्प ले रखा है शरीर पर 1 या 2 ही वस्त्र धारण करने का, उसके घरों में वस्त्रों का अंबार लगा दो। विज्ञापन माने कृत्रिम भूख पैदा करो, कृत्रिम मांग पैदा करो, आर्टिफिशियल डिमांड खड़ी करो। कोई वस्तु बाद में बने, विज्ञापन पहले करो ताकि उसकी मांग खड़ी हो जाए। और वो मांग खड़ी होती है हमेशा पहले पढ़े लिखे मूर्खों के बीच से, फिर भी धीरे धीरे उनकी नकल करके गांव वाले भी उसको सीख लेते हैं। फिर गांव वालों को लगता है बाबूजी होना है तो लक्स ही नहाना पड़ता है, बाबूजी होना है तो कॉलगेट ही लगाना पड़ता है, मक्के के दाने खाएंगे, मक्के का दाना, गांव में भुट्टा भून के खाना, ये तो हाइजीनिक नहीं है, कितनी गंदगी है। और वो कंपनी ने पैकेट में बना के दे दिया, अरे साहब क्या क्वालिटी है, 400 रुपए किलो, 300 रुपए किलो ले आए। हमारे देश में जो सबसे ज्यादा विदेशी कंपनियां इस समय व्यापार कर रही है वो अमेरिका से आई हुई है। उनमें से 2 कंपनियां हैं, एक का नाम है पेप्सी कोला और दूसरे का नाम है कोका कोला।
इन दोनों कंपनियों के बारे में जब से मैंने अभ्यास करना शुरू किया, मैं इतना हैरान हूं कि दोनों ने भारत में कुछ खास पूंजी नहीं लाई है और उससे कई गुना ज्यादा यहां से वो लूट के ले जा रहे हैं। आप बोलेंगे पेप्सी कोला ने भारत में व्यापार शुरू किया और कोका कोला ने भारत में व्यापार शुरू किया, कुल जमा दोनों ने लगभग 10 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है कुल जमा। अगर तकनीकी भाषा में एक शब्द में इस्तेमाल करूं उसको विज्ञान सॉरी माफ करिए अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र में कहते हैं इनिशियल पेड अप कैपिटल। कोई कंपनी जब व्यापार शुरू करती है तो व्यापार की शुरुआत में जो वो पैसा अपने देश में से लाकर भारत में लगाते हैं उसको कहते हैं इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआती पूंजी। वो लगभग 10 करोड़ की है दोनों की, पेप्सी और कोका कोला की। और अब मैं बताता हूं कि ये लूट कितना रहे हैं इस देश में से। ये दोनों कंपनियां पानी की बोतल बना के बेचती हैं, आपने उनका नाम सुना है, कोका कोला, पेप्सी कोला, थम्सअप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा आदि आदि, ये जो पानी की बोतलें हैं अंग्रेजी वाले इनको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, हाँ किल्ले और एक्वाफिना। एक तो पानी है रंगीन जिसमें कुछ जहर मिला के बेचते हैं जिसको वो अंग्रेजी में सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, और एक पानी है सादा सादा जिसको वो बेचते हैं और उसको किल्ले और एक्वाफिना के नाम से बेचा जाता है। मैं दोनों का विश्लेषण करूंगा। ये जो रंगीन पानी है जिसको सॉफ्ट ड्रिंक कहा जाता है, जिसमें लाल रंग मिलाया जाता है और आपको दिखाई देता है चॉकलेटी कलर का, पेप्सी, कोका कोला, थम्सअप, लिम्का, सिट्रा वगैरह वगैरह, ये पानी की बोतलें भारत में ये बनाते हैं। इनके यहां पर कुछ कारखाने लगे हुए हैं, पेप्सी और कोका कोला के 64 कारखाने हैं पूरे भारत देश में। इन कारखानों में ये बनाते हैं पानी की बोतलें सॉफ्ट ड्रिंक की। मैं उन कारखानों में घूमा और कई कारखानों में जा जाके वहां के अधिकारियों से बात करके कोशिश की, क्योंकि ये कंपनियां अपनी जी वेबसाइट पे नहीं देती हैं। इन कंपनियों ने भारत के शेयर बाजार में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है। हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या दिल्ली का स्टॉक एक्सचेंज है वहां इनकी रजिस्ट्री नहीं है, वहां पर इनकी एंट्री नहीं है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में जिन कंपनियों का लिस्टिंग नहीं होता, जिनकी सूची नहीं बनती है, उनके आंकड़े मिलना एकदम असंभव होता है। पेप्सी और कोका कोला दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अमेरिका के दो घरानों की कंपनियां हैं। अमेरिका में स्वामी जी इनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति बने या तो वो पेप्सी प्रेसिडेंट होता है या कोका कोला प्रेसिडेंट होता है। एक कंपनी ने एक पार्टी को पकड़ रखा है, दूसरी ने दूसरे को पकड़ रखा है। और अमेरिका में जब चुनाव होता है ना तो कंपनियां खुल के पैसा लगाती हैं चुनाव में और उसको वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और राष्ट्रपति जब उनके चुनकर आते हैं तो उनके माध्यम से वो अपना काम कराते हैं। मैंने अमेरिका के पिछले करीब करीब 50 साल के राष्ट्रपतियों की सूची तैयार की है तो 24 राष्ट्रपति पेप्सी प्रेसिडेंट हुए और 12-13 राष्ट्रपति कोका कोला प्रेसिडेंट है। तो ये चलता है वहां, खुलेआम चलता है क्योंकि उनका कानून वैसा है। तो अमेरिका में तो एक कंपनी ने एक पकड़ रखी है पार्टी, दूसरी ने दूसरी पकड़ रखी है। ऐसी दो कंपनियां हैं ये पेप्सी और कोका कोला जो सीधे राष्ट्रपति और अमेरिका की सरकार के सहयोग से किसी भी देश में घुसते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत में भी ऐसा ही हुआ, इन दोनों कंपनियों का प्रवेश अमेरिका के राष्ट्रपति ने कराया। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके जमाने में इन दोनों कंपनियों को प्रवेश अमेरिका के राष्ट्रपतियों के कहने पर किया गया और धमकी दी थी अमेरिका ने कि अगर भारत ने अपना दरवाजा नहीं खोला पेप्सी और कोका कोला के लिए तो फिर भारत के खिलाफ हम क्या क्या कर सकते हैं ये भारत को अच्छे से मालूम है। तो सरकार ने डर के मारे दरवाजा खोल दिया। ये पेप्सी और कोका कोला की एक पुरानी कहानी बताता हूं आपको। हमारे भारत में एक मुरारजी देसाई नाम के प्रधानमंत्री हुए थे 1977 में। वो बहुत चिढ़ते थे विदेशी कंपनियों से क्योंकि थोड़े गांधीवादी व्यक्ति थे और खुद से चरखा चला के सूत बना के जो खादी बनती थी उसी का कपड़ा पहनते थे, बाजार से खरीदी हुई खादी कभी नहीं पहनी उन्होंने। तो श्री मुरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला जो काम किया था वो ये कि कोका कोला कंपनी को भारत से भगा दिया था और लाइसेंस रद्द कर दिया था इस कंपनी का।
श्री मुरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में एक उद्योग मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था श्री जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस के माध्यम से नोटिस दिया कोका कोला कंपनी को और कहा कि जल्दी से बोरिया बिस्तर बांधो और दो, नहीं तो हम आपकी सारी संपत्ति को जब्त करेंगे और इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे, फिर आप कहते रहना हमने आपको बताया नहीं, चेतावनी नहीं दी। तो डर के मारे ये कोका कोला कंपनी भाग गई थी 1977 में। उसके बाद क्या हो गया, फिर चक्र उल्टा हो गया। 1991 के आसपास भारत सरकार ने फिर बुला लिया, अमेरिका के दबाव में आकर वो फिर से घुस गई, कोका कोला आ गई, फिर उसके पीछे पीछे पेप्सी कोला आ गई। अब इन्होंने 64 जगह कारखाने लगाए हैं, पानी की बोतल बेचते हैं, रंगीन पानी है जिसको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। ये पानी की एक एक बोतल बनती है मात्र 70 पैसे में। जब मैं इनके कारखानों में घूमा और मैंने हिसाब निकाले तो पता चला कि एक बोतल बनाने में सिर्फ 70 पैसा खर्च होता है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि 70 पैसे में पेप्सी कोला की, कोका कोला की 300 मिलीलीटर की बोतल तैयार हो जाती है। आप बोलेंगे उस बोतल का खर्चा उसमें जोड़ा हुआ है, बोतल तो बार बार इस्तेमाल होती है। वो जो कांच की बोतल है ना, हम पी के दे देते हैं, फिर वापस इस्तेमाल होती है, फिर दे देते हैं, तो उस बोतल को छोड़कर उसका जो पानी अंदर भरा हुआ है वो सिर्फ 70 पैसे का है। अब 70 पैसे में 300 मिलीलीटर वो सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं कम से कम 10 रुपए में, 12 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में, हवाई जहाज में बैठ जाओ तो 40 रुपए में, 5-स्टार होटल में चले जाओ तो 60 रुपए में। माने 10 रुपए से शुरू होती है उनकी गिनती और अधिकतम 60-70 रुपए तक वो 300 मिलीलीटर पानी बिकता। हम अगर सबसे कम कीमत मान के चले कि वो 10 रुपए है, तो आप जरा सोचना शुरू करो कि 70 पैसे का पानी अगर 1 रुपए 40 पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा 100% हो गया। 70 पैसे का पानी 2 रुपए 10 पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा 200% हो गया। 70 पैसे का पानी 2 रुपए 80 पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा 300% हो गया। और इसी हिसाब से 70 पैसे का पानी 7 रुपए में बिक रहा है तो मुनाफा 1000% हो गया। और 70 पैसे का पानी अगर 10 रुपए में बिक रहा है तो मुनाफा लगभग 1500% हो गया। आप बताओ मुझे, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यापार है जिसमें 1500% मुनाफा होता हो? हम सोने चांदी का भी धंधा करते हैं ना, सुनार होके व्यापार करते हैं, उसमें भी मुनाफा 10-20-50% के आसपास होता है। लेकिन ये सॉफ्ट ड्रिंक का व्यापार, पानी में रंग घोल के और जहर घोल कर बेचने वाला व्यापार, इसमें 1500% का मुनाफा। और अगर लीटर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो 70 पैसे का पानी वो 10 में बेचे 300 मिलीलीटर, तो 1 लीटर पानी उनका हो गया 30 रुपए का, लगभग 32-33 रुपए का। अब 33 रुपए लीटर उनका पानी बिक रहा है जिसमें जहर मिले हुए हैं, और भारत के गांव में गाय का दूध 10 रुपए लीटर बिक रहा है जो अमृत तुल्य है। तो गांव का गाय का दूध 10 रुपए लीटर है, कोका कोला की बोतल का पानी 33 रुपए लीटर हमें मिल रहा है। 1500% का मुनाफा कमाकर वो इस व्यापार में उतर गए हैं। अब इसमें आगे बढ़े थोड़ा सा जब उतर गए हैं अब इसमें आगे बढ़े थोड़ा सा जब इन कारखानों में मैं घूमा तो हर जगह मैं ये पूछता था कि एक कारखाने में एक दिन में कितनी बोतल यहाँ से बनकर निकलती है, क्योंकि मैंने बताया ना इन कंपनियों के आंकड़े किसी भी वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं, इन कंपनियों के बारे में जानकारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों को नहीं है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज वालों को नहीं है, तो इस जानकारी को इकट्ठा करने में बड़ी मेहनत लगती है। तो घूमा जब एक एक कारखाने से बोतलों की संख्या पता की तो मालूम हुआ कि एक साल में ये दोनों कंपनियां 700 करोड़ बोतल बना के बाजार में बेच देती। एक बोतल वो 10 रुपए का बेचते हैं, अगर कम से कम हम माने, अधिक से अधिक तो 60 रुपए का है, कम से कम 10 रुपए का एक बोतल माने तो 700 करोड़ बोतल बना के वो बाजार में बेच देते हैं।
मतलब हमारे देश के बाजार से एक साल में ये दोनों कंपनियां 7,000 करोड़ रुपए लूट लेती, और ये 7,000 करोड़ रुपए की लूट होती है एक ऐसे पानी को बेचकर जिसमें जहर ही जहर है, कुछ अमृत तुल्य एक भी चीज उसमें नहीं। अब ये जो पानी बिक रहा है पेप्सी और कोका कोला के नाम पर, इसके बारे में भारत के कई विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने शोध की है, रिसर्च किया है और बताया कि इस पानी में मिलाते क्या क्या है। पेप्सी और कोका कोला वालों से पूछो कि आप पानी में क्या मिलाते हो जिससे ये रंगीन हो जाता है, तो वो नहीं बताते इस बात को, कहते हैं ये फॉर्मूला सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, ये बताया नहीं जा सकता। लेकिन आज की दुनिया में कोई चीज सीक्रेट नहीं होती, तो कई वैज्ञानिकों ने जब इनसे पूछा कि बताओ तुम क्या मिलाते हो, नहीं बताया इन्होंने, तो उन वैज्ञानिकों ने मेहनत करके प्रयोगशाला में उसका परीक्षण कर लिया और पता चला कि 14 किस्म के जहर मिलाते हैं इसमें। उनके नाम बताता हूं, आप याद कर लेना ताकि सबको बताने में सुविधा हो। सबसे खराब जहर जो इसमें मिलाया जाता है पेप्सी और कोका कोला में, उसका नाम है सोडियम मोनोग्लूटामेट। इस जहर के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि यह कैंसर करने वाला है। फिर दूसरा जहर मिलाते हैं, उसका नाम है पोटेशियम सॉर्बेट, यह भी कैंसर करने वाला है। फिर तीसरा जहर इसमें है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, यह भी कैंसर करता है। फिर इसमें चौथा एक जहर है, उसका नाम है मिथाइल बेंजीन, बहुत ही खतरनाक जहर है, किसी भी व्यक्ति की किडनी को खराब कर सकता है। फिर इसमें पांचवा जहर है, उसका नाम है मेथिल बेंजोएट, ये बहुत ही खतरनाक जहर है, किसी को भी कैंसर कर सकता है, मूत्र नली का कैंसर कर सकता है, लीवर का कैंसर कर सकता है, सोडियम बेंजोएट। फिर इसमें सबसे खतरनाक एक जहर मिला वैज्ञानिकों ने जब परीक्षण किया, उसका नाम है एंडोसल्फान, जो कीड़े मारने के लिए खेत में डाला जाता, जो जंतुओं को मारने के लिए किसान स्प्रे करते हैं अपनी फसल पर, वो एंडोसल्फान इसमें है। और ऐसे कर करके 14 जहर, और फिर सबसे जहरीली गैस जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसको शरीर के अंदर कभी भी नहीं ले जाना चाहिए। भगवान ने यह शरीर ऐसा बनाया कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा हम बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन प्राणवायु को अंदर लेते हैं, लेकिन पेप्सी और कोका कोला में कार्बन डाइऑक्साइड ही मिली होती है और उसको पीते हैं हम उस पानी के साथ जो बहुत जहरीली गैस है। और इसमें मिलाते हैं कुछ एसिड, उसमें एक एसिड है फॉस्फोरिक एसिड, और ऐसे करके ये पेप्सी और कोका कोला तैयार होता है। जब ये तैयार होता है तो सारे देश में उसका विज्ञापन होता है टेलीविजन चैनल पर, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी इसका विज्ञापन करते हैं, कुछ सिनेमा में नाच गाना करने वाले जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो इसका विज्ञापन करते हैं, और उस विज्ञापन में इस तरह से दिखाया जाता है कि सबसे पवित्र पानी अगर कोई है तो वो यही है पेप्सी कोला कोका कोला। कई सिनेमा में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस व्यक्तिगत जिंदगी में पेप्सी कोक नहीं पीते, लेकिन विज्ञापन करते हैं, क्योंकि विज्ञापन करने का पैसा मिलता है। एक विज्ञापन आता है ना, आपने देखा ठंडा मतलब कोका कोला, इसको बोलने के लिए आमिर खान को 7 करोड़ रुपए मिलता। आमिर खान एक फिल्म बनाता है सिनेमा की तो एक साल लगता है, और उस फिल्म को बनाने का मेहनताना 4 करोड़ मिलता है, लेकिन ठंडा मतलब पेप्सी कोला बोलने का ही 7 करोड़ मिल जाता है। तो फिल्म से अच्छा धंधा तो ये है विज्ञापन का, बताओ। तो ये जो स्थिति है, सिनेमा में काम करने वाले, क्रिकेट में खेलने वाले लोग इसका विज्ञापन करते हैं पैसे के लालच में, और ये पैसा कंपनी कहां से देती है? आपको 70 पैसे का पानी जो 10 रुपए में बेचा, उसमें से जो मुनाफा कमाया उसी का एक हिस्सा वो उनको दे देते हैं, उसमें से थोड़ा सरकार को टैक्स के रूप में दे देते हैं, और बचा हुआ सारा नेट प्रॉफिट यहां से लूटकर अमेरिका ले जाते हैं। अब जो सबसे गंभीर बात मुझे आपसे कहनी है वो ये कि ज्यादातर लोगों को ये पूछो कि आप पेप्सी को क्यों पीते हो, तो लोग कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब पूछो ये अच्छी क्वालिटी क्यों है, तो कहते हैं ये अमेरिका की कंपनी है। तो क्या अमेरिका की सब कंपनियां क्वालिटी देती हैं? तो भारत के लोगों के दिमाग में यही घुसा हुआ है कि अमेरिकन प्रोडक्ट माने बेस्ट क्वालिटी, अमेरिकन कंपनी माने बेस्ट क्वालिटी। उनको ये नहीं मालूम है कि अमेरिकन प्रोडक्ट दुनिया में वर्स्ट क्वालिटी भी होते हैं, सबसे खराब क्वालिटी के होते हैं। अब पेप्सी कोक की ही जानकारी देता हूं,
अमेरिका की एक संस्था है, उसका नाम है एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और ऐसी ही भारत में एक संस्था है। दोनों के दस्तावेजों के आधार पर मैं बताता हूं कि अमेरिका में जो पेप्सी और कोक बिकता है और भारत में जो पेप्सी और कोक बिकता है, तो भारत का पेप्सी कोक अमेरिका के पेप्सी कोक की तुलना में 40 गुना ज्यादा जहरीला, 40 गुना। और हमारे शरीर की जहर को निकालने की एक क्षमता होती है, हमारे शरीर में जहर को निकालने की क्षमता से 400 गुना ज्यादा जहरीला है पेप्सी और कोका कोला। आप देखो इसकी क्वालिटी क्या है। और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कोई भी पेप्सी और कोका कोला पिएगा तो सबसे जल्दी कैंसर होने की संभावना, सबसे जल्दी डायबिटीज होने की संभावना, सबसे जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना, सबसे जल्दी ऑस्टियोपीनिया होने की संभावना, सबसे जल्दी मोटापा होने की संभावना, सबसे जल्दी दांत गलने की संभावना, हड्डियों के कमजोर होने की संभावना, ऐसी 48 बीमारियां सबसे जल्दी हो सकती है, ये सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं पेप्सी और कोका कोला से। तो इतना खतरनाक सॉफ्ट ड्रिंक भारत के बाजार में बिक रहा है और उसका हजारों करोड़ रुपया यहां से लूटकर अमेरिका जा रहा है। अब अंत में इस पेप्सी कोक के बारे में एक जानकारी और देना चाहता हूं कि इसकी क्वालिटी क्या है। थोड़े दिन पहले से आपने परम पूजनीय स्वामी जी के मुंह से सुना होगा, विज्ञापन आता है ना, ठंडा मतलब कोका कोला। स्वामी जी ने उसकी काट करने के लिए एक बहुत अच्छा विज्ञापन बनाया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। ये टॉयलेट क्लीनर कहा तो मजाक में नहीं कहा, मैं आप सभी भाई बहनों को यह गंभीर बात कहना चाहता हूं कि परम पूजनीय स्वामी जी ने यह जो कहा ना, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, ये मजाक में नहीं कहा और उपहास में भी नहीं कहा, यह सत्यता है और सच्चाई है। आप बोलेंगे जी क्या सच्चाई है, आपके घर में जो टॉयलेट क्लीनर आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी, जैसे फिनाइल है, जैसे हार्पिक है, जिसको आप अपने घर में टॉयलेट साफ करने के लिए, संडा साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो जो भी आप इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट क्लीनर के रूप में अपने घर में, उसमें एक एसिड होता है और उस एसिड की कुछ मात्रा होती है। एसिड की मात्रा तय करने के लिए एक इकाई होती है, उसको पीएच कहते हैं। आप में से थोड़ा भी रसायन शास्त्र केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा पीएच कहते हैं। ये पीएच को सरल भाषा में मैं समझाता हूं, ये जो पानी होता है ना, पानी, पानी का पीएच 7 होता है और 7 पीएच को सारी दुनिया में सामान्य माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। अगर आप पानी लेंगे शुद्ध और उसमें पीएच मीटर डालेंगे, पीएच मीटर एक मशीन होती है जो किसी भी मात्रा को, एसिड की मात्रा को बताने का काम करती है, तो पानी में पीएच मीटर डालेंगे तो उसकी मात्रा आती है 7, माने शुद्ध पानी 7 पीएच का होता है। फिर उस पानी में आप एसिड मिला दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दो, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दो या नाइट्रिक एसिड मिला दो, कोई भी एसिड मिला दो, तो मात्रा जो है ना 6 हो जाएगी। और ज्यादा एसिड मिलाओगे मात्रा 5 हो जाएगी, और ज्यादा एसिड मिलाओगे मात्रा 4 हो जाएगी, और ज्यादा एसिड मिलाओगे मात्रा 3 हो जाएगी, और बहुत एसिड अगर हो गया तो मात्रा 2 के आसपास आ जाएगी, और 1 का मतलब तो पूरा एसिड ही एसिड है। जब पेप्सी और कोका कोला का एसिड जांच किया गया तो पता चला कि उसका जो एसिड है वो 2.4 है। 2.4 माने इतना खराब एसिड, जिसको आप टॉयलेट पे डालो तो झकाझक सफेद हो जाए। क्योंकि हमारे देश के युवा विद्यार्थी सबसे ज्यादा पेप्सी कोक पीते, नशा है उनको पेप्सी और कोका कोला का, और वो नशा क्रिकेट के खिलाड़ी और सिनेमा में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस का पैदा किया हुआ है। तो युवा विद्यार्थियों को नशा है, वो सबसे ज्यादा पीते हैं, और पेप्सी और कोका कोला का टारगेट भी वही है। हमारे देश के युवाओं द्वारा सबसे ज्यादा पेप्सी कोक पिया जाए, यही पेप्सी और कोका कोला वाले चाहते हैं। दो कारण से, एक तो उनका माल खपत होगा, बिक्री होगी, मुनाफा मिलेगा, और दूसरा ये जहर पी पी कर नौजवान अपनी नौजवानी खत्म कर लेंगे।
सोडियम मोनोग्लूटामेट आपके शरीर में जाए, पोटेशियम सॉर्बेट जाए, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल जाए, मिथाइल बेंजीन जाए, मेथिल बेंजोएट जाए, एंडोसल्फान उतर जाए आपके खून में, ऐसे खतरनाक जहर उतर जाए, फॉस्फोरिक एसिड उतर जाए आपके खून में, तो जवानी तो चली जाएगी आपकी, नपुंसकता ही आने वाली है। और जिनकी जवानी चली गई और नपुंसकता आ गई, वो ना अपने काम के हैं, ना परिवार के काम के हैं, ना देश के काम के हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भारत को भविष्य में गुलाम बनाने का कोई बड़ा षड्यंत्र और बड़ी साजिश इस पेप्सी और कोका कोला के माध्यम से तो नहीं हो रही है। इस दृष्टि से आपको स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा इस विषय पर समझाना है और बताना है। आप बोलेंगे ये विद्यार्थी मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं, एक मिनट में उनको समझ में आ जाता है, व्याख्यान देने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों के स्कूल में जाइए, विद्यार्थियों के स्कूल में जाइए और उनके स्कूल का जो टॉयलेट है वो पेप्सी कोला से उनके सामने साफ करके दिखा दीजिए। एक मिनट में ही मान जाते हैं और एक मिनट में कन्विंस हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि सभी स्कूल कॉलेज में टॉयलेट तो होते ही हैं, सभी स्कूल कॉलेज में बाथरूम भी होते हैं और कितने गंदे होते हैं उसका अंदाजा तो आप सभी को है, क्योंकि स्कूल कॉलेज के टॉयलेट और बाथरूम की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती। उनको जब आप पेप्सी कोक से साफ करके दिखा देंगे विद्यार्थियों के सामने, सारे विद्यार्थी कान पकड़ लेंगे कि अब तो इसको छुएंगे नहीं, अब तो इसको पिएंगे नहीं। और विद्यार्थी अगर कन्विंस हो गए नहीं पीने के लिए, तो उनके माता पिता नहीं पिएंगे, क्योंकि बच्चा जो है ना बाप का बाप होता है। हाँ, एक अंग्रेजी की कहावत है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, माने बाप का बाप है बच्चा। अगर उसने मान लिया कि नहीं पीना तो मम्मी पप्पा को तो वो बिल्कुल कह ही देगा, कन्विंस कर लेगा कि नहीं पीना। और माता पिता छोड़े, बच्चे छोड़े, परिवार छोड़े, पड़ोस छोड़े और सारा देश इसको छोड़े, इस अभियान को हम सब लोग करके सफलता की एक ऊंचाई तक ले जाए, सारी दुनिया देखेगी कि भारतवासियों ने जैसे भगाया ईस्ट इंडिया कंपनी को, वैसे ही भगा दिया पेप्सी और कोका कोला कंपनियों को, तो दूसरा कोई आंख उठाकर इधर नहीं देखेगा और दोबारा से ये देश किसी गुलामी के दुष्चक्र में नहीं फंसेगा। और ये जो पेप्सी और कोका कोला का बहिष्कार है, आप जान लीजिए, मैंने इसके बारे में बहुत अभ्यास किया है, इन दो कंपनियों का अगर हमने सफाया कर दिया भारत से, एक भी अमेरिकन कंपनी यहां नहीं रुकेगी। अब मैं और एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूं जो बहुत गंभीर है, कि विदेशी तकनीकी कैसी है। मैं आपको दवाओं के क्षेत्र में कुछ बताना चाहता हूं, चिकित्सा के क्षेत्र में, दवाओं के क्षेत्र में। अक्सर हमको ये सुनने को मिलता है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारी दवाएं बनाकर ला रही हैं, उन दवाओं को भारत में बेचा जा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि ये दवाएं बहुत हाईटेक हैं, हाई क्वालिटी। मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि दुनिया के देशों में जो जो दवाएं 20-25-30 साल से बंद हो चुकी हैं, जिनको जहर घोषित किया गया है, जिनको ए क्लास पॉइजन, बी क्लास पॉइजन डिक्लेयर कर दिया गया, जो बहुत ही खतरनाक जहर हैं, ऐसी दवाएं लाकर विदेशी कंपनियां भारत में बेचती हैं और हजारों करोड़ रुपए लूटती हैं, उसका मुझे बहुत दर्द है। मैं 1947 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो पता चला विदेशी कंपनियां मात्र 10 करोड़ की दवाएं बेचती थी इस देश में 1947। अब 2009 आ गया तो विदेशी कंपनियों की दवाएं जो उनके व्हाइट मनी में है, उनकी बैलेंस शीट में है और उन्होंने जो अपने आंकड़े दिए हैं वो 70,000 करोड़ के हैं। माने 70,000 करोड़ की दवाएं आज वो भारत में बेच रहे हैं और इनमें से अधिकांश दवाएं ऐसी हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है। मैं आपको भारत देश के एक जस्टिस हाथी हुआ करते थे, उन्होंने एक कमीशन की रिपोर्ट बनाई थी जिसको जस्टिस हाथी कमीशन रिपोर्ट कहते हैं। उस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े बताता हूं। उन्होंने बताया हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिकों की और भारत के कुछ विधि विशेषज्ञों की, कानून के जानकारों की एक समिति बनी थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस हाथी। उन्होंने बताया कि भारत में जितनी बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए एलोपैथी की मात्र 117 दवाओं की जरूरत है, मात्र 117। लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए कि हमारे देश में इस समय एलोपैथी की 84,000 दवाएं बिक रही हैं।
जरूरत सिर्फ 117 दवाओं की है। कितना बड़ा अत्याचार और अन्याय इस देश पर हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करता हूं, WHO कहता है कि भारत की सभी बीमारियों का इलाज करने के लिए 250 अधिक से अधिक दवाओं की जरूरत है, कम से कम 117, अधिक से अधिक 250, और इस देश में 84,000 दवाओं के फॉर्मुलेशन बिक रहे हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, आपके किसी काम के ही नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कि जो दवा आप खा रहे हैं किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर लिखी हुई, वो दवा आपके काम ही नहीं आने वाली है। और इससे भी ज्यादा दुख और अफसोस है कि जो काम नहीं आए दवा, वहां तक तो समझ में आता है, जो दवा आपके शरीर को हानि पहुंचाए, दुष्परिणाम करे, ऐसी खतरनाक दवाएं भी हम खा रहे हैं इन विदेशी कंपनियों के द्वारा जो बेची जा रही। कुछ दवाओं के नाम लेके बताता हूं। दवाओं की संख्या अब तक जो हमारे पास आ पाई है, हमने अभी तक 5,000 दवाओं को लिस्ट किया है। 5,000 हैं, 84,000, ध्यान रखिएगा, 84,000 दवाएं बाजार में हैं। इनमें से सिर्फ 117 काम की हैं, बाकी सब बेकार हैं। जो बेकार की दवाएं हैं उनमें से 5,000 को अभी तक लिस्ट कर पाए हैं, सूची बना पाए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख दवाओं के नाम मैं लेना चाहता हूं जिन्हें अक्सर हम खरीद कर खाते रहते हैं और वो दुनिया के कितने देशों में बंद हैं और वो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। एक दवा है जो बहुत ज्यादा इस देश में इस्तेमाल होती है, ऑक्सीफन बूटाजोन। एक दवा है फिनाइल बूटाजोन। एक दवा है उसका नाम है एक्टिमाल। एक दवा है उसका नाम है एल्जीरियल। एक दवा है उसका नाम है बूटा कार्डिडान। एक दवा है बूटा प्रोक्सीवॉन। ये 7 दवाएं हैं जो ब्रिटेन में, पश्चिमी जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, फिनलैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, मलेशिया में, इजराइल में, जॉर्डन में और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में भी बंद है। बांग्लादेश में बंद है ये 7 दवाएं जिनके नाम मैंने, और 20 साल से बंद है, आज से नहीं, 20 साल से बंद है। बांग्लादेश भी जिन दवाओं को बिकने नहीं देता अपने यहां, इजराइल जैसा देश बिकने नहीं देता, जॉर्डन जैसा देश बिकने नहीं देता, फिनलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, मलेशिया में वो दवाएं नहीं बिकती, अमेरिका, जापान, इटली, स्वीडन, जर्मनी में कहीं नहीं बिकती, वो भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं ये 7 दवाएं। और इनके दुष्परिणाम क्या हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दवा की थोड़ी सी खुराक, 3 या 4 खुराक ही काफी है कि आपकी अंतड़ियों में घाव हो जाए। इन दवाओं को लेने से रक्त का कैंसर होने की पूरी संभावना होती है। और अब तक हिंदुस्तान में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इन दवाओं को खाके, लेकिन ये दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं, विदेशी कंपनियों के नीचे बेची जा रही है। इसी तरह से मैं और बताता हूं, एक दवा है इस देश में, उसका नाम है ऑक्सीपोज। एक दवा है उसका नाम है सुग्रिल। एक है ऑक्सीजोन, एक है पैराबूटाजोन, एक है क्यूलोक्विनोल, एक है एम्बिक्विनोल, एक है एलिकिन, एम्बिजाइन फोर्ट, एमिक्योर, एमिक्विल और एमिजील प्लस। ये सारी दवाएं, ये करीब 7-8 दवाएं हैं, जापान में बंद है, नॉर्वे में बंद है, स्वीडन में, जर्मनी में, डेनमार्क में, नेपाल जैसे देश में ये दवा बंद है, फिलीपींस में बंद है, स्पेन में, फ्रांस में, श्रीलंका में, और भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। इन दवाओं का दुष्परिणाम क्या है? पैर में लकवा मार सकता है, शरीर में लकवा मार सकता है, आप अंधे हो सकते हैं, अंधे होने का खतरा बना रहता है, और 10,000 से ज्यादा लोग इन दवाओं को खाकर लंगड़े और अंधे हो चुके हैं, फिर भी धड़ल्ले से ये बिक रहे। इसी तरह से एक दवा है एनलजिन, आप खूब अच्छे से नाम सुनते हैं एनलजिन, फिर बैरालगन, फिर बूटाजोन, फिर बुस्कापान, फिर बूटालजिन, फिर फारजेसिक, फिर मालार्जिन, ऑक्सीपोज, सिनालजेसिक, ये दुनिया के 20 देशों में बंद हैं, भारत में धड़ल्ले से बिक रहे। इन दवाओं का क्या है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इनके बनने की गति को ये दवाएं इतना धीमा कर देती हैं कि मरने की तैयारी हो जाती है आदमी की, मांसपेशियों की संरचना में भयंकर विकार उत्पन्न कर देती है और इसका व्यक्ति सेवन करके अंत में मर ही जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लगभग 5,000 दवाएं हैं जो भारत में अनेक अनेक विदेशी कंपनियां धड़ल्ले से बेच रही हैं और इसका व्यापार करके हजारों करोड़ लूट रहे, 1-2 नहीं 70,000 करोड़ रुपए वो लूट रहे। और मृत्यु की बात यह है कि हाथी कमीशन ने जो 117 दवाओं को जरूरी दवाएं बताया था, आवश्यक दवाएं बताया था, उनमें से कोई भी विदेशी कंपनी उत्पादन नहीं करती उनको। आपको सुनकर हैरानी होगी
कि जो 117 जरूरी दवाएं हैं, आवश्यक हैं, उनका उत्पादन सब स्वदेशी कंपनियां करती हैं, भारतीय कंपनियां करती हैं, हमारी कंपनियां उनका उत्पादन करती हैं। विदेशी कंपनियों को उत्पादन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कारण क्या है? उन 117 दवाओं के कीमतें ज्यादा नहीं रख सकते, सरकार उस पर कई बार कंट्रोल कर लेती है, जनहित में सरकार उनको जो है ना ऑर्डर डाल देती है, तो विदेशी कंपनियों को थोड़े मुनाफे में संतोष नहीं है। ज्यादा मुनाफा उनको उन्हीं दवाओं में मिलता है जो सरकार के कंट्रोल के बाहर है, तो जितनी भी बेकार की दवाएं हैं वो कंट्रोल के बाहर है, इसलिए उनको बना के ये धड़ल्ले से बेचते हैं और बहुत मुनाफा कमाते हैं। मैं माताओं बहनों के लिए एक विशेष बात कहना चाहता हूं, कई विदेशी कंपनियां हमारे देश की माताओं बहनों के लिए गर्भ निरोधक उपाय बेचती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पिल्स के रूप में बेचे जाते हैं, गोलियों के रूप में बेचे जाते हैं, और उनके कुछ अलग अलग नाम है, नॉरप्लेंट है, डिपो प्रोवेरा है, फिर आई पिल है, फिर ई पिल है, ऐसी करके माताओं के बहनों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेचे जाते हैं। और मैंने जब इनके बारे में जानने की कोशिश की और इसके बारे में दुनिया भर से आंकड़े निकाले, तो मुझे इतना दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि जिन देशों की ये कंपनियां हैं उन देशों की माताओं बहनों को वो कभी नहीं बेचते, भारत में लाकर वो बेच रहे हैं। जैसे हमारे देश में माताओं बहनों के लिए डिपो प्रवेरा नाम का एक तकनीक है जो इन्होंने बनाई है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, गर्भ निरोधन के लिए, वो अमेरिका की कंपनी है, कंपनी का नाम है अपजॉन। ये कंपनी को अमेरिका की सरकार ने बंद किया हुआ है, बैन किया हुआ है कि वो डिपो प्रवेरा को अमेरिका में नहीं बेच सकते, तो उन्होंने नहीं बेचा और डिपो प्रवेरा का उत्पादन करके वो भारत में ले आए, भारत सरकार से उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, अब यहां धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ये इंजेक्शन के रूप में भारत की माताओं को दिया जा रहा है और भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ये इंजेक्शंस माताओं बहनों को लगा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? ये माताओं बहनों को ज्यादातर महावारी का जो चक्र है, मासिक चक्र है, वो पूरा बिगाड़ देता है ये डिपो प्रवेरा, और अंत में उनके गर्भाशय में कैंसर कर देता है और उन माताओं बहनों की मौत हो जाती है। कई बार माताओं बहनों को पता ही नहीं चलता कि वो किसी डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने उनको वो इंजेक्शन लगा दिया डिपो प्रवेरा का, बताया नहीं उनको और उनको कैंसर हुआ और वो मर गए। बिना बताए हमारी माताओं बहनों के ऊपर परीक्षण इस दवा का किया गया और बिना बताए पूरे देश में इसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। पता नहीं कितने लाख, कितनी करोड़ माताओं बहनों को ये लगवा दिया गया और उनकी ये हालत हो रही है। इसी तरह से हमारे देश में एक कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नेट इन नाम की एक उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है, स्टीरॉइड के रूप में ये माताओं को दिया जाता है, कभी इंजेक्शन के रूप में दे देते हैं, कभी गोलियों के रूप में दे देते हैं, और इससे अक्सर हमारी माताओं बहनों को गर्भपात हो जाते हैं और उनके जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का सिक्रीशन है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, और माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं जिनको ये नेट इन दिया जाता है। इसी तरह से RU-496 नाम की एक उन्होंने टेक्निक लाई है, फिर रूसेल नाम की एक है, यूक्लेफ नाम की एक है, फिर एक नॉर प्लांट है, फिर एक प्रजनन रोधक टीका उन्होंने बनाया है, सभी हमारी माताओं बहनों के लिए तकलीफ का कारण बनती हैं। उनमें एक बहुत बड़ी तकलीफ ये आती है कि ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्शंस की चीजें माताओं बहनों को दी जाती हैं, यूट्रस की, गर्भाशय की मांसपेशियां एकदम ढीली पड़ जाती हैं, पूरा मासिक चक्र उनका गड़बड़ा जाता है। अक्सर माताएं बहनें मासिक समय में बेहोश हो जाती हैं, इतना दर्द होता है उनके शरीर में, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको वो कॉन्ट्रासेप्टिव दिया गया उसके कारण ये हो रहा है। और हजारों करोड़ रुपए की लूटमार इस देश में विदेशी कंपनियों के द्वारा हो रही है इन कॉन्ट्रासेप्टिव चीजों को बेचकर। फिर और एक जानकारी देना चाहता हूं, हमारे देश में कुछ विदेशी कंपनियों ने कंडोम का बड़ा व्यापार शुरू किया है और उस व्यापार में प्रचार होना चाहिए, उसके लिए एड्स का बहाना लिया है और एड्स का बहाना लेकर टीवी पर, अखबारों में, सिनेमा में, पत्रिकाओं में, हर जगह वो विज्ञापन दे दे के एक ही चीज समझा रहे हैं, आप कुछ भी करो कंडोम का इस्तेमाल करो।
ये नहीं बताते हैं कि अपने ऊपर संयम रखो, ये नहीं बताते हैं कि संयम से जीवन बिताओ, ये नहीं बताते हैं कि अपने पति और पत्नी के साथ वफादारी निभाओ। वो कहते हैं कुछ भी करो, कंडोम का इस्तेमाल करो। इसका दुष्परिणाम पता है क्या हुआ है? मात्र 15 साल में इस देश में 100 करोड़ कंडोम हर साल बिकने लगे हैं। 15 साल पहले बिकने वाले कंडोम की संख्या हजारों में भी नहीं थी, अब 100 करोड़ कंडोम हर साल बिक रहे हैं और अंधाधुंध विदेशी कंपनियां इस धंधे में उतर पड़ी हैं। करीब 20 बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, अमेरिका की, कुछ जापान की, कुछ मलेशिया की, फ्रांस की, वो इस देश में इसी धंधे में उतरी हुई हैं। और उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट है कि 100 करोड़ कंडोम एक साल में नहीं, एक दिन में बिकने चाहिए, ये उनका लक्ष्य है। और उसके लिए रात दिन वो हिंदुस्तानी नौजवानों को, नवयुवतियों को बहलाकर, फुसलाकर, गलत रास्ते पर ले जाकर ऐसी जगह खड़ा कर रहे हैं जहां ये अपसंस्कृति हमारे देश में फैले और हमारा सदाचार खत्म हो, हमारी नैतिकता कमजोर पड़े, हमारा आत्मसंयम कमजोर पड़े और हम इनके कंडोम के ग्राहक बन जाएं, उपभोक्ता बन जाएं। बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों का ये व्यापार चल रहा है। एक दो चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने घर में अक्सर मच्छर मारने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग नामों से बाजार में बिकती हैं। कोई जो है लिक्विड फॉर्म में आती है, आप उसको लगा देते हैं, कोई तो टिकिया के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, कोई तो कॉइल के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। कॉइल के रूप में मच्छर मारने वाली कोई भी दवा इस्तेमाल करें, टिकिया के रूप में इस्तेमाल करें या लिक्विड के रूप में इस्तेमाल करें, उनमें जो इस्तेमाल होने वाला केमिकल है वो डी एथिलीन है, वो मेल्फोक्वीन है और वो फॉस्फीन है। ये तीन खतरनाक केमिकल हैं जो इस्तेमाल होते हैं और ये तीनों केमिकल यूरोप और अमेरिका के 56 देशों में बंद है और 20 साल से बंद है। हम हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो लगा के छोड़ देते हैं। मैंने कई घरों में देखा, 2 महीने के 3 महीने के छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं और उनके नजदीक में वो कॉइल जल रहा है जिसका धुआं नाक के रास्ते से बच्चे के फेफड़े में उतर रहा है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये मच्छर मारने वाली दवाएं अंत में मनुष्य को मार देती है। कई बार क्या होता है, मच्छर तो इनसे मरते नहीं है, मनुष्य मर जाते हैं जिनके लिए ये दवाएं इस्तेमाल हो रही है। और ज्यादातर इन दवाओं का व्यापार, डी एथिलीन का व्यापार, फॉस्फीन का व्यापार हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में है और वो अंधाधुंध केमिकल इंपोर्ट करके लाके बेच रहे हैं और भारत की कुछ स्वदेशी कंपनियां भी बनाकर उनको बेच रही हैं। तो आप जरा सोचिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आप कम से कम ये चीजें इस्तेमाल करना बंद करिए। फिर आप बोलेंगे मच्छर तो है, उनका तो क्या उपाय है? सबसे अच्छा उपाय है मच्छरदानी लगा के सोइए। स्वदेशी है, सस्ती है, क्वालिटी में अच्छी है, सारे देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम मिलती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, एक बार खरीदी तो 20-25 साल चलेगी। और तरह तरह की मच्छरदानियां आने लगी हैं, अब तो वो डंडे वाली जरूरत नहीं है, एक हुक में लटका दीजिए वो आती है, आप ऐसे खोल के सो जाइए आती है, नहीं तो चादर की तरह से ओढ़ के सो जाइए, कुछ नहीं कर सकते। तो ये मच्छर मारने वाली दवा से तो अच्छी है, मच्छर मारने वाली दवाएं खरीदें, विदेशी कंपनियों को मुनाफा दें, उससे अच्छी अपनी मच्छरदानी है। और आप चाहें तो एक छोटा प्रयोग और करके देख सकते हैं। नीम होता है ना, नीम, नीम का तेल बाजार में मिलता है, तो नीम का तेल ऐसे जलाएं दीपक के रूप में, एक दीपक ले लें, उसमें रुई की बाती बनाएं, नीम का तेल जला के दीपक को रख दें, वो दीपक जितनी देर जलेगा एक भी मच्छर कमरे में नहीं आएगा। इतना सस्ता और सरल उपाय। नीम का तेल बाजार में 30-40 रुपए लीटर मिलता है, एक लीटर तेल खरीदेंगे बड़े आराम से 3-4 महीने चलता है। और दूसरा एक तरीका है, गाय के गोबर से बनी हुई अगरबत्ती और गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्तियां भी बाजार में अब आ गई हैं, कई गौशालाएं उनको बनाती हैं, उनको जलाकर आप सो जाइए, वो भी मच्छर को भगाती हैं और क्वालिटी में मच्छर अगरबत्ती से अच्छी। अगर गाय के गोबर की अगरबत्ती धूप बत्ती जलाएंगे तो पैसा किसी गौशाला को मिलेगा और उससे गाय की रक्षा होगी और गाय की रक्षा के बाद अंततः देश की ही रक्षा होने वाली है। और अगर आप मच्छर अगरबत्ती खरीदेंगे तो पैसा किसी विदेशी कंपनी के पास जाएगा और उस पैसे से आपका भी नुकसान, देश का भी नुकसान हो जाए। एक दो चीजें और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि कुछ विदेशी कंपनियां हमारे देश में हेल्थ टॉनिक बेच रही
और वैज्ञानिकों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि एक भी टॉनिक हेल्थ नहीं देता, जिनको वो हेल्थ टॉनिक कहते हैं, जैसे बूस्ट, हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन, माल्टोवा, ये सारे हेल्थ टॉनिक के नाम पे बेचे जाते हैं, किसी से कोई हेल्थ नहीं मिलती, क्योंकि उनमें जो कुछ मिलाया जाता है और आपको बेचा जाता है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके बच्चे को कोई बड़ी ताकत दे दे। और ध्यान रखिएगा, ये सारे हेल्थ टॉनिक को वो बेचते हैं ये कहकर कि ये फूड सप्लीमेंट है, माने खाना पहले खाओ, ताकत खाने से आएगी, फिर ये क्यों, इसमें से क्या आने वाला है। और ये सारे के सारे हेल्थ टॉनिक का मैंने हिसाब निकाला तो इतना दुख होता है मुझे कि इनके अंदर जो मिलाई हुई चीजें हैं वो क्या है, गेहूं का आटा है, जौ का आटा है, थोड़ा बहुत चने का कहीं कहीं आटा है, मूंगफली की खली है या कुछ और तिल की खली है, ये सब चीजें बाजार से अगर खरीद कर हम बनाएं तो 1 किलो हेल्थ टॉनिक बनाने में 48 रुपए खर्च होता है, मात्र 48 रुपए 1 किलो बनाने में, और उसको ये कंपनी बेचती है 320 रुपए। एक कंपनी का रेट है 320 रुपए का 1 किलो, एक कंपनी का रेट है 380 रुपए का 1 किलो, एक कंपनी का रेट है 340 रुपए का 1 किलो, एक कंपनी का रेट है 180 रुपए का 1 किलो, और एक कंपनी का रेट है 220 रुपए का 1 किलो। जो बन रही है 48 रुपए में चीज, उसको 380 रुपए तक 1 किलो में बेच रहे हैं। और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आप इनका 1 किलो हेल्थ टॉनिक खा लो या बच्चों को खिला दो, उसमें उतनी ही ताकत मिलेगी जितनी 25 ग्राम मूंगफली को गुड़ खाने के साथ मिलती है या 25 ग्राम चने को गुड़ के खाने के साथ मिलती है, उतना ही प्रोटीन मिलने वाला है। और इन हेल्थ टॉनिकों के नाम पर मुझे बहुत अफसोस है, 5,000 करोड़ रुपए ये कंपनियां लूट रही हैं बाजार में से। और ये लूटती कैसे हैं, ये आपका और मेरा इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है। कोई हेल्थ टॉनिक का विज्ञापन आएगा ना तो मां को दिखाएंगे और ये बताएंगे कि मां को अपने बच्चे की कितनी चिंता है, उसकी ग्रोथ की चिंता है, उसकी बुद्धि के विकास की चिंता है, उसकी हड्डियों के विकास की चिंता है, तो वो स्मार्ट मां है तो बच्चे को प्रोटीनेक्स खिलाएगी, माल्टोवा खिलाएगी, बूस्ट पिलाएगी, हॉर्लिक्स खिलाएगी या कॉम्प्लेन पिलाएगी। तो स्मार्ट मां अगर आप होना चाहते हैं तो ये सब हेल्थ टॉनिक अपने बच्चों को पिलाइए। ये आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ये मूर्ख होना चाहते हैं तो अपने बच्चों को ये खिलाइए, क्योंकि पैसे बर्बाद हो रहे हैं और ताकत कुछ नहीं मिल रही है। आप अपने घर में मूंगफली ले आइए, चना ले आइए, गुड़ ले आइए, तिल ले आइए, थोड़ा जौ का आटा ले लीजिए, गेहूं का आटा ले लीजिए, सबको बना के तैयार कर लीजिए, बच्चों को दूध में मिला के पिलाइए, वो बहुत सस्ता है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है। इसलिए इन कंपनियों के ये हेल्थ टॉनिक के चक्कर में मत फंसिए। मैं कुछ दवा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के बारे में एक दो जानकारी देना चाहता हूं जो उस तरफ मैंने नहीं दी थी। ये कंपनियों की जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है दवा के क्षेत्र में काम करने वाली, उनमें से एक कंपनी है बायर, उसकी मूल पूंजी इस देश में 6 लाख रुपए है बस, और उसका एक साल का नेट प्रॉफिट 154 करोड़ रुपए। दवा के क्षेत्र में इतना मुनाफा होता है। इसी तरह से एक कंपनी है साइनामिड, उसकी मूल पूंजी इस देश में 40 लाख रुपए है और उसका नेट प्रॉफिट 115 करोड़ रुपए। इसी तरह से एक विदेशी कंपनी है, उसका नाम है सीवा गायगी, मूल पूंजी 70 लाख है और एक साल का प्रॉफिट 114 करोड़ रुपए, और ये टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट है। तो आप सोच लीजिए, थोड़ी सी पूंजी लगाकर दवा के क्षेत्र में इनके भयंकर मुनाफे हैं। और ये मुनाफे का प्रतिशत अगर निकालें तो कई कई कंपनियों का मुनाफा प्रतिशत 20,000 तक है, 20,000% तक वो मुनाफा यहां से लूट रहे हैं। 200-250-300% तक तो सामान्य कंपनियों का है, बाकी तो 20-20,000% तक वो भारत में मुनाफा कमा रहे हैं। मुझे अब आपको इन कंपनियों के बारे में एक और आखिरी बात कहनी है, वो ये कि समय समय पर इन कंपनियों को अपनी दवा बेचनी है, और दवा बेचनी है तो उसके लिए माहौल बनाते हैं, वातावरण तैयार करते हैं। और वो वातावरण और माहौल कैसे तैयार किया जाता है, उसका ताजा उदाहरण है स्वाइन फ्लू।
स्वाइन फ्लू आ गया, सारे देश में हल्ला हो रहा है, अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छप रही है, टीवी चैनलों पर दूसरी न्यूज ही नहीं है सिवाय इसके कि स्वाइन फ्लू। हर दिन कैंसर से 1500 लोग मरते हैं औसतन, और 1200 लोग करीब करीब दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। हृदय घात की बीमारियों से 800 से 1000 लोग हर दिन मरते हैं। तो इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। स्वाइन फ्लू, इसका एक रहस्य है। रहस्य इसका यह है कि कैंसर का वैक्सीन नहीं बनता, ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन नहीं बनता, दमा का वैक्सीन नहीं बनता, अस्थमा का वैक्सीन नहीं बनता, हृदय घात का वैक्सीन नहीं बनता। मतलब सीधा सा ये है, जिन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बन सकते उन बीमारियों पर मीडिया चर्चा नहीं करता, क्योंकि उनसे कंपनियों को कोई बड़ा लाभ होने की गुंजाइश नहीं। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, एवियन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, सार्स का वैक्सीन बन सकता है, और थोड़े दिन पहले एक बर्ड फ्लू आया था उसका वैक्सीन बन सकता है। तो एवियन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, सार्स है, स्वाइन फ्लू है, इन सब बीमारियों के वैक्सीन बन सकते हैं और वैक्सीन बनकर बाजार में बिक सकते हैं, और इसमें विदेशी कंपनियों को मुनाफा बहुत भयंकर है, इसलिए मीडिया में ये सारी खबरें बाकायदा प्रायोजित तरीके से दिया जाती है, छपवाई जाती है, बनवाई जाती है। एक अमेरिकन कंपनी है, वो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है, टैमी फ्लू, और जानकारी यह मिली है कि टैमी फ्लू दवा को बनाते समय वायरस जो है अनकंट्रोल्ड हुआ, नियंत्रण के बाहर हुआ, और उसने स्वाइन फ्लू को फैलाना शुरू किया सारी दुनिया। माने एक अमेरिकन कंपनी की बदमाशी से, एक अमेरिकन कंपनी की गैर जिम्मेदारी से स्वाइन फ्लू का वायरस सक्रिय हुआ और सारी दुनिया के 30 देशों को उसने अपनी चपेट में लिया। अब वो 30 देश हैं वो टैमी फ्लू के ग्राहक हो गए, वायरस निकला अमेरिका से, ग्राहक हो गए उनके दुनिया के 30 देश के लोग। अब वो सब लोग जिनको स्वाइन फ्लू होने की संभावना है या हो गया है, डॉक्टर उनको एक ही दवा लिख रहे हैं, टैमी फ्लू खाओ। जो विद्वान डॉक्टर हैं और जो इन कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसते हैं, ऐसे भी कई डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि टैमी फ्लू बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि आपने टैमी फ्लू खाया तो ये स्वाइन फ्लू का जो वायरस है ये स्ट्रक्चर बदलने में माहिर है, तुरंत नया स्ट्रक्चर ले सकता है और वो नए स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस आ सकता है, फिर कितना भी टैमी फ्लू खाना ठीक ही नहीं होने वाले। तो ऐसा पूरे देश में आतंक और माहौल फैला दिया, और ये आतंक और माहौल के दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा टैमी फ्लू दवा बेचना, जो पिछले दसियों साल से इस कंपनी ने उत्पादन करके गोडाउन में भरी हुई है, अब वो गोडाउन खाली करना है। अब ये गोडाउन कोई ऐसा गोडाउन नहीं है जो टूथपेस्ट का हो, रोज इस्तेमाल करें और फेंक दें, ये गोडाउन तो तभी खाली होगा जब कोई दवा का आतंक हो, वायरस का आतंक हो और डर हो और दहशत हो। डर, दहशत और आतंक के चलते आदमी मजबूर हो जाता है महंगी से महंगी दवा खाने के लिए और महंगे से महंगा इलाज करने के लिए। तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस इसी तरह का एक प्रोपेगंडा है। मुझे तो एक ही बात कहनी है, वो ये कि ये स्वाइन फ्लू नहीं है, मीडिया फ्लू है, मीडिया ने पैदा कर दिया। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं, बहुत गंभीर है, आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये कंपनियां कितनी निकृष्ट हैं, कितनी नराधम है। सन 1916 से 1918 के बीच में 2 साल में दुनिया भर में एक बीमारी फैली, एवियन फ्लू, वो ऐसा ही था जैसे स्वाइन फ्लू है, और उस बीमारी के फैलने से सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ लोग उसमें प्रभावित हो गए। और 4.5 करोड़ लोग जो प्रभावित हुए, फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि मरे कितने उसमें से, तो मात्र 6000 लोग मरे थे, मात्र 6000 लोग मरे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एवियन फ्लू का वायरस फैला और इसमें 6000 लोग मर गए, सारी दुनिया में आतंक फैल गया। उस आतंक के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना दिया एवियन फ्लू का, और वो वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा उन्होंने, और आपको सुनकर दुख होगा, उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60 लाख लोग मर गए दुनिया में, और पता नहीं कितने अपंग हो गए, कितने विकलांग हो गए।
बीमारी आने से 6000 लोग मरे, बीमारी का वैक्सीन बना और उस वैक्सीन को सारी दुनिया में भेजा गया, फैलाया, सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में, सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका के देशों में, ब्राजील में, मेक्सिको में, चिली में, कोस्टारिका में, कोलंबिया में, फिर अफ्रीका में, नाइजीरिया में, सोमालिया में, इथियोपिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, रोडेशिया में। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत में भी हुआ था उसका, वैक्सीन का अंधाधुंध प्रचार हुआ, अंधाधुंध बिक्री हुई, 60 लाख लोग वैक्सीन लगने के बाद मर गए, उसका क्या? एवियन फ्लू में तो 6000 लोग मरे, वैक्सीन लगने के बाद इतने। माने वैक्सीन कितने खतरनाक हो सकते हैं उसका ये अंदाजा आप लगाइए। अब एवियन फ्लू का वैक्सीन आया और इतने लाख लोग मर गए, अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आने वाला है और वो वैक्सीन हिंदुस्तानी और दुनिया भर के लोगों को धड़ाधड़ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस जो फैला है, वायरस से ज्यादा डर फैला है, आतंक फैला है, दहशत फैली है, तो हर आदमी तैयार बैठा है वो वैक्सीन लगवाने के लिए। और एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का खर्चा वो बोलते हैं 3000 रुपए आएगा। अब हिंदुस्तान में ही अगर आप सोच लो कि अगर 10 करोड़ लोग भी प्रभावित होकर वैक्सीन लगवा लें और 3000 रुपए का एक वैक्सीन आए, तो 30,000 करोड़ की बिक्री तो उनकी हिंदुस्तान में हो गई। अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका के देशों में अगर हो जाए, हजारों करोड़ का माल बेचेगी एक कंपनी, और इस कंपनी के पास पेटेंट है 20 साल तक, तो कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को बना के नहीं बेच सकती 20 साल तक। और इसी कंपनी के पास दवा का भी पेटेंट है 20 साल का, तो टेमीफ्लू दवा को कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती 20 साल तक। तो 20 साल तक एक ही अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी और उस मोनोपोली पर हजारों करोड़ रुपए वो लूटेंगे लोगों के दिलो दिमाग में। इसलिए स्वाइन फ्लू का दहशत, आतंक और डर बिठाया जा रहा है। और मैं इसी संदर्भ में और एक छोटी सी बात करूंगा। आपको याद है थोड़े दिन पहले इस देश में एक आतंक फैलाया गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और आतंक और डर इतना फैला कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों ने उसका वैक्सीन लिया। आप में से भी किसी ने लिया होगा, बहुत लोगों ने लिया, बैंक में काम करने वाले, बीमा कंपनी में काम करने वाले, रेलवे में काम करने वाले, अन्य पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मास वैक्सीनेशन कैंप किए गए। बहुत सारी संस्थाओं ने वैक्सीनेशन कैंप लगाए और डॉक्टरों ने अंधाधुंध ये मास वैक्सीनेशन कैंप दिए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जिस हेपेटाइटिस बी के लिए लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा दिए गए, वो हेपेटाइटिस बी भारत में बहुत कम होता है। हिंदुस्तान के गंभीर वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 लाख लोगों में से किसी एक या दो को हेपेटाइटिस बी होता है। और वो ये कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी होने की संभावना जिन लोगों को होती है, वो लोग भारत में है ही नहीं, वो लोग या तो अमेरिका में, यूरोप में है, या तो अफ्रीका में। भारत में उस ग्रुप के लोग हैं ही नहीं जिनको ये हो सकता है। और आपको सबको मालूम है, जो बात गंभीर है वो ये कि जितनी भी वैक्सीन दी जाती है, उन वैक्सीनों में उन बीमारियों के ही जीवाणु रहते हैं जिस बीमारी के लिए वो वैक्सीन दी जाती है। अब देखिए कैसा साजिश और कैसा षड्यंत्र है। एक तो बीमारी होती नहीं, होती है तो बहुत कम लोगों को होती है, और होने के पीछे का जो कारण है कि वो कीटाणु और जीवाणु मरते ही नहीं है उस दवा में भी, और वो हमको अंधाधुंध लगाया गया, लाखों करोड़ों का बिजनेस करके कंपनी ने मुनाफा कमा लिया। जो स्वामी जी कहते हैं कि सामान्य प्राणायाम करें, योग करें, तो उसी से हम ठीक कर सकते हैं अपने आप को। उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए इस देश में बर्बाद हो गए, हम लूट गए, हमारी आंखों के सामने लूट लिया लोगों ने हमको, मूर्ख बना के लूट लिया। तो कभी हेपेटाइटिस बी के नाम पे, कभी स्वाइन फ्लू के नाम पे, कभी एवियन फ्लू के नाम पे, कभी सार्स के नाम पर, कभी बर्ड फ्लू का कितना आतंक फैलाया था थोड़े दिन पहले, हजारों लाखों मुर्गियां इस देश में कट गई। परिणाम जानते क्या हुआ? मुर्गियों की कमी पड़ गई तो सरकार ने विदेशों से मुर्गी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अंडों की कमी पड़ गई तो विदेशों से अंडे खरीदने शुरू कर दिए इन्होंने। और अब ये स्वाइन फ्लू के नाम पे बता रहे हैं सुअर को काट रहे हैं, फिर थोड़े दिन में सुअर की कमी होगी तो सुअर का मांस विदेशों से खरीदेंगे, हिंदुस्तान में बिकेगा। ये सारे के सारे मार्केट की उनकी रणनीति है, धंधा करना है, माल बेचना है उनको। आपके स्वस्थ रहने से, बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि ये विदेषी कंपनियों के इतने गहरे गहरे जो षड्यंत्र हमारे यहाँ चल रहे हैं, इन गहरे षड्यंत्रों को हम समझना शुरू करें, अपनी आंखें
खोलें, अपने कान खोलें, अपना दिमाग खोलें और इनसे लड़ने की तैयारी अपने जीवन में करें। भारत स्वाभिमान इसी के लिए बनाया गया एक मंच है जो इन विदेशी कंपनियों के षड्यंत्रों का पूरे देश में पर्दाफाश करता है और पूरे देश में लोगों को इन विदेशी कंपनियों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। मैं एक आखिरी बात कह के खत्म करूंगा कि हम इस बात को याद रखें, इतिहास में हमसे एक गलती हो गई थी। जहांगीर नाम का एक राजा था, उसने एक विदेशी कंपनी को इस देश में लाइसेंस दे दिया था व्यापार करने का। परिणाम यह हुआ कि जिस कंपनी को जहांगीर ने बुलाया था उसी कंपनी ने जहांगीर को गद्दी से उतरवा दिया और वो कंपनी इस देश की मालिक हो गई थी और 250 साल ये देश उसका गुलाम हो गया। उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से आजादी पाने के लिए 6,32,781 शहीदों को कुर्बानी देनी पड़ी। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, आसफाकुल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, अजीम उल्ला, ऐसे 7,32,781 शहीद कुर्बान हो गए और 4.5 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को परोक्ष रूप से कुर्बानी देनी पड़ी जो अंग्रेजों की नीतियों के कारण भूख से मर गए, अकाल से मर गए और अंग्रेजों की गोलियां लाठियां खाकर मर गए, अंग्रेजों के अत्याचार से मर गए। बहुत कीमती है ये आजादी। एक विदेशी कंपनी के चक्कर में हमने इसको गंवा दिया था, अब दोबारा हम इस आजादी को गंवा नहीं सकते। इसलिए हमें ध्यान रखना है और इस बात के लिए अपने को तैयार करना है कि अब इस देश में 5,000 विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं और इस देश को कहां ले जाएंगी, गुलामी कितनी भयंकर होगी। मुझे तो यही अफसोस होता है रात दिन कि पहले तो एक कंपनी थी तो उसके खिलाफ लड़ने को भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर जैसे लाखों क्रांतिकारी थे, अब 5,000 विदेशी कंपनियां इस देश में हैं, दूसरा भगत सिंह, दूसरा ऊधम सिंह, दूसरा चंद्रशेखर अभी तो नहीं है, आप में से ही किसी को पैदा करना पड़ेगा। दूसरी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो नहीं है, आप में से ही किसी को बनना पड़ेगा। दूसरी रानी कित्तूर चेन्नम्मा तो नहीं है, आप में से ही किसी को बनना पड़ेगा। इसलिए हम ही भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, कित्तूर चेन्नम्मा, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का आने वाले समय में रोल करेंगे अपने जीवन में। उस तैयारी के लिए हम मानसिक रूप से संकल्पबद्ध हों, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हों, क्योंकि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको लूटा, सारी दुनिया का कंगाल और भिखारी देश हमको बना दिया। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई नहीं होती तो ये अंग्रेज कहते हैं कि सारी दुनिया का समृद्धशाली देश भारत था, सारी दुनिया का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ देश भारत था। एक अंग्रेज मैकॉले का एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वो कहता है कि अंग्रेजों के आने के पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले के भारत के बारे में वो कह रहा है, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज ए बैगर, हु इज ए थीफ। सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, सच हाई मॉरल वैल्यूज, पीपल ऑफ सच कैलिवर दैट आई डू नॉट थिंक वी कुड एवर कॉन्कर दिस कंट्री अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस कंट्री विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज एंड देयरफॉर आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशियंट एजुकेशन सिस्टम हर कल्चर फॉर द इंडियंस थिंक दैट ऑल दैट इज फॉरिन इज गुड एंड ग्रेटर एंड दैट देयर इज ओन। They will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. ये मैकॉले कह रहा है कि भारत में आया, एक भी जगह उसने किसी भिखारी को नहीं देखा, एक भी जगह किसी चोर को नहीं देखा, क्योंकि किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं थी, चोरी करने की जरूरत नहीं थी। बहुत धन संपन्न देश ये था, बहुत पैसे वाला ये देश था, 33% निर्यात करता था, 27% से ज्यादा आमदनी सारी दुनिया की हमारे पास थी, 40% से ज्यादा उत्पादन पूरी दुनिया में हम अकेले करते थे। इतना पैसे वाला समृद्धशाली संपन्न देश था, उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंगाल और भिखारी देश बना दिया। अब 5,000 विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनियां आज इस देश में हैं, देश का आने वाला समय कैसा होगा, इस अंदाजे को मन में रखकर आप तैयार होइए, संकल्प करिए और इस देश में फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करिए, स्वदेशी का, स्वराज्य का, अपने देश की आजादी को बचाने का, अपनी स्वतंत्रता को बचाने का, अपने स्वराज्य और स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्थापित कराने का। और उसी आंदोलन का नाम है भारत स्वाभिमान, उसी अभियान का नाम है भारत स्वाभिमान। तो आप सब भारत स्वाभिमान के सक्रिय सेनानी बने और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देशन में अपनी पूरी जिंदगी की सार्थकता इसी काम में ढूंढें और खोजें
कि हम भारत की दोबारा गुलामी आने नहीं देंगे और आधी अधूरी आजादी को पूरी आजादी में परिवर्तित करेंगे। भूतकाल में जो भारत सोने की चिड़िया था, सारी दुनिया का विश्व गुरु था, भविष्य में भी भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनेगा, ऐसी हमारे मन में दृढ़ संकल्प की भावना हो। ईश्वर हमको इसके लिए ताकत दे, शक्ति दे, संकल्प दे। इस भावना के साथ आभार, धन्यवाद। तो ये वो चिंतन था जो हमें इस देश के आम जन को और अंतिम जन को देना है और ये समझाना है कि जब भारत गुलाम था तब जो लूटा सो तो लूटा। उस समय करीब हमने 450 लाख करोड़ रुपए अपने देश के लूटते देखे। अपने देश की वो इतनी बड़ी पूंजी लूट करके लेके गए कि आज वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के बैठे हैं, हमें आंख दिखाते हैं। लेकिन उसके बाद कोई कम अत्याचार नहीं हुआ हम पर। आजादी के लगभग इन 63 वर्षों में 62 वर्षों का जो आंकड़ा हमारे सामने है वो यह है कि भ्रष्टाचार करके देश का करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अपने ही वतन के लोगों ने लूटा और व्यापार करके एक भ्रष्टाचार उससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश का लूटा, दूसरा व्यापार करके देश को लूटा। अभी आज एक वर्ष में विदेशी कंपनियां अपने देश से करीब 2,32,000 करोड़ रुपए लूट के लेके जा रही हैं। यदि हम 2,32,000 करोड़ रुपए का औसत निकालें और जो हम अपनी गलत नीतियों के कारण से देश का वैभव लूटने दे रहे हैं वो अलग बात है। इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा वैभव है, एक स्वदेशी तंत्र न होने के कारण से, स्वदेशी सोच न होने के कारण से, स्वदेशी अर्थव्यवस्था न होने के कारण से हर वर्ष जो देश का पैसा लूटता है और इन 60 सालों में आजाद भारत में हमने जो देश का वैभव लूटने दिया उसका यदि हिसाब लगाएं तो वो उतना वैभव बैठता है जितना शायद अंग्रेज भी नहीं लूट करके लेके गए। इतना ज्यादा वैभव, धन संपदा, संसाधन, ऐश्वर्य हमारा लूटा गया और आज भी लूटा जा रहा है। पहले जो हमारा सोना लूट के गए, आज भी हमारा लोहा, हमारी दूसरी धातुएं वो विदेशों को हम दे रहे हैं, कोड़ी के भाव में बेच रहे हैं। हम इसका सामान्य सा आकलन कर रहा था कि व्यापार के नाम पर जो इन्होंने लूट की है विदेशी कंपनियों ने, उसका यदि इन 60-62 वर्षों का हम हिसाब निकालें तो एक वर्ष का यदि औसत हम 2 लाख करोड़ रुपए भी निकालते हैं तो 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लूट के लेके गए। अब हमको ये संकल्प करना है। अब ये करीब 2,32,000 करोड़ प्रत्यक्ष रूप से लूट रहे हैं। एक संकल्प ये कि ये जो भ्रष्टाचार करके जो धन लूटा था वो तो धन हमें किसी भी कीमत पर वापस लेकर के आना है, जो स्विस बैंक और दूसरे बैंकों में जमा कर रखा है वो तो हमारा राइट है और इनसे हम वो वापस ले लेंगे। ये जो विदेशी कंपनियों ने जो धन लूटा है ये करीब जो है ये करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये जो विदेशी कंपनियां भारत में हैं, भारत की व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन करना है और भारत की सत्ताओं को विवश हमको करना है कि जितनी भी विदेशी कंपनियां यहां पर हैं जो ये उसका कुछ प्रॉफिट का अंश लूट करके लेके गई वो तो गई, अब यहां पर इनकी इन संपूर्ण कंपनियों में कम से कम 90% हिस्सेदारी भारत के लोगों की होनी चाहिए, गरीब मजदूरों को शेयर होल्डिंग देनी चाहिए, ऐसा हम एक आंदोलन चलाएं। सरकारीकरण करने से उसका राष्ट्रीयकरण करने से तो बात बनेगी नहीं क्योंकि फिर ये लूटेंगे। फिर तो आम आदमी के पास से पैसा लूटा उसकी संपत्ति उसको वापस मिलनी चाहिए। इसलिए भारत में जो विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं इनमें 90% हिस्सेदारी भारत के लोगों के, गरीब लोगों के, आम लोगों की होनी चाहिए। अब ये काम हो सकता है, इसके लिए सत्ता को, व्यवस्था को, सरकारों को एक कानून बनाना पड़ेगा। वो कानून हम इस देश में बनवाएंगे तो जो विदेशी कंपनियों ने जो पैसा लूटा है वो वापस देश के आम आदमी को, गरीब आदमी को शेयर होल्डिंग के रूप में वापस दिलवाना इन 5,000 कंपनियों में, ये कानून बनकर के हो सकता है। इसके लिए विदेशी दबाव आ सकते हैं लेकिन ये काम किया जा सकता है। उसका राष्ट्रीयकरण करें या उसको हम करें कि उसका स्वदेशीकरण कर दें उन कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का, और जो भ्रष्टाचार करके लूटा है पैसा उसको हम वापस लेकर के आए। विदेशी नाम, विदेशी चाम, विदेशी भाषा, विदेशी कलर देख करके ना हम एकदम से प्रभावित हो जाते ये भगवान आ गया, देवता आ गया है। अभी तो
थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, नहीं तो थोड़े दिनों पहले विदेशी लड़कियों से शादी भी करने लग गए थे। अभी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। भारत की मां बहन बेटियां जितनी वफादारी रिश्तों में निभाती हैं, दुनिया की कोई मां बहन बेटी वैसा वफादारी नहीं निभाती है। ये तो पूरी दुनिया के सामने है बात है? हमें चमड़ी विदेशी पसंद आती है, बहू भी विदेशी, चिड़िया विदेशी, चमड़ी विदेशी, चिड़िया भी विदेशी रखते अपने घरों में, तोते विदेशी रखते अपने घरों में, गधे विदेशी ले आए हम, ऊंट विदेशी ले आए हम, और सुअर विदेशी ले आए हम, घोड़े विदेशी ले आए हम, घोड़े गधे कुत्ते विदेशी रखते अपने घरों में हम, बिल्लियां विदेशी रखते हैं। एक कुत्ते बिल्ली अपने देश के पालो, और अपने देश का कुत्ता ज्यादा वफादार होता है। कुत्ता ही पालना है तो अपने गांव का पालो, अपने देश का पालो, गाय अपने देश की पालो, गाय भी विदेशी ले आए हम, भैंस भी विदेशी ले आए, गाय भैंस कुत्ते गधे, पता नहीं क्या बुद्धि पर ऐसा ताला जड़ दिया हमने। अपने देश की भाषा पर गौरव करो। मैं तो कहता हूं, फिर से आह्वान करता हूं कि बड़े लोगों को प्रयत्न करके अपनी बात को अपनी राष्ट्रीय भाषा और भारतीय भाषाओं में ही कहना चाहिए। बड़े लोग जैसा करेंगे छोटे तो उसका अनुसरण करेंगे। अपना काम हमें राष्ट्रीय भाषा हिंदी और प्रांतीय भाषा भारतीय भाषाओं में, तमिल तेलुगु कन्नड़ गुजराती मराठी बंगला उड़िया आदि अपनी भारतीय भाषाओं में अपना व्यवहार करना चाहिए, अपना व्यापार करना चाहिए। हम अपनी भाषा को सम्मान देंगे, अपनी वेशभूषा को सम्मान देंगे। भारतीय वेशभूषा पहनने में हमको शर्म नहीं अपितु गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। पूरे देश में ऐसा विचार हम पैदा करेंगे, ये संकल्प है हमारा। बीमार पहली बात तो पड़ेंगे ही नहीं, कोई अपनी भूल से बीमार हो भी गए तो 99% बीमारियों का इलाज योग में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में है। हम आग्रह करके, आग्रह पूर्वक इस बात को अपने जीवन में निष्ठा पूर्वक निभाएंगे कि पहली बात तो हम योगाभ्यास आदि करेंगे, बीमार पड़ेंगे ही नहीं, और यदि किसी भूलवश हम बीमार भी हो गए तो हम अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति से ही, भारतीय भेषज से ही अपना इलाज कराएंगे, ऐसा भी हमें आग्रह रखना है। भेषज भी भारतीय, भाषा भी भारतीय, भाव भी भारतीय, भूषा भी भारतीय, भोजन अपना भारतीय होगा, ये भजन भी भारतीय होगा, ये क्या बोलते हैं डिस्को और क्या धुड़ुम धुड़ुम करते रहते हैं ये सब, ये भोजन भी, भजन भी, भाषा भी, भाव भी, भेषज भी, भोजन सब कुछ अपना भारतीय। और जब हम ऐसा आग्रह रखेंगे, अभी तो क्या हो गया, WHO जो है वो एक तरह से दवा कंपनियों का एजेंट हो गया है। दवा कंपनियों का एजेंट का काम कर रहा है कमोबेश WHO, करीब 50,00,000 करोड़ रुपए का व्यापार जो करते हैं। हम योग और आयुर्वेद पर आगे इतना अनुसंधान करें, देश के लोगों का थोड़ा सहयोग यदि हमें मिला तो पूरी दुनिया में एक ऐसी नई चिकित्सा पद्धति विकसित कर देंगे कि पूरी दुनिया के लोग उससे आरोग्य पाएंगे। योग से, आयुर्वेद से, नेचर से, प्रकृति से, निर्दोष पद्धति, दुनिया के 650 करोड़ लोगों को हम आरोग्य देंगे, आध्यात्मिक मार्गदर्शन देंगे, और फिर से वापस पूरी दुनिया, भारत जिन मूल्यों और आदर्शों पर चलता रहा और विश्व का मार्गदर्शन नेतृत्व करता रहा, भारत को उसी स्वर्णयुग में पुनः ले जाना है। भारत का वैभव और अपनी आंखों के सामने मां भारती का यह वैभव लौटे, हम अपने आंखों से मां भारती का खोया हुआ अतीत का गौरव देख पाए, ऐसा हमको भारत बनाना है। ये भारत स्वाभिमान का आंदोलन, स्वदेशी का पूर्ण आग्रह, चिकित्सा में, शिक्षा में, शासन में, न्याय में, अर्थव्यवस्था में, स्वदेशी का पूर्ण आग्रह हमको रखना है, और ऐसा भारत बनेगा। अब देश के करोड़ों लोगों ने यह संकल्प ले लिया है। भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन में एक एक जिले से हजारों हजारों कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। अब थोड़े बहुत स्थानों पर हमारी संख्या कम है, हम उसको और बढ़ाएंगे, और आने वाले इन 4 से 5 वर्षों के भीतर देश में हम वो करके दिखाएंगे जिससे कि हम गर्व से कह सकें कि हमने अपने क्रांति वीरों और इन आध्यात्मिक जो हमारे महापुरुष हुए, इनके सपनों को हमने साकार कर दिया। ऐसा भारत हमको बनाना है। जो सपना भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, छत्रपति शिवा ने देखा था, जो सपना क्रांति वीरों ने देखा था, और
जिन मूल्यों और आदर्शों में हमारे महापुरुष जीते थे और वो सोचते थे कि हमारे भारत की आने वाली पीढ़ियां इन्हीं मूल्यों और आदर्शों पर चलेंगे, मर्यादाओं पर चलेंगे, वैसा ही मर्यादाओं वाला देश, चरित्रों पर चलने वाला देश, चारित्रिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जो पतन हुआ है उसको हमें उत्थान में तब्दील करना है। और ये स्वदेशी का संकल्प हमें जन जन तक लेकर के जाना है। आइए एक बार फिर से हृदय की संकल्प को दोहराते हैं। और ये पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र के खिलाफ एक आवाज हम पूरे देश में उठाएंगे, देश को जगाएंगे और देश का, गांव का आम आदमी, अंतिम आदमी भी जागेगा, मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी जागेगा और हर देशभक्त के भीतर से जब ये आवाज उठेगी कि अब मैं देश को लूटने नहीं दूंगा, देश का मैं गद्दार नहीं, देश का वफादार मैं सिपाही हूं, मुझे अपने इस भारत को बचाना है, बस स्वदेशी को अपनाना है, जागने का वक्त आ गया। चलिए झूमते हुए गाते हैं और ये संदेश जन जन तक हम लेकर के जाएंगे। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे, देश के लोगों के बीच में यह आवाज हम गूंजने देंगे। जागने का वक्त आ गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। देश की मिट्टी से हमने जन्म पाया है, ये जीवन यदि इस वतन के काम आता है, इससे बड़ा और सौभाग्य जीवन का कुछ नहीं हो सकता। आइए गाते हैं। खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। गरजता तूफान आज इन दिनों में उठ गया, गरजता तूफान आज इन दिनों में उठ गया, जो छकोर कर जगा गया, जगा गया, हो जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुके, मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुके, काल की करार शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुके, काल की करार शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुके। जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, मौत को वही झुका गया, झुका गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, हाँ जागने का वक्त आ गया।